मैं कभी कभी सोचता हूँ कि ये सिगरेट या बीड़ी पीने का क्या परिणाम होगा। क्या ये मेरे स्ट्रोक का कारण बन जाएगा जो मुझे अपने परिवार पर बोझ बना देगा? क्या ये मेरे फेफड़ों के कैंसर का कारण बन जाएगा? क्या ये मुझे मुंह के कैंसर या हृदय रोग या एम्फिसीमा के करीब लाएगा? अगली बार जब आप सिगरेट या बीड़ी पीने की सोचें तो खुद से पूछें, ये सिगरेट या बीड़ी पीने का क्या परिणाम होगा? तंबाकू आज ही छोड़ें। सहायता के लिए 1800-11-2356 पर कॉल करें या मिस कॉल दें 01-22-901-701 पर। This channel does not promote or promotion any illegal activities. All content provided by this channel is meant only for educational purpose only. हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम जिस मूवी के रिगार्डिंग बात करने वाले हैं उस फिल्म का नाम है मच्छरेला नियोजा का वारगम। तो दोस्तों, ये फिल्म कौन सी और आपको कहाँ पे देखने को मिलेगा पूरी जानकारी आज की इस वीडियो में हम देंगे। दोस्तों, अगर आप इस साउथ की फिल्मों को देखना पसंद करते हो और नितिन के फैन हो और ये मूवी मच्छरेला नियोजा का वारगम फिल्म को हिंदी डब में देखना चाहते हो तो प्लीज़ आप मुझे नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो चलिए दोस्तों, बगैर देरी के आज की इस मूवी रिव्यू को हम स्टार्ट कर लेते हैं। तो दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप रिक्वेस्ट है कि आपने अभी तक हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके पास वाले बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि हमारी हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक आसानी से चला जाए। चलिए दोस्तों, आप बात कर लेते हैं यहाँ से इस फिल्म के बारे में, मच्छरेला नियोजा का वारगम मूवी के बारे में। तो दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं इस मूवी के रिलीज डेट के बारे में। तो बता दें दोस्तों, इस फिल्म को 12 अगस्त 2022 को सिनेमाघरों में रिलीज किया गया है तेलुगु भाषा में। और बात कर ले इस मूवी के हिंदी वर्जन के बारे में तो ये मूवी अभी आपको हिंदी वर्जन में देखने को नहीं मिलता है। दोस्तों, वहीं पे बात कर ले इस मूवी की बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में तो दोस्तों, इस फिल्म ने 15 करोड़ से आधे की कमाई कर ली सिर्फ 5 दिनों में और इस फिल्म को हिट होने के लिए कम से कम 50 करोड़ तक कमाई करना होगा। दोस्तों, वहीं पे बात कर ले फिल्म के मुख्य स्टार कास्ट के बारे में तो फिल्म में नितिन एन कीर्ति शेट्टी अभिनय करते हुए नजर आ रही है। और बात कर ले फिल्म के डायरेक्टर के बारे में तो इस फिल्म को राजशेखर सर ने डायरेक्ट किया है और फिल्म की कहानी भी राजशेखर सर ने ही लिखे हैं। और साथ ही साथ दोस्तों, बात कर ले इस फिल्म की प्रोड्यूसर के बारे में तो बता दें दोस्तों, इस फिल्म को सुधाकर रेड्डी सर ने प्रोड्यूस किया है। और बात कर ले फिल्म की प्रोडक्शन कंपनी के बारे में तो इस मूवी को श्रेष्ठा मूवी एंड आदित्य मूवी के बैनर तहत बनाया गया है जो आपको अभी हिंदी वर्जन में देखने को नहीं मिलेगा। दोस्तों, इस फिल्म के अंदर नितिन जो सिद्धार्थ रेड्डी के रूप में अभिनय करते हुए नजर आ रहे मूवी के अंदर। और बात कर ले कीर्ति शेट्टी के बारे में तो स्वाति के रूप में अभिनय करते हुए नजर आ रही है। दोस्तों, चित रेना तेरेसा के बारे में हम बात कर ले तो निधि के रूप में अभिनय करते हुए नजर आई है। और साथ ही साथ इस फिल्म के राजेंद्र प्रसाद के बारे में हम बात कर ले तो सुरेंद्र के रूप में अभिनय करते हुए नजर आए हैं। साथ ही साथ आपको इस फिल्म में मुरली शर्मा भी देखने को मिल जाते हैं जहां पे नरेंद्र के रूप में इस फिल्म में अभिनय करते हुए नजर आए हैं। इसी के साथ बता दें दोस्तों, मच्छरेला नियोजा का वारगम मूवी 2022 की भारतीय तेलुगु भाषा की एक्शन मूवी है जिसमें MS राजशेखर रेड्डी द्वारा लिखित और निर्देशित किया गया है। बता दें दोस्तों, इस फिल्म में श्रेष्ठ मूवी द्वारा निर्मित की गई है। फिल्म में नितिन कीर्ति शेट्टी और कैथिन त्रसा अभिनय करते हुए नजर आए हैं। इसे 12 अगस्त 2022 को सिनेमाघरों में रिलीज किया गया है और इसे आलोचकों से नकारात्मक समीक्षा मिली है। दोस्तों, फिल्म में सिद्धार्थ रेड्डी को आंध्र प्रदेश के गुंटूर जिले के लिए इस फिल्म में चुना गया है जहाँ पे कलेक्टर के रूप में पोस्टिंग मिलती है। वहां एक जो है स्थानीय उपप्रवादी और राजनेता रजप्पा के खिलाफ जो है लड़ाई लड़ते हैं। दोस्तों, फिल्म को 10 सितंबर 2021 को श्रेष्ठ मूवीज ने नियमित किया था कि इस फिल्म के लिए चतुर्थी के अवसर पर नितिन के साथ अपनी आगामी फिल्म के पूजा समारोह के साथ एक घोषणा की क्योंकि वहाँ पर आदित्य म्यूजिक एंड साथी एंटरटेनमेंट के सहयोग से श्रेष्ठ मूवीज के बैनर के तले निर्मित की गई है। वहीं पर प्रिंसिपल फोटोग्राफी के बारे में हम बात कर ले तो मूवी की शूटिंग 2021 में शुरू की गई थी। दोस्तों, जैसे कि आपको पता है इस फिल्म को 12 अगस्त 2022 को सिनेमाघरों में रिलीज किया गया है तो वहीं पे चलिए बात कर लेते हैं मूवी की रिव्यू रेटिंग के बारे में। तो रिलीज होने के बाद मच्छरेला नियोजक का वारगम मूवी को आलोचकों से नकारात्मक समीक्षा मिली है। पिंक विल्ला के अरविंद ने इस फिल्म को 5 में से 2 स्टार की रेटिंग दिया और उन्होंने लिखा है, मच्छरेला नियोजक का वारगम मूवी की कहानी उस सभी यानी कि गलत यानी कि बॉक्सों की कहानी है जहाँ पे जांच करती है जिन्हें एक जो है बीते युग के पुन जो है प्रस्तुत की गई है। एक विधवा को धमकी दिया जाता है जहाँ पे 123 तेलुगु ने लिखा है कि ये फिल्म कुछ यानी कि चुनिंदा सामूहिक क्षणों के साथ नियमित है। यहाँ पे पुराने एक्शन ड्रामा रखे गए हैं। द टाइम्स ऑफ इंडिया की निशिता न्यायपति ने फिल्म को 5 में से 1.5 स्टार की रेटिंग दिया है और उन्होंने लिखा है, मच्छरेला नियोजक वारगम मूवी दुखी भरी फिल्म है जहाँ पे सभी शैली और कोई भी यानी कि पदार्थ नहीं है। द न्यू इंडियन एक्सप्रेस के मुरली कृष्णा CH ने कहा है कि मच्छरेला नियोजक का वारगम मूवी जो है दर्दनाक रूप से अनुमानित है जहाँ पे हास्यास्पद रूप से दोहरावा वाली
फिल्म है। जी हाँ दोस्तों, आपने सही सुना, बड़े बड़े जो न्यूज रिपोर्टर थे उन्होंने इस फिल्म के बारे में ऐसे रेटिंग दिए हैं। दोस्तों अगर आप लोग इस फिल्म को देख चुके हो तो आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं इस फिल्म को आप कितना रिव्यू रेटिंग दे सकते हैं, क्योंकि दोस्तों फिल्म की कहानी अच्छी हो तो मूवी को देखने का मजा ही कुछ और होता है। और अभिनेता नितिन की मूवी तो काफ़ी अच्छी जो है पॉपुलरिटी हासिल करती है रिलीज होने के बाद। तो चलिए दोस्तों अब बात कर लेते अभिनेता नितिन के बारे में कि इन्होंने अब तक कितने फिल्मों में अभिनय किया है। बता दें दोस्तों इनके बारे में मैंने कई सारे वीडियो में ऑलरेडी बतला रखा है, तो दोस्तों अगर आप हमारे वीडियो को कंटिन्यू देखते हो तो आपको पता ही होगा। तो चलिए दोस्तों यहाँ से हम बात कर लेते अभिनेता नितिन के बारे में। बता दें दोस्तों साउथ के सुपरस्टार नितिन ने अपने करियर की शुरुआत 2002 में तेजा द्वारा निर्देशित की गई फिल्म जैम से की थी, जहाँ पे निर्देशक तेजा ने उन्हें दूरदर्शन से लेकर 35 मिनट के साझवे थिएटर में उनकी फिल्म जो है नुब्बू नैनू के साथ स्क्रीन में दो मौके पर देखा था। फिर तेजा ने उनसे उनकी अभिनय रुचि के बारे में पूछताछ की थी और एक स्क्रीन टेस्ट के साथ फोटो सेशन के साथ किया था। उन्हें अपने निर्देशन और प्रोडक्शन वेंचर के साथ जो है जैम के लिए लीड के रूप में उनको चुना था। और साथ ही साथ आपको बताते वहाँ पे शादा और शादी गोपीचंद अभिनीत भी थी, जो साल 2003 में नितिन ने बीबी विनायक धारा निर्देशित की गई फिल्म दिल में अभिनय किया था। दिल राजू धारा निर्मित किया गया था इस फिल्म को। और बाद में उसी वर्ष नितिन ने शादी दशरथ धारा निर्देशित की गई फिल्म जो है शंभारम में अभिनय किया था। आपको बता दें सन 2004 में नितिन ने कृष्णा वामसी धारा निर्देशित की गई श्री जोहन के अजनम में अभिनय किया था, जहां उन्होंने भगवान हनुमान के भक्त के रूप में भूमिका निभाई थी। ये पहली फिल्म भी है जहां पे नितिन ने अपने संवादों को ड्रॉप किया था, जिसे जो है तब तक जो है यानी कि शिवाजी ने आवाज़ नहीं दे दी थी। बताया दोस्तों SS राजा मौली धारा निर्देशित की गई उनकी 2004 की फिल्म जो है साई के बाद नितिन कई जो है फिल्मों में दिखाई दिए थे, जिनमें से कुछ जोहन की धर्यम, आज्ञा और सीता रामूला फिल्म था जहाँ पे कल्याण है। और वहीं पे हालांकि उनमें से कोई भी फिल्म जो है व्यावसायिक रूप से सफल नहीं रही। नितिन को तेलुगु सिनेमा में किसी भी अभिनेता द्वारा सबसे यानी कि लगातार फ्लॉप की जाने वाली 12 का गौरव प्राप्त है, जो उन्होंने साल 2012 में विक्रम कुमार द्वारा निर्देशित की गई रोमांटिक ड्रामा फिल्म इश्क के साथ जो है कई वर्षों के बाद सफलता का स्वाद इन्होंने चखा था। इसी के साथ 2012 से लेकर 2016 तक ने इस इश्क फिल्म में नितिन ने नित्या मेनन के साथ जोड़ी बनाई, जिसे उनके पिता जो है सुधाकर रेड्डी ने भी सह निर्मित किया था। उन्होंने साल 2013 में फिल्म गुंडे जारी के साथ जो इनकी गलन था येंदे में अभिनय किया था, और ये फिल्म एक सफल मूवी थी जहाँ पे अभिनेता नितिन के साथ ईशा तलवार और नित्या मेनन ने मुख्य भूमिकाएँ निभाई थी। बाद में उन्होंने साल 2014 में एक करुणाक्रम धारा लिखित और निर्देशित की गई फिल्म जो है जिन्नात न की और साथ ही कोशम में अभिनय किया था, जिसे जो है एन सुधाकर रेड्डी और निकिता रेड्डी ने अपने होम बैनर सीरीज जो है मूवी के तहत निर्मित किया था। और बाद में वर्ष में उन्होंने पूरी जगन्नाथ धारा निर्देशित की गई हॉट अटैक में मुख्य भूमिका निभाई थी। उन्होंने एक हिप्पी की भूमिका निभाई और फिल्म को मिश्रित समीक्षा दी गई थी। उन्होंने प्रेम असाई धारा निर्देशित की गई और गौतम वासुदेव धारा मिनन धारा निर्मित की गई साल 2015 में रिलीज हुई फिल्म जो है कुरियर बॉल के साथ कल्याण में एक जो है यानी कि कुरियर बॉय की भूमिका निभाते हुए इनको देखा गया था। बेहतर सूत्र की आवश्यकता ये थी कि नितिन ने फिल्म AA 2016 में अभिनय किया और लिखा है कि त्रिविक्रम श्रीनिवास द्वारा निर्देशित की गई समांता रूथ प्रभु और अनुपमा परमेश्वर के साथ जो है ये फिल्म नितिन के करियर के सबसे बड़ी कमाई करने वाली फिल्म साबित हुई थी। जी हाँ दोस्तों, आपने सही सुना। तो दोस्तों अगर आप नितिन के फैन हो और इनकी मूवीज को देखना चाहते हो तो आपसे रिक्वेस्ट है इस वीडियो को लाइक करके इस वीडियो में आप अंत तक जरूर बने रहिएगा, क्योंकि दोस्तों आपको पता है हमारे यूट्यूब पर आपको मूवी रिव्यू, मूवी की बजट एंड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन देखने को मिलता है। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम एक्सप्लेन कर रहे हैं मचरेला न्यूजक का वारगम फिल्म को। तो अगर आप लोग इस फिल्म को देखना चाहते हैं तो प्लीज आप मुझे नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो चलिए दोस्तों वीडियो में हम आगे बढ़ते हैं। दोस्तों अभिनेता नितिन ने अपने करियर में कई सारी फिल्मों में अभिनय किया है और ये एक लौते अभिनेता है जिन्होंने लगातार 12 फिल्मों को फ्लॉप किया है। साल 2017 में नितिन ने फिल्म जो है ली में अभिनय किया, जिसने हनु एंड सती राघव पुडी धारा निर्देशित किया गया था। इसने आलोचकों से औसत समीक्षा प्राप्त की और बॉक्स ऑफिस पे अच्छा प्रदर्शन करने में विफल रही। साल 2018 में नितिन की चल मोहन रंगा को कृष्णा और चैतन्य ने सह कलाकार मेघा आकाश के साथ निर्देशित किया था। फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पे खराब प्रदर्शन किया था। दोस्तों नितिन की ये फिल्म भी बॉक्स ऑफिस पे उतने ज़्यादा कामयाबी हासिल नहीं की। उसके बाद के वर्षों में उन्होंने श्री निवास धारा कल्याण में राशि खन्ना के साथ अभिनय
ने किया था। और आपको बता दें सतीश जो है वेगनाधारा निर्देशित किया गया था उनकी 2020 की फिल्म भीषम वेंग की कुद्दू मूलधारा निर्देशित की गई रश्मिका मंदाना के साथ अभिनीत एक जो है व्यावसायिक सफलता फिल्म थी। आपको बता दें नितिन ने रकुल प्रेम सिंह के साथ इन प्रियंका प्रकाश वारियर की सह कलाकार वाली मूवी चेक फिल्म में अभिनय किया था, जिसे 2021 के लिए निर्देशित यानी कि चंद्रशेखर इलेटी के साथ सहयोग किया गया था। वर्ष की उनकी दूसरी रिलीज रंगदे फिल्म थी जिसका निर्देशन वेंग की अतलूरी ने किया था और इसमें कीर्ति सुरेश के साथ अभिनय किया था। वर्ष की उनकी तीसरी रिलीज मूवी ब्लैक कॉमेडी क्राइम थ्रिलर मेस्टो मूवी थी, जिसे 17 सितंबर 2021 को डिज्नी प्लस हॉटस्टार पे डायरेक्ट जो है टू स्ट्रीमिंग के लिए रिलीज किया गया था। उन्होंने एक जो है पियानो वाद की भूमिका निभाई फिल्म के अंदर और आलोचकों ने फिल्म में उनके प्रदर्शन की प्रशंसा की। और ये हिंदी फिल्म जो है अंधाधुन की रिमेक बनाई गई है जो बेहतर श्रोतों की जरूरत थी वहाँ पे। और सितंबर 2021 में उन्होंने अपनी अगली फिल्म यानी मचरेला न्यूजक का वार्गम मूवी के लिए फिल्मांकन इन्होंने शुरू किया है। इसको हाल ही में रिलीज की गई है जिसकी रिव्यू इस वीडियो में हम कर रहे हैं। चलिए दोस्तों अब बात कर लेते हैं अभिनेत्री तेरेसा के बारे में। उन्होंने सबसे पहले अपने अभिनय की शुरुआत 2010 की मूवी कन्नड़ फिल्म शंकर से की थी। ये मूवी दुनिया भर में विजय के साथ ही जहाँ पे तेरेसा ने मलयालम फिल्म में दिखाई दी। ये मूवी थ्रिलर और साथी जो है कि अंबू कदम ब्रदर्स मूवी था जहाँ पे बैक इन एक्शन में अभिनय किया था। ये फिल्म साल 2011 में उन्होंने कन्नड़ फिल्म जो है विष्णु में एक भूमिका निभाई थी। इसके बारे में उन्होंने कहा था कि वे उनके वास्तविक जीवन के समान रूप से विपरीत फिल्म थी। इसके बाद के साथ कन्नड़ फिल्म जो है इनकी गॉड फादर आई थी, इसे सिनेमाटोग्राफर से फिल्म निर्माता बने थे। और आपको बता दें सेतु श्रीराम ने निर्देशित किया था इस फिल्म को और फिल्म में त्रासा का चरित्र जो है मानसिक रूप से विपक्ष रखा गया था। ये फिल्म महिला का था जहाँ पे उनके प्रदर्शन ने उन्हें 60वें फिल्मफेयर अवार्ड साउथ में सर्वश्रेष्ठ हास्य अभिनेत्री के श्रेणी में एक पुरस्कार के लिए पहला नामांकन दिलाया था। दोस्तों इसके बाद उन्होंने नीलकांत धारा निर्देशित की गई छमक मूवी छमक छल्लो मूवी के लिए साइन अप किया गया था इनको। इसमें उन्होंने एक शहरी साहसी की इंसाती गतिशील लड़की की भूमिका निभाई थी। ये फरवरी 2013 में रिलीज हुई थी और बॉक्स ऑफिस पे असफल रही थी, लेकिन उसने ध्यान दिया था और सकारात्मक समीक्षा प्राप्त की थी। आपको बता दें apheat.com ने उसे देखने के लिए एक दावत दिया था और कहा था 123telugu.com ने कहा कि अगर वह अपने पत्ते सही से खेलती है तो उसने भविष्य में यानी कि सुपरस्टार बनने की क्षमता है। साथ ही साथ तेरेसा ने पूरी जगन्नाथ की तेलुगु फिल्म में इन्होंने अभिनय किया, मुख्य भूमिका निभाई इस फिल्म में। और फिल्म जून 2013 में रिलीज हुई थी और उसे खूब समीक्षा मिली थी, जहाँ पे टाइम्स ऑफ इंडिया ने रिपोर्ट किया है कि कैथरीन तेरेसा जो है कि आकांक्षा के चरित्र पर पूरी तरह से शूट करती है। जहाँ पे इस फिल्म के बारे में string.com ने उन्हें सीक्रेट एंड साथी ए स्मोकिंग हॉट कहा था, जबकि आइडियल ब्रेन जीव ने अपनी समीक्षा में कहा था कि थोड़ी फाइनल जो है ट्यूमिंग के साथ वह तेलुगु फिल्मों में बड़ी बन सकती है। तेरेसा जो है अपनी अगली बार पैसा में कृष्णा वंशीधारा फिल्म में एक मुस्लिम की भूमिका निभाते हुए दिखाई दी थी, जो प्यारी है बहुत यानी कि हिचकिचाती हुई है फिल्म में और अपनी आंखों से बहुत कुछ यानी कि बोलती है। और इसे छमक छलो में जो यानी कि मैं खेलती हूँ उन्होंने कहा था विपरीत थी, जो साल 2014 में उन्होंने मद्रास के साथ तमिल फिल्म उद्योग में अपनी शुरुआत की, जिसमें उन्होंने कार्तिक के साथ अभिनय किया था। दूसरी तमिल फिल्म एस के साथ यानी कि थनु एंड प्रोडक्शन के साथ जो है कनीथन के साथ, जिसका निशन जो डेब्यूटेंट एंड संतोष सर ने किया है, जिसमें वह आधारवा के साथ अभिनय करेंगी। उन्हें दो तेलुगु फिल्मों के लिए साइन अप किया गया है। सबसे पहले गुणशेखर की रुद्रमा देवी मूवी, पहली जो है भारतीय 3D मूवी ऐतिहासिक फिल्म है। और आपको बतला दें इरावत, जिसे जो है कि दशहरी नारायण राव धारा निर्देशित की गई और निर्मित किया जा रहा है, जो आपको इस वीडियो में हम बतलाएंगे। तो दोस्तों अगर आप इस साउथ की फिल्म को देखना पसंद करते हो तो इस वीडियो में आप अंत तक जरूर बने रहिएगा। द मूवी स्टोरी इज अ सिद्धार्थ रेड्डी गेट द एंड पोस्टिंग एंड डिस्ट्रिक्ट द कलेक्टर फॉर द एंजेंटर डिस्ट्रीब्यूटर आंध्र प्रदेश थेरिज द गोट अगेंस्ट एंड रजप्पा लोकल रॉडी एंड द पुलिस स्टेशन ऑन द 10 सितंबर 2021 द श्रेष्ठ मूवी मेड एंड द अनाउंसमेंट ऑन द एन एसोसिएशन ऑफ द वेंकी चटुरी विद द पूजा एंड कमोडनी ऑफ द थियर एंड अपकमिंग मूवी विद द नितिन इज द एंड प्रोड्यूसर अंडर द बैनर ऑफ श्रेष्ठ मूवी इन एसोसिएशन विद द आदित्य मूवी एंड एंटरटेनमेंट प्रिंसिपल फोटोग्राफी एंड कमीशन इन सितंबर 2021। द फिल्म वॉज द रिलीज
रिलीज इन थिएटिकल ऑन 12 अगस्त 2022। द मैकलेरा न्यूजा का वार्ग मूवी रिसेप्ट नेगेटिव रिव्यू एंड फ्रॉम क्रिटिक्स द एन अरबिन बी ऑफ द इन पिंक विल रेटेड द फिल्म 2 out of 5 stars एंड वरुड द स्टोरी ऑफ द मैकलेरा न्यूजा का वार्गम चेक ऑल द इन वर्ग इन द वरुंग बॉक्स ऑफिस द एंड बॉक्सेस हैव एंड Nominated from the in Bayung Art and Theatrical Vidu is the 123 Telugu Varud the film and Rotten and the outright action drama with is select from the and miss the moment and Nishita Nayapati of the Times of India rated the 1.com 1.5 star out of the 5 star would be in Maklera. Nijoka Wargam is the end sadly of and the suddenly all the style and the end subscended the end Murli Krishna and of the New Indian Express state the end Maklera. Nijoka Wargam movie and painfully and portable is the end recently in the positive and the negative review from the 2022. Film star Nitin is the made here the action debut in 2002 with the end romance action film GM 2002. He won to be in Filmfare Award for Best Male Debut Short for his the end performance the Nitin and operated in the Dil movie 2003, Sri Anjana movie 2004 and the Sea 2004 and after the series of the end failure of the box office Nitin the end achieved success with the end romance film Ishq movie 2012 the other successful film in the schedule and the Ganjiri and Goliath movie 2013, Heart Attack movie 2014, AA movie 2016 and the Bhisham film 2020. In the 2013, Nitin the end established the How the Film Production Studio in Shrestha movie and Nitin is the brand ambassador from the Swiss the end and the Swachh Bharat campaign from the end state of the movie. The film is the personal. Nitin Kumar Reddy was the on the 30 March 1983 to the film and distributed the and Sudhakar Reddy and Lakshmi Reddy he is the an elder sister the named the Nikita Reddy he the completed the education of the in Gitanjali school in Bagumati. The movie is the entertainment the education from the and Ratna Junior College he the and pursued he the and graduation at the in Southern College the in engineering of the and technology and Gandeep he the father later the end turned the producer and the produced to be movie with the end Gandhijari and the movie and Kaneda the and Kosam the Nitin added the extra in his the end name of the end express the Nitin his the in 2022 Nitin was the end engaged to his the girlfriend the Salini and Kandukari on 26 July the marriage at the end Falkunuma in Falkunuma Palace Hyderabad the end marriage was the originally schedule of the movie held on 16 April same years in Dubai but was the postponed due to his the lockdown and restrict imposed in the and the response COVID-19. Nitin started his career with the movie in GM in 2002 and directed by the Teja director Tej was the him and the Sudarshan 35mm the entry is the screening of the film Nuhu Nenu was the to an association the and the Teja the inquiry is the about action the interest and movie screen test in the photo and the association the selected hit the and lead from his the and directorial and production what the GM movie also starring the and Sudha and Gopi in 2013 Nitin acted by the Dil directed by the B.V. Vinayak and produced by the Dil Raju later in the film. Dil Raju is the movie the same year the Nitin acted in the movie in Samantha directed by the N. Dasharath K. In 2004 Nitin starred the Sri Anjanam directed by the Krishna Vamsi in where the he played the role of the N. A debut to be of the end Lord Hanuman. This also the first film where the N. Nitin debut his the N. dialogue will the until was the N. voiced by the N. Shivaji. The following of the movie 2004 film say directed by the S.S. Rajamouli Nitin approached by the and number of the film scene of the which are the end Dram Agyata at the Sita and Romula Kalam the and however known of this film where the end completely successful Nitin also hit the word and distributed of the most and consecutive flop the 12 by any actor in Telugu cinema. He stayed the success after the in many years with the 2012 Vikram Kumar directed by the romantic drama film Ishq movie. Ishq movie Nitin played by the end opposite the Nithya Menon which was the also co and produced by the father Sudhakar Reddy. He acted in movie and Gunde Jari and Gulatham in 2013 the Isha Talwar and Nithya Menon played by the lead role Ishq movie and along with the Nitin later he then acted by the
इन द कनाडा मूवी कुसुम फिल्म वेटिंग एज द इंडक्टर बाय द ए करुणाकरण इन 2014 ऑल्सो द एंड प्रोड्यूसर द बॉय एंड सुधाकर रेड्डी हैज द सिस्टर नितिन रेड्डी अंदर थियर द मूवी एंड बैनर द एंसरेस्ट मूवी लेटर बाय द पुरी जगन्नाथ प्ले द एंड लीड इन हार्ट अटैक मूवी डायरेक्टर बाय द पुरी जगन्नाथम इज द मूवी इन रोल ऑफ द एंड हैपेड बाय द मूवी गोट द मिक्सेज रिव्यू ही एक्टेड द रोल ऑफ द क्वाली बॉय द मूवी एंड क्वाली बॉय एंड कल्याण रिलीज इन द 2015 डायरेक्टर बॉय द एंड प्रेम मसाई प्रोड्यूसर बॉय द एंड गुथामदी वामसी मिलन द नितिन एंड एक्टर बॉय द ए आर 2016 वेटन एंड डायरेक्टर बॉय द एंथनी विक्रम श्रीनिवास अपोजिट द समांथा राउट द प्रभु एंड अनुपमा एंड परमेश्वरा द फिल्म बिक्योम हिज द एंड बिगेस्ट द एंड प्रोसेसर इन नितिन करियर इन 2017 नितिन एक्टेड बॉय द एनली विच वॉज द डायरेक्टर बॉय द हनु एंड राघुपति and the generated average review from the movie and critics directed by Hanu Raghava Puddi and generated average review from the critics and the cloud not perform will be at the box office in 2018 Nithin the Anchal Mohan Aranga directed by the Krishna Chetnya Vidhi starred the Mega Akash the film and performed the Puri the box office later the years and starred the in Srinivas Kalyan in opposite the Rashi Khanna and directed by the Anshasti and Vaksa is 2020 फिल्म द भीषम मूवी डायरेक्टर बाय द वंकी एंड कुदुमुल्ला स्टार द अलॉन्गसाइड रश्मिका मंदाना वाज द कॉमर्शियल सक्सेसफुल मूवी नितिन एंड कोलैबोरेटेड विद द डायरेक्टर बाय द चंद्र शेखर एलटी फॉर द चेक मूवी 2021 को स्टार रघुल प्रीत सिंह एंड प्रियंका वेड्री हिज द सेकेंड रिलीज ऑफ द फिल्म यर्स रंग द मूवी डायरेक्टेड बाय द वंकी अतलोरी एंड द स्टार द अलॉन्गसाइड कीर्ति सुरेश हिज द एंड रिलीज ऑफ द फिल्म यर्स द ब्लैकमेल एंड द ब्लैक कॉमेडी एंड क्राइम थ्रिलर मेस्ट्रो फिल्म which is the end directed by the strong release on the Disney Plus Star on 17 September 2021. He played the role of the Penicity with the Anko movie as a performance and the film and remake of the movie film The End Andhadhun in September 2021. He's the and next film the MacLear Neojakar movie in the movie in the which was the 2022. बता दें दोस्तों मक्लेरा नियोजक का वारगम फिल्म की कहानी स्टार्ट होती है सिद्धार्थ रेड्डी को आंध्र प्रदेश के गुंटूर जिले के लिए उनको भेजा गया है कलेक्टर के रूप में पोस्टिंग मिलती है वहां पे वह एक स्थानीय उग्रवादी और राजनेता रजप्पा के खिलाफ लड़ते हैं बता दें दोस्तों फिल्म को 10 दिसंबर 2021 को श्रेष्ठ मूवी के नियमित के बैनर तक इस फिल्म को चतुर्थी के अवसर पर नितिन के साथ अपनी आगामी फिल्म के पूजा समारोह के साथ घोषणा किया गया था ये फिल्म आदित्य म्यूजिक एंड एंटरटेनमेंट के सहयोग से श्रेष्ठ मूवी के बैनर के तले निर्मित की गई है मूवी की प्रिंसिपल फोटोग्राफी सितंबर 2021 में शुरू हुई थी दोस्तों जैसे कि आपको पता है फिल्म को 12 अगस्त 2022 को सिनेमाघरों में रिलीज किया गया रिलीज होने पर फिल्म को कुछ नेगेटिव रिव्यू भी मिले हैं दोस्तों मचरेला नियोजक का वारगम फिल्म को आलोचकों से नकारात्मक समीक्षा मिली है पिंक विल्ला के अरविंद दिनी ने फिल्म को 5 में से 2 स्टार का मूल्यांकन किया और लिखा है मचरेला नियोजक का वारगम मूवी की कहानी उन सभी गलत बॉक्सों की जांच करती है जिन्हें एक बीते हुए युग के साथ एनकेशन प्रस्तुत किया जाता है एक विधवा को धमकी देना और 123 तेलुगु ने लिखा है कि ये फिल्म कुछ यानी कि चुनिंदा सामूहिक जो क्षणों के साथ नियमित और पुरानी एक्शन ड्रामा फिल्म है जो द टाइम्स ऑफ इंडिया की निशिता न्यायपति ने फिल्म को 5 में से 1.5 स्टार की रेटिंग दिया और लिखा है मचरेला नियोजा का वारगम मूवी दुखी वाली बात है जहाँ पे सभी शैली और कोई भी यानी कि पदार्थ नहीं है द न्यू इंडियन एक्सप्रेस के मुरली कृष्णा NCH ने कहा है कि मचरेला नियोज का वारगम फिल्म यानी कि दर्दनाक रूप से अनुमानित है और हास्य सबक रूप से दोहराव वाला फिल्म हो सकती है जिसे 2021 के अंदर तेलुगु भाषा में रिलीज किया गया था दोस्तों अगर आप इस फिल्म को यूट्यूब पर हिंदी डॉट में देखना चाहते हो तो आप मुझे नीचे कॉमेंट करके जरूर बताइएगा क्योंकि दोस्तों आज की इस वीडियो में हम इस मूवी को फुल हिंदी में एक्सप्लेन कर रहे हैं बता दें दोस्तों हमारे यूट्यूब चैनल पर आपको मूवी रिव्यू मूवी की बजट एंड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन यहाँ पे देखने को मिलता है दोस्तों मैं यहाँ पे किसी भी कंपनी की फिल्म को अपलोड नहीं कर सकता ये मैंने आप लोगों को कई सारे वीडियो में ऑलरेडी बतला रखा है तो दोस्तों आई होप कि आज का वीडियो आप लोग को जरूर पसंद आ रहा होगा तो चलिए दोस्तों अब बात करते हैं फिल्म की रिव्यू रेटिंग के बारे में बता दें दोस्तों अगर आप लोग इस फिल्म को देख चुके हो तो आप लोग इस मूवी को कितना रिव्यू रेटिंग देना चाहते हो आप मुझे नीचे कॉमेंट करके जरूर बताइएगा बता दें दोस्तों जुलाई 2020 में रिलीज हुई फिल्म के टीजर ने संक्रांति के अवसर पर 14 जनवरी 2021 को रिलीज होने की समय
में शारणी की घोषणा की। हालांकि 1 जनवरी 2021 को फिल्म के निर्माताओं ने फिल्म के रिलीज को 26 मार्च 2021 तक के लिए पुनर्निर्धारित किया था, क्योंकि फिल्म डिजिटल रूप से 12 जून 2021 को G5 पर रिलीज किया गया था। फिल्म को तमिल में मिस्टर एंड साथी मिसेज अर्जुन के रूप में ड्रॉप किया गया और रिलीज भी किया गया था। दोस्तों, हेमंत कुमार ने इस फिल्म के लिए फर्स्ट पोस्ट की। आपने जो है समीक्षा में फिल्म को 3.5 का मूल्यांकन किया और लिखा रंगदे फिल्म कीर्ति सुरेश और नितिन के लिए एक अच्छी फिल्म है। कीर्ति सुरेश और नितिन के बीच जो है ऑन स्क्रीन केमिस्ट्री पर बहुत अधिक निर्भर है, जो कि दोनों ने इंसाते प्रभावशाली प्रदर्शन किया है फिल्म के अंदर। हिंदू आलोचक संगीता देवी डंडू ने इसका वर्णन किया और एक आने वाली उम्र की कहानी एन हास्य में डूबी के रूप में फिल्म, और कहा जो है कीर्ति सुरेश जो है देखने के लिए एक इलाज है और फिल्म में नितिन हरियाणा के कदम पर उससे मेल खाते हैं। और देवी श्री प्रसाद का संगीत इस फिल्म में रखा गया है और दृश्य अंसादी के नवाजु है छायाकर एनपीसी सुरराम के साजुए शीर्षक पर आधारित है। फिल्म के लिए भी काफ़ी यानी काम किया गया। बता दें दोस्तों, फिल्म के बारे में इंडिया एक्सप्रेस के पत्रकार मनोज कुमार आर जिन्होंने फिल्म को 5 में से 3 स्टार रेटिंग दी थी और उन्होंने लिखा है नितिन और कीर्ति सुरेश फिल्म इन यानी कि उपप्रत्याशित जो है समय में एक यानी कि आरामदायक कंबल की तरह महसूस करते हैं और यह बहुत यानी कि आवश्यक गर्मी प्रदान करती है और आपको पुरानी यादों में आनंदित करने की अनुमति देती है ये मूवी। दोस्तों, फिल्म के बारे में डेक्कन क्रॉनिकल के एक समीक्षक ने महसूस किया है कि फिल्म में एक मनोरंजन होने की क्षमता रखी गई है, लेकिन परिभाषित क्षणों की कमी और साथ ही कमजोर लेखन इसकी जो यानी कि पूर्ववर्त है, लेकिन फिल्म में आपको एक अच्छी मुश्किल से स्थिति की जटिलता की गई है असातिशता को खरोचती है, जो कि विशेष रूप से दूसरी 6 माह में फिल्म आपको अच्छी लगती है। दोस्तों, चलिए अब बॉक्स ऑफिस के बारे में हम बात करते हैं। बता दें दोस्तों, रंगदेव फिल्म ने आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में अपने शुरुआती दिन में 6.7 करोड़ की कमाई की। फिल्म ने अपने पहले हफ्ता में दुनिया भर में 19.6 करोड़ की कमाई की और अपने नाटकीय रूप में और प्रदर्शन में अंत तक फिल्म ने 28.8 करोड़ की कमाई की और बॉक्स ऑफिस पर मूवी सफल नहीं रही। दोस्तों, क्योंकि रंगदेव मूवी की बजट 30 करोड़ है और बजट को रिकवर करने में फिल्म को थोड़ा सा दिक्कत हुआ था, क्योंकि ये मूवी जब रिलीज हुई थी उस वक्त कोविड-19 का दौरा चल रहा था और कोविड-19 की वजह से फिल्म ने उतनी बेहतरीन कमाई नहीं की। दोस्तों, फिल्म के अंदर नितिन अर्जुन के रूप में नजर आए हुए हैं, कीर्ति सुरेश अनुपमा के रूप में नजर आए हुए हैं, नरेश इस फिल्म में अर्जुन के फादर के रूप में नजर आए हैं, कौशल्या फिल्म में अर्जुन की मां के रूप में नजर आई हुई है, रोहिणी इस फिल्म में शैलाज के रूप में नजर आए हुए हैं, ब्रह्मा जी फिल्म में ट्रैवल एजेंट के रूप में फिल्म के अंदर नजर आए हैं। तो चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं रंगदेव फिल्म की कहानी के बारे में। बता दें दोस्तों, फिल्म की कहानी हो तो कोई भी मूवी आपको देखने में थोड़ा भी दिक्कत नहीं होता है और 2 घंटा कब निकल जाता है ये आपको पता भी नहीं चलता। और रंगदेव फिल्म की कहानी तो आपको अच्छी लगेगी, क्योंकि फिल्म में आपको रोमांटिक सीन देखने को मिलते हैं, लेकिन फिल्म बॉक्स ऑफिस पे सफल फिर भी नहीं हुआ। दोस्तों, क्या रीज़न हो सकता है फिल्म की फ्लॉप होने का? क्या कोविड-19 के समय में रिलीज हुआ, क्या ये सबसे बड़ा रीज़न है? आप मुझे नीचे कॉमेंट करके जरूर बताइएगा आप अपना राय। बता दें दोस्तों, फिल्म खुलती है बचपन में अर्जुन अपने माता पिता और आसपास के पड़ोस के सभी लोगों का ध्यान आकर्षित करता है, क्योंकि वह जिस यानी कि कॉलोनी में रहता है उसकी उम्र के बच्चे नहीं है, वह एक प्रेमिका की इच्छा रखता है। जब अनुपमा का अनु परिवार आता है तो अर्जुन के परिवार के सदस्य अनु से प्यार करते थे, जो कि उसमें इस शरीर के बीच जो है यानी कि बोता है। समय के साथ इस शरीर घृणा में बदल जाती है, लेकिन दूसरी ओर अनु उसके लिए पसंद करने लगती है। इन फिल्म के अंदर अर्जुन जो शिक्षा में गरीब है और उसकी तुलना हमेशा अनु से की जाती है, जो एक जो है कि होनहार छात्र है। उसे चिढ़ाया जाता है और यातना से बचने के लिए अर्जुन जो है कि MBA करने के बहाने दुबई जाने की योजना बनाता है, जहां उसकी बहन रहती है और अपने दोस्त के यानी कि कनेक्शन की मदद से जो एक जो है कॉन्सलेटिस का मालिक बन जाता है। अर्जुन जो है धोखेधारी के माध्यम से जीनेट एक जो है कि उत्कृष्ट स्कोर हासिल कर लेता है। उसके पिता एक पार्टी देते हैं और अर्जुन खुश हो जाता है उस पार्टी से और अनु से दूर जाने के बारे में भी राहत महसूस करता है। अर्जुन को तब सूचित किया जाता है कि उसका आवेदन जो है कि प्रतीक्षा सूची में है, क्योंकि उसके पास शीर्ष यानी कि विश्वविद्यालय के अन्य दो उनके साथ अवदेवकों की तुलना में 1 अंक कम है, जिसमें जो है उसने केवल 2 यानी कि रिक्त के साथ जो है सीटें की है।
जैसे भी वह यानी कि अपने जो है यानी कि विश्वविद्यालय इंसाती वरीयता को बदलने के लिए सहमत होता है। यह पता लगाया जाता है कि दो बेहतर स्कोर वाले छात्रों में से एक अनु है जो अर्जुन को निराश करता है। वह अनु की विदेश में पढ़ाई की योजना उसकी माँ को देता है जो नहीं चाहती है कि वह आगे पढ़े और बल्कि जो है उसे शादी के लिए मनाने की कोशिश करती है। अनु की कड़ी प्रतिक्रिया के साथ जो है यह यानी कि बड़ी लड़ाई में बदल जाता है और अंततः अनु को टूटे दिल से शादी के लिए राजी भी कर लिया जाता है। अनु की शादी के दिन वह सभी यानी कि आमंत्रितों को सामने आने इन साथी सार्वजनिक रूप से अर्जुन को चूमती है और लाचार होकर अर्जुन परिवार के दबाव में अनु से शादी कर लेता है। अपनी पहली रात को अनु ने खुलासा किया कि उसने अर्जुन और उसके दोस्तों के बीच एक चर्चा सुनी और उसे अर्जुन के बीमार होने के बारे में पता चला। इससे उसकी जो है कि पढ़ाई योजना खराब हो गई थी। वह कबूल करती है कि शादी एक बदला लेने की योजना थी और अर्जुन के पास अब यानी कि उसे अपने साथ विदेश ले जाने के अलावा कोई भी विकल्प नहीं है। वह शीर्ष यानी कि विश्वविद्यालय से वापस यानी कि आती है, वापस लेने के लिए दूसरे औद्योगिक वनों को यानी कि बरगलाता है। इन साथ ही शादीशुदा जोड़ा अब दुबई चला जाता है और फिल्म की कहानी आगे दुबई में चली जाती है। दोस्तों, दुबई जाने के बाद दुबई के बीच अर्जुन और अनु के बीच प्यार नफरत का रिश्ता है, क्योंकि नाइट पार्टी से वापस आने के एक दिन बाद उनमें से दो के बीच जो है हल्की शरीर जो है लड़ाई शुरू हो जाती है और अंत में वह सेक्स कर लेते हैं। अनु इन साथी गर्भवती हो जाती है, लेकिन अर्जुन इसके लिए तैयार नहीं है क्योंकि वह रिश्ते में खुश नहीं है और उसे गर्भपात कराने के लिए कहता है। उसका आरोप है कि अनु उसे शादी और अब जो है इनके पितृत्व में फंसाकर उसकी ज़िंदगी को नरक में बदल रही है। अपने आरोपों से नाराज अनु ने वादा किया कि वह एक बार उसकी पढ़ाई पूरी होने के बाद वह उसे तलाक दे देगी और उसे यानि कि गर्भावस्था में उसकी थोड़ी सी भी यानि कि भागीदारी की उम्मीद नहीं है। बता दें दोस्तों, फिल्म के जोड़े के बीच की यानि कि समस्या को भांपते हुए अनु और अर्जुन के माता पिता उनके पास जाते हैं और उन्हें शादी के लिए मनाने की कोशिश करते हैं। हालांकि उनकी सलाह से प्रभावित नहीं हुए अनु और अर्जुन ने तब तक जो है इनकी लड़ाई नहीं करने का फैसला किया जब तक उनके माता पिता रहेंगे यहाँ पे। इसी बीच अर्जुन उस समय जो है बहुत खुश होता है और जब जो है उसे लगता है कि बच्चा गर्व से यानी कि लात मार रहा है और धीरे धीरे अनु को उसके लिए प्यार का एहसास होता है। वह अनु के लिए प्यार भी यानी कि विकसित करता है जो उनके पास सबसे यानी कि अच्छे पलों को याद करता है। बता दें दोस्तों, अब तक की अपनी जो यानी कि नफरत के साथ जो है कैसे रहती है। जब वह अपने प्यार का इजहार करने के लिए उसके पास जाता है तो उसने तलाक के कागजात पर हस्ताक्षर कर दिए हैं और उसका इंतज़ार कर रही थी। अर्जुन चौंक जाता है और माफ़ी मांगता है और फिर उसे बताता है कि वह उससे कितना प्यार करता है। अंत में अपने बच्चे के जन्म के बाद वह फिर से मिल जाते हैं और फिल्म की कहानी यहीं पर समाप्त हो जाती है। तो दोस्तों, रंगदी फिल्म की शॉर्ट में कहानी मैंने आप लोगों को बतलाई है। आई होप कि ये कहानी आपको ज़रूर अच्छी लगी होगी। बता दें दोस्तों, इस वीडियो में हम एक्सप्लेन कर रहे हैं रंगदी मूवी की, तो इस मूवी की शूटिंग कैसे हुई थी, फिल्म में कौन से स्टार कास्ट होने वाले थे और फिल्म क्यों फ्लॉप हुई, इन्हीं सब चीज़ों के बारे में इस वीडियो में हम बता रहे हैं और फिल्म से जुड़े अननोन फैक्ट को वीडियो में बता रहे हैं। तो वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिएगा। दोस्तों, जून 2019 में उन्होंने दावा किया नितिन को विंकी अतलुरीधरन नीतीश एक जो है नई परियोजना के लिए संपर्क किया गया है। इसने जो है थोली प्रोमा का निर्देशन किया था और मिस्टर एन मजनू और साथ ही सितारा एंटरटेनमेंट को फिल्म का निर्माण करने की सूचना मिली थी। कीर्ति सुरेश को मुख्य भूमिका निभाने के लिए संपर्क किया गया था। सितारा एंटरटेनमेंट ने 24 जून 2019 को आधिकारिक तौर पर परियोजना की पुष्टि की, जिसमें नितिन और कार्तिक प्रमुख अभिनेता थे और अनुभवी छायाकार पीसी श्री राम ने परियोजना में अपने हिस्से की पुष्टि की। अगस्त 2019 में देवी श्री प्रसाद ने भी फिल्म के संगीत पर काम करना शुरू किया। दोस्तों, फिल्म को 8 अक्टूबर 2019 तक दशहरा के अवसर पर सितारा एंटरटेनमेंट के कार्यालय में लॉन्च किया गया था। हालांकि कुछ हिस्सों को हैदराबाद में फिल्माया गया था
लेकिन नितिन धारा जो है अपनी एक अन्य फिल्म भीषम के लिए एक गाने की शूटिंग की गई थी और इटली जाने के बाद टीम ने ब्रेक लिया था क्योंकि फिल्म के सिनेमाटोग्राफर पी सी श्रीराम धारा फरवरी 2020 में हैदराबाद में शूटिंग के साथ एक पर्दे के पीछे का एक वीडियो वायरल हो गया था। दोस्तों मार्च 2020 में भारत में कोविड-19 महामारी की वजह से फिल्म की शूटिंग रुक जाने के बाद जो है सरकार द्वारा कोविड-19 को लेकर अवसादी नियंत्रित करने की निर्देशक के लिए सुरक्षा एवं साथी दिशा निर्देशकों के साथ जो है सितंबर 2020 में फिल्म की शूटिंग फिर से शुरू हुई। फिल्म का पोस्ट एंड साथी लॉकडाउन शेड्यूल 7 अक्टूबर 2020 को पूरा किया गया था। फिल्म के गाने की शूटिंग के लिए विदेशी शेड्यूल के साथ 25 अक्टूबर को साथी इटली में होने वाला था। दिसंबर 2020 में फिल्म के निर्माता ने दुबई एंड साथी मिरेकल गार्डन में कुछ हिस्सों की शूटिंग की जो पहले जो है हफ्ते के भीतर ही पूरा हो गया था। कुछ पैच वर्क दृश्यों के साथ टीम ने जनवरी 2021 के मध्य में शूटिंग पूरी कर ली थी। मार्च 2021 में फिल्म के अभिनेता नितिन ने एक साक्षात्कार में कहा था कि रंगदे मूवी रोमांस शैली में उनकी अंतिम फिल्म होगी क्योंकि रोमांस वाले फिल्म में वो ज़्यादातर अभिनय करना नहीं चाहते हैं। जी हाँ दोस्तों, बता दें दोस्तों वीडियो में एक्सप्लेन कर रहे हैं रंग दे फिल्म को जिसे 2021 के अंदर तेलुगु भाषा में सिनेमाघरों में रिलीज किया गया था। तो दोस्तों अगर आप लोग इस फिल्म को यूट्यूब पर हिंदी डब्ड में देखना चाहते हो तो इस वीडियो को लाइक करके इस वीडियो में आप अंदर जरूर बने रहिएगा क्योंकि बता दें दोस्तों हमारे यूट्यूब चैनल पर आपको मूवी रिव्यू मूवी की बजट एंड बॉक्स ऑफिस ही कलेक्शन देखने को मिलता है। दोस्तों यहाँ पर मैं किसी भी कंपनी की फिल्म को अपलोड नहीं कर सकता, मैंने को कई सारे वीडियो में ऑलरेडी बतला रखा है। तो चलिए दोस्तों अब बात करते हैं फिल्म के मुख्य स्टार कास्ट नितिन सर के बारे में कि इन्होंने अब तक कितने फिल्मों में अभिनय कर चुके हैं। तो दोस्तों इनके बारे में हम बतलाएंगे। आप लोग को पता है मैं जिस मूवी को रिव्यू करता हूँ उस फिल्म के स्टार कास्ट के बारे में आपको जरूर बतलाता हूँ। तो दोस्तों नितिन ने अपने अभिनय की शुरुआत 2002 में रोमांटिक एक्शन फिल्म जयम मूवी 2002 से की। उन्होंने अपने प्रदर्शन के लिए सर्वश्रेष्ठ पुरुष पदार्पण के लिए दक्षिण का फिल्म फेयर पुरस्कार जीता। नितिन इसके बाद दिल 2003 श्री यानी कि अनजनमय फिल्म 2004 में और सही फिल्म 2004 में दिखाई दिए और ये दोनों मूवी बॉक्स ऑफिस पे असफलताओं की एक श्रृंखला के बाद नितिन ने रोमांस फिल्म इश्क मूवी 2012 के साथ सफलता हासिल की। उनकी अन्य सफल फिल्मों में गुंडे जारी एंड साथी ग्लंथा हिंदी मूवी 2013 की हार्ट अटैक फिल्म 2014 की एआर फिल्म 2016 की एनभिशम फिल्म 2020 में औरंगदे फिल्म 2021 में शामिल है। 2013 में नितिन ने अपना खुद का फिल्म जो है प्रोडक्शन स्टूडियो साथ ही जेस्ट मूवीज की स्थापना की। नितिन तेलंगाना राज्य के लिए स्वच्छ भारत अभियान के ब्रांड एम्बेसडर भी है। नितिन कुमार रेड्डी का जन्म फिल्म एंड बीता जो है सुधाकर रेड्डी और लक्ष्मी रेड्डी के घर में हुआ था। उनकी एक बड़ी बहन है जिसका नाम नितिका रखा गया है। बता दें दोस्तों उन्होंने गीतांजलि स्कूल एंड साथ ही बेम्पामेट में अपनी शिक्षा पूरी की और रतन जूनियर कॉलेज से अपनी इंटरमीडिएट की शिक्षा प्राप्त की और साथ ही गंदी पेट के शादान और कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग एंड यानी कि टेक्नोलॉजी में स्नातक की पढ़ाई की और उनके पिता बाद में एक जो है फिल्म के निर्माता बने और उनके साथ दो फिल्में बनाई जो गुंडे जारी थी एंड साथ ही उनके साथ जो है ग्लेन थिंडे और साथ ही चिनादन मूवी शामिल है। 2020 में नितिन की अपनी प्रेमिका एंड साथ ही शालिनी एंड साथ ही कंतु कुरी से सगाई हुई थी जो 26 जुलाई को उन्होंने हैदराबाद के एंड साथ ही जो है कलकुनुमा में पैलेस में शादी की थी और शादी मूल रूप से 16 अप्रैल उसी वर्ष में हुई थी। 16 अप्रैल उसी वर्ष दुबई में होने वाली थी लेकिन कोविड-19 महामारी के जवाब में लगाए गए एन साथी लॉकडाउन जैसे प्रतिबंधों के कारण इसे स्थगित कर दिया गया था। दोस्तों आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आ रहा होगा। इस वीडियो में हम रंगदे मूवी की रिव्यू को लेके आए हैं। तो दोस्तों बतला दें इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं रंगदे मूवी की बजट एंड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में और रंगदे फिल्म ने कितनी कमाई की थी इसके बारे में हम बता रहे हैं और इस फिल्म को कैसे शूट किया गया था, फिल्म के मुख्य स्टार कास्ट कौन है और फिल्म को किसने क्या है, इन सभी के ऊपर इस वीडियो के अंदर हम बात कर रहे हैं यानी कि रंगदे फिल्म को फुल हिंदी में एक्सप्लेन कर रहे हैं। तो दोस्तों ये वीडियो आप लोग को जरूर पसंद आ रहा होगा। तो दोस्तों वीडियो पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और इस YouTube चैनल पे आप नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। नितिन ने अपने करियर की शुरुआत 2002 में तेजा धारा निर्देशित की गई फिल्म जयम से की थी और निर्देशक तेजा ने उन्हें जो है यानी कि सुदर्शन 35 मिमी थिएटर में उनकी फिल्म जो है नुब्बू नैनू की
स्क्रीनिंग में दो मौके पर देखा था। फिर जो है तेजा ने उनसे उनकी जो है अभिनय रुचि के बारे में पूछताछ की और स्क्रीन टेस्ट और साथ ही फोटो जो है यानी कि सेशन किया था और उन्हें अपने जो है निर्देशक और प्रोडक्शन वेंचर जैम के लिए लीड के रूप में चुना था और उनके साथ जो है साझा किया था। और गोपी चंद अभिनीत जो है 2003 में नितिन ने बीबी विनायक धारा निर्देशित की गई फिल्म दिल में अभिनय किया था। दिल राजू धारा निर्मित की गई बाद में उसी वार्ड जो है नितिन ने यानी कि दशरथ धारा निर्देशित की गई फिल्म जो है यानी कि शंभरम में अभिनय किया था। जो 2004 में जो है नितिन ने कृष्णा वापसी धारा निर्देशित की गई सीरीज जो है इनकी अंजा नेम में अभिनय किया जहां उन्होंने भगवान हनुमान के भक्त के रूप में भूमिका निभाई और यह पहली फिल्म भी है जहाँ पर नितिन ने अपने संवादों को डॉप किया जिसे जो है तब तक जो है कि तब तक जो है शिवाजी ने आवाज़ नहीं दे दी थी। दोस्तों एसएस राजा मौलीधारा निर्देशित की गई उनकी 2004 की फिल्म साई के बाद नितिन कई फिल्मों में दिखाई दिए जिनमें से कुछ जो है कि धैर्यम मूवी एंड आज्ञा और सीता रमूला एंड साथी कल्याणम मूवी शामिल है। हालांकि इनमें से कोई भी फिल्म जो है व्यावसायिक रूप से सफल नहीं रही। नितिन को तेलुगु सिनेमा में कभी किसी भी यानी कि अभिनेता द्वारा सबसे यानी कि लगातार फ्लॉप 12 का प्राप्त दिया गया है। बता दें दोस्तों उन्होंने 2012 में विक्रम कुमार द्वारा निर्देशित की गई रोमांटिक ड्रामा फिल्म इसके साथ जो है कई वर्षों के बाद सफलता का स्वाद चखा। दोस्तों इस फिल्म में नितिन ने नित्या मेनन के साथ जोड़ी बनाई जिसे उनके पिता एन सुधाकर रेड्डी ने भी सह यानी कि निर्मित किया था और उन्होंने 2013 में फिल्म गुड्डे जारी किया गया था। गुंडे मूवी जारी होने के बाद अभिनय किया था इस फिल्म में नितिन के साथ जो है उसके साथ ईशा तलवार और नित्या मेनन ने मुख्य भूमिका फिल्म के अंदर निभाई। बाद में उन्होंने 2014 में ए साथी करुणा करण द्वारा लिखित की गई और निर्देशित की गई फिल्म जो है कि चिन्नातनामनी एंड साथी कोसम फिल्म में अभिनय किया था जिसे एन सुधाकर रेड्डी और साथी बहन जो है नितिका रेड्डी ने अपने होम बैनर श्रेष्ठ के साथ जो है मूवीज के तहत निर्मित किया था। बाद के वर्ष में उन्होंने पूरी जगन्नाथ धारा निर्देशित की गई हार्ट अटैक फिल्म में मुख्य भूमिका निभाई। उन्होंने एक हिप्पी की भूमिका फिल्म के अंदर निभाई है और फिल्म को मिश्रित समीक्षा भी मिली थी। उन्होंने साथ ही प्रेम साई धारा निर्देशित की गई और गौतम वासुदेव मेनन धारा निर्मित की गई 2015 में रिलीज हुई फिल्म जो है कुरियर एंड साथी बॉय के साथ जो है कल्याण में एक कुरियर बॉय की भूमिका फिल्म के अंदर निभाया था। बेहतर सूत्रों की आवश्यकता यह है कि नितिन ने फिल्म एआर 2016 में अभिनय किया और लिखा और साथ ही त्रिविक्रम जो है श्रीनिवास धारा निर्देशित की गई समांतर रूद प्रभु और साथ ही अनुपमा साथ ही परमेश्वर के सामने यह फिल्म नितिन के करियर की सबसे बड़ी कमाई करने वाली फिल्म साबित हुई है। जी हाँ दोस्तों आपने सही सुना। बता दें दोस्तों इस वीडियो में एक्सप्लेन कर रहे हैं रंगदे फिल्म को से 2021 में रिलीज किया गया था। दोस्तों 2017 में नितिन ने फिल्म जो है ली में अभिनय किया जिसे हनु एंड साथी राग हुआ पुड्डी धारा निर्देशित किया गया था और इसने आलोचकों से औसत समीक्षा प्राप्त की और बॉक्स ऑफिस पे अच्छा प्रदर्शन नहीं किया था। 2018 में नितिन की चल होमन के सल मोहन रंगा को कृष्णा एंड साथी चैतन्य ने सह कलाकार जो है मेघा आकाश के साथ निर्देशित किया था और फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पे खराब प्रदर्शन किया था। बाद के वर्ष में उन्होंने श्रीनिवास कल्याण में राशि खन्ना के साथ अभिनय किया और साथी सतीश और साथी वगेशना धारा निर्देशित किया गया था। उनकी 2020 की फिल्म जो है विषम वंग की एंड साथी कुदू मुल्ला धारा निर्देशित की गई और रश्मिका मंदना के साथ जो है अभिनीत एक जो है व्यावसायिक सफलता फिल्म थी। नितिन ने रकुल प्रीत सिंह एंड प्रियंका प्रकाश वारियर के साथ जो है सह कलाकार चेक फिल्म 2021 के लिए निर्देशक के साथ चित्र इन चंद्रशेखर रियल्टी के साथ जो है सहयोग किया। वार्स की उनकी दूसरी रिलीज रंगदे फिल्म थी जिसका निर्देशक वेंकी अतुलेरी ने किया था और इसमें कीर्ति सुरेश के साथ अभिनय किया था। वार्स की उनकी तीसरी रिलीज मूवी ब्लैक कॉमेडी क्राइम थ्रिलर मूवी मेस्ट्रो फिल्म थी जो कि 17 सितंबर 2021 को डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर डायरेक्ट जो है यानी कि 2 और साथ ही स्ट्रीमिंग रिलीज हुई थी। उन्होंने एक जो है यानी कि पियानो वाद की भूमिका फिल्म के अंदर निभाई और आलोचकों ने फिल्म में उनके प्रदर्शन की प्रशंसा की और यह हिंदी फिल्म यानी कि अंधाधुन की रिमेक है। बेहतर सूत्रों की जरूरत फिल्म सितंबर 2021 में उन्होंने अपनी अगली फिल्म जो है कि मचे रल्ला एंड साथी जो है नियोजा करवागम के लिए फिल्मांकन शुरू किया है। बता दें दोस्तों वीडियो में एक्सप्लेन कर रहे हैं 2021 में रिलीज हुई फिल्म रंगदे मूवी की। अगर आप लोग रंगदे फिल्म को यूट्यूब पर हिंदी डब में देखना चाहते हो तो इस वीडियो को लाइक करके इस वीडियो में आप अंत तक जरूर बने रहिएगा। चलिए फ्रेंड्स अब बात करते हैं
व्यक्ति सुरेश के बारे में बताएंगे। इन्होंने अब तक कितनी फिल्मों में अभिनय की है और इनको अब तक कितने फिल्म फेयर अवार्ड मिले हैं। दोस्तों, अगर आप कीर्ति सुरेश के फैन हैं, इनके फिल्मों को देखना पसंद करते हैं, तो इस वीडियो को आप ज़रूर लाइक कीजिएगा। बता दें दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल पर आपको मूवी रिव्यू, मूवी की बजट एंड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन ही यहाँ पर देखने को मिलता है, क्योंकि मैं यहाँ पर किसी भी कंपनी की फिल्म को अपलोड नहीं कर सकता। ये मैंने आपको कई सारे वीडियो में ऑलरेडी बतला रखा है। तो चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं कीर्ति मैम के बारे में। सबसे पहले इनकी जन्म के बारे में हम बात करते हो, 17 अक्टूबर 1992 में इनका जन्म हुआ था। एक भारतीय अभिनेत्री है जो मुख्य रूप से तमिल, तेलुगु और मलयालम फिल्मों में दिखाई देती है। उन्होंने तेलुगु फिल्म एन महानति 2018 में अभिनेत्री सावित्री की भूमिका निभाने के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का राष्ट्रीय फिल्म फेयर पुरस्कार जीता। उन्हें विभिन्न फिल्मों में उनके प्रदर्शन के लिए 3 सिम्मा पुरस्कार, 1 फिल्मफेयर पुरस्कार दक्षिण और 2 जी सिनेमा पुरस्कार भी शामिल है। साथ ही कीर्ति मलयालम की फिल्म में एंड साथ ही उनके साथ जो है निर्माता जी सुरेश कुमार और अभिनेत्री मेनका की बेटी है। कीर्ति ने सन 2000 के दशक की शुरुआत में एक बाल अभिनेत्री के रूप में अपना करियर शुरू किया था और फैशन डिजाइन का अध्ययन करने के बाद फिल्मों में वापसी की, जो 2013 की मलयालम फिल्म गीतांजलि में उनकी पहली मुख्य भूमिका थी। उन्होंने रिंग मास्टर फिल्म 2014 में इधु एना, मयम फिल्म 2015 में नेनू, शैलजा फिल्म 2016 में रेमू, फिल्म 2016 में बैरो, फिल्म 2017 में नेनू, लोकल 2017 थाना सरंता, फिल्म 2018 में और साथ ही कैसी सफल फिल्मों में, इन्हीं जैसी यानी कि फिल्मी सफल फिल्मों में अभिनय किया है। महानदी फिल्म 2018 में, सरकार फिल्म 2018 में, गुड लक फिल्म 2022 में, इंसाती शानी इंसाती कायदान फिल्म 2022 में और सरकारु वारीपत्ता फिल्म 2022 में अभिनय कर चुके हैं। कीर्ति का जन्म 17 अक्टूबर 1992 को चेन्नई तब मद्रास में हुआ था। कहा जाता है कि तमिलनाडु भारत में हुआ था इनका जन्म। उनके पिता जी सुरेश कुमार जो है मलयाली मूल के फिल्म निर्माता है, जबकि उनकी मां जो है यानी कि उनकी मां मेनका तमिल मूल की अभिनेत्री है। उनकी बड़ी बहन जो है रेवती सुरेश है, जो कक्षा 4 तक कीर्ति ने अपनी स्कूली शिक्षा चेन्नई तमिलनाडु में की और साथ ही पर्ल एकेडमी शामिल होने के लिए चेन्नई वापस आने से पहले उन्होंने केंद्रीय और साथ ही विद्यालय पट्टम एन साथ ही जो है तिरुवनंतपुरम में अध्ययन किया है, जहां पे उन्होंने फैशन डिजाइन में अपनी डिग्री पूरी की और लंदन में 2 महीने की साथ ही इंटर्नशिप जो है पूरी करने से पहले उसने जो है 4 महीने के लिए साथ ही स्कॉटलैंड में यानी कि एक्सिस के साथ जो है यानी कि प्रोग्राम में भी समय बिताया है, अभिनय किया है। और ये अपना जो है करियर बनाने के बावजूद जो है उसने कहा है कि वह जो है डिजाइनिंग में करियर बनाने पर भी यानी कि गंभीरता से विचार कर रही थी। कीर्ति एंसाती वायलिन भी इस फिल्म में काम करती है। बता दें दोस्तों, वीडियो में एक्सप्लेन कर रहे हैं रंगदी फिल्म को और भी हम बात कर रहे हैं कीर्ति सुरेश मैम के बारे में। तो दोस्तों, अगर आप कीर्ति के फैन हैं और इनकी फिल्मों को देखना पसंद करते हैं, तो इस वीडियो को प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा। बता दें दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल पर आपको मूवी रिव्यू, मूवी की बजट एंड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन ही यहाँ पे देखने को मिलेगा। दोस्तों, मैं यहाँ पे किसी भी कंपनी की फिल्म को अपलोड नहीं कर सकता, ये मैंने आपको कई सारे वीडियो में ऑलरेडी बतला रखा है। तो आई होप कि आज का वीडियो आप लोग को जरूर पसंद आ रहा होगा, तो प्लीज़ दोस्तों इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। सन 2000 के दशक की शुरुआत में कीर्ति ने अपने पिता की कुछ जो है प्रस्तुतियों में एक बाल अभिनेत्री के रूप में काम किया, जैसे कि पायलट फिल्म 2000 के दशक में, 2001 और साथ ही कुरेबल फिल्म 2002 में और कुछ जो है टेलीविजन में और धारावाहिक जो है कि कुवेरन के। 11 साल बाद उन्होंने प्रियदर्शन की हॉरर फिल्म गीतांजलि में मुख्य अभिनेत्री के रूप में अपनी शुरुआत की, जिसमें जो है उनकी दोहरी भूमिका थी। उस दौरान वह अभी भी यानी कि पढ़ रही थी और अपने जो है यानी कि मिस्टर ब्रेक के साथ जो है साथ ही सेमेस्टर ब्रेक के दौरान जो है गीतांजलि के लिए शूटिंग की। फिल्म और उसके प्रदर्शन की समीक्षा मिश्रित थी और सिफी ने लिखा है कि वह कुछ जो है प्रयास करती है लेकिन दोहरी भूमिका में केवल जो है एक एन की सीमित प्रभाव डालती है, जबकि रेडिफ ने लिखा है कि उसे एक महत्वपूर्ण भूमिका मिली है लेकिन क्या वह अपने जो है अभिनय कौशल से प्रभावित करना एक और जो है मामला बनाएगी। 2014 में कीर्ति की अगली रिलीज मूवी रिंग मास्टर फिल्म थी, जिसका जो है
जिसका जो है निर्देशन रफ़ी सर ने किया था एंड साथ ही मेकाटिन जोड़ी के रफ़ी ने किया था और जिसमें जो है उन्होंने दिलीप के साथ स्क्रीन स्पेस साझा किया था। उन्होंने एक अंधी लड़की की भूमिका निभाई जो उन्होंने कहा कि गीतांजलि में उनकी दोहरी भूमिका से कहीं जो है अधिक चुनौतीपूर्ण थी। फिल्म एक जो है व्यावसायिक सफलता है मूवी थी जिसे जो है सिफी धारा एंड सुपरहिट कर दिया गया था। 2015 में कीर्ति ने मलयालम के बाहर अपनी जो है इनकी पहली परियोजनाओं को स्वीकार किया और एक साथ कई जो है तमिल फिल्म परियोजनाओं में प्रदर्शित होने के लिए साइन किया था। उनकी पहली फिल्म रिलीज एएल के साथ विजय की रोमांटिक कॉमेडी इधू एन्ना मूवी और मैम फिल्म 2015 वाली फिल्म थी जिसमें जो है विक्रम प्रभु के साथ काम किया गया था। बता दें दोस्तों हालांकि फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर अच्छा प्रदर्शन नहीं किया था और पूरे 2015 में उनके व्यस्त कार्यक्रम का मतलब था कि उन्हें बड़ी परियोजनाओं को यानी कि समायोजित करने के लिए उन फिल्मों से बाहर निकलना पड़ा जिन पर जो है उन्हें कृष्णा की माने थाने पाए और साथ ही के और डीके के साथ जो है इनकी कलावाई वेटम फिल्म सहित जो है पहले से ही काम करना शुरू कर दिया था। इसके परिणाम स्वरूप उन्होंने साथ ही स्वीकार 3 के साथ जो है 2 फिल्मों में काम किया और रजनी के साथ जो है इनकी मुर्गा साथ ही मुरुगन और रेमो जबकि जो है यानि कि धनुष के साथ जो है प्रभु इन साथ ही सोलोमन की थोदादरी में मुख्य भूमिका फिल्म के अंदर निभाई। उनकी तेलुगु सुरक्षा है और भी बढ़ा दी गई थी एंड तेलुगु शुरुआत जो है आईना इस तब मूवी जो है इनकी नुब्बू के रूप में करने की योजना थी। हालांकि फिल्म 2015 से साथ ही विलंबित है और सितंबर 2020 के बाद जो है एक नए शीर्षक वाला और साथ ही जनकीतों के नेनू के तहत जो है रिलीज होने की रिपोर्टर्स के साथ जो है इसके बाद अभी नेता रामपोथी नेनी के साथ 2016 की फिल्म नेनू सैलज में अभिनय किया। इन्होंने अभिनेता रामपोथी नेनी के साथ अभिनय किया 2016 में फिल्म नेनू सैलज की शुरुआत हुई थी। जनवरी 2017 में कीर्ति साथ ही बैरुआ में दिखाई दी और अभिनेता विजय के साथ और साथ ही जो है इनकी वर्तन धारा निर्देशित की गई। वो 2017 में तमिल फिल्म साथी जो है इनकी पाम्बू सताई और तेलुगु फिल्म नेनू इन साथी नेनू जो है लोकल में भी दिखाई दे चुकी है। बता दें दोस्तों वीडियो में एक्सप्लेन कर रहे हैं 2021 में हुई फिल्म रंगदे मूवी की और इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं रंगदे फिल्म को किस तरह से बनाया गया था, फिल्म में कौन से मुख्य स्टार कास्ट थे। तो दोस्तों अगर आप भी रंगदे फिल्म को यूट्यूब पर हिंदी डब्ड में देखना चाहते हो तो इस वीडियो को लाइक करके इस वीडियो में आप अंत तक जरूर बने रहिएगा क्योंकि बता दें दोस्तों हमारे यूट्यूब चैनल पे आपको मूवी रिव्यू मूवी के बजट एंड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन ही यहाँ पे देखने को मिलता है। सन 2018 में उनकी पहले रिलीज मूवी तेलुगु में और साथ ही जो अग्नि था वासी फिल्म थी जिसे 2018 में उनकी पहली तमिल फिल्म थाना एंड साथ ही शरण था कूटम फिल्म में रिलीज की गई थी जिसमें उन्होंने पहली बार सूर्या के साथ अभिनय किया गया था। फिल्म को सकारात्मक समीक्षा मिली और यह हिट रही थी और उन्होंने और शमीन द्वारा निर्देशित की गई महाकाव्यन इन साथ ही महानती में भी अभिनय किया था जहां पे उन्होंने दिवंगत और साथ ही दक्षिणी अभिनेत्री इन साथ ही सावित्री को चित्रित किया है। बता दें दोस्तों जिसके लिए उनके प्रदर्शन को आलोचकों की प्रशंसा मिली और सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का राष्ट्रीय फिल्म फेयर पुरस्कार मिला। फिल्म में उनके प्रदर्शन को फिल्म कंपेनियन द्वारा दशक के 100 जो है कि महानतम प्रदर्शन की सूची में शामिल किया गया है। 2018 के अंत में वह लगातार 3 व्यावसायिक फिल्मों में दिखाई दी। साथ ही सामी 2 एंड विक्रम के साथ जो है हरिधारा निर्देशित की गई जो है इनकी संदाकोजी 2 एंड के साथ जो है इनकी लिंगुशामी धारा निर्देशित की गई जो है इनकी विशाल के साथ जो है और ए आर मुर्गा दास द्वारा निर्देशित की गई विजय एंड साथ ही विपरीत जो है सरकार फिल्म 2019 के मध्य में उन्होंने नागा अर्जुन स्टार फिल्म जो है इनकी मनमंदर 2 में एक जो है कैमियो उपस्थिति दर्ज की जिसका निर्देशन जो है इनकी राहुल रविचंद्रन ने किया था। 2020 में वह थ्रिलर फिल्म जो है यानी कि साथ ही पुंगू यानी कि पेंगू इनथम में दिखाई दी जो कि कोविड-19 महामारी के कारण साथ ही अमेजन प्राइम वीडियो पर रिलीज हुई थी और ड्रामा फिल्म जो है कि मिस इंडिया में जो कि नेटफ्लिक्स पर रिलीज किया गया था। 2021 में कीर्ति ने तेलुगु भाषा की फिल्म रंगदे फिल्म में नितिन के साथ अभिनय किया जो कि शिवाधारा निर्देशित की गई कीर्ति की अगली फिल्म जो है कि अन्नाथ हते को नकारात्मक समीक्षा मिली थी लेकिन यह फिल्म व्यावसायिक रूप से सफल रही थी। उनकी अगली रिलीज मूवी मलयालम फिल्म जो है कि साथ ही मार्क अकर फिल्म एंड साथ ही एरीबी काले दिन में सिंघम फिल्म थी जिसमें जो है प्रिया दर्शन धारा निर्देशित की गई मोहनलाल के साथ इस फिल्म में अभिनय किया जो इसके आसपास के प्रचार के बावजूद जो है मिश्रित समीक्षा के लिए खुली थी। 2022 की उनकी पहली रिलीज मूवी तेलुगु फिल्म गुड लक मूवी थी
जो फिर से जो है नकारात्मक समीक्षाओं के लिए खुला और एक व्यावसायिक विफलता के रूप में समाप्त हुई थी। कृति निर्देशक के साथ और साथ ही सिल्वर राघवन के साथ जो है सानी एन साथी कायदान में भी दिखाई दी, जो उनके अभिनय की शुरुआत है और फिल्म को अमेजन प्राइम वीडियो में सीधे जो है OTT पर रिलीज किया गया था और सकारात्मक समीक्षा और सार्वजनिक प्रशंसा के लिए इसे आलोचकों की एनसाथी करियर के सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शनों में से एक के रूप में स्वीकार किया गया था। उनकी अगली फिल्म जो है महेश बाबू के साथ जो है परशुराम निर्देशित की गई सरकार वारीपाता फिल्म थी, जो एक व्यावसायिक सफलता एक फिल्म थी, जो 3 जून को उसने जो है अपने एनसाथी सोशल मीडिया के माध्यम से पूर्व की 2 यानी कि फिल्मों के लिए और प्यार और साथ ही समर्थन के साथ जो है धन्यवाद देते हुए एक दिया था। उनकी फिल्मों के अगले सेट में वार्षिक 2022 की फिल्म यानी कि भोला एंड शंकर धारा मनम धारा दशहरा फिल्म जो है शामिल किया गया है। दोस्तों इस वीडियो में एक्सप्लेन कर रहे हैं साउथ के सुपरस्टार नितिन की ब्लॉकबस्टर मूवीज जिसका नाम है रंग दे। तो दोस्तों अगर आप लोग रंग दे फिल्म को यूट्यूब पर हिंदी में देखना चाहते हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। बता दें दोस्तों हमारे यूट्यूब चैनल पर आपको मूवी रिव्यू मूवी की बजट एंड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन ही यहाँ पे देखने को मिलता है। दोस्तों हम यहाँ पे किसी भी फिल्म की किसी भी कंपनी की फिल्म को अपलोड नहीं कर सकते, ये आप लोगों को कई सारे वीडियो में ऑलरेडी बतला रखा है। दोस्तों फिल्म के डायरेक्टर की अगर हम बात करें तो वंकी अतलूरी ने फिल्म को डायरेक्ट किया है। फिल्म की कहानी भी वंकी अतलूरी सर ने ही लिखे हैं। फिल्म में मुख्य स्टार कास्ट नितिन एंड कीर्ति सुरेश ने फिल्म में अभिनय करते हुए एक साथ स्क्रीन साझा में नजर आए हैं और फिल्म के संगीत देवीश्री प्रसाद ने तैयार किया है। और फिल्म की बजट के बारे में हम बात करें तो 30 करोड़ के बजट में इस मूवीज को बनाया गया था। दोस्तों फिल्म की कहानी काफ़ी मज़ेदार तरीके से स्टार्ट होता है क्योंकि बचपन में अर्जुन अपने माता पिता के ओर से आसपास परिवार के साथ हुए सभी लोगों का ध्यान आकर्षित करते हैं क्योंकि वह जिस कॉलोनी में रहता है उसकी उम्र के बच्चे नहीं है। वह एक प्रेम की इच्छा रखता है। जब अनुपमा का अनु परिवार आता है तो अर्जुन के परिवार के सदस्य अनु से प्यार करने लग जाते हैं जो इसमें जो है ना कि जो उसमें इस सिरे के बीज बोते हैं और समय के साथ इस सिरे घृणा में बदल जाती है लेकिन दूसरी ओर अनु उसके लिए पसंद करने लगती है। दोस्तों फिल्म के अंदर अनु जो है शिक्षा में गरीब है और उसकी तुलना हमेशा अनु से की जाती है जो एक यानी कि होनहार छात्र इंसान है और उसे चिढ़ाया जाता है और यातना से बचने के लिए अर्जुन जो है MBA करने के बहाने दुबई जाने की योजना बनाता है जहाँ उसकी बहन रहती है और अपने दोस्त के और साथी जो है अपने दोस्त के कनेक्शन की मदद से जो कि एक जो है कि कंसलेस्टी का मालिक है अर्जुन धोखेदारी के माध्यम से GMAT में एक जो है कि उत्कृष्ट स्कोर हासिल कर लेता है। उसके पिता एक पार्टी देते हैं और अर्जुन खुश हो जाता है उस पार्टी से और अनु से दूर जाने के बारे में भी राहत महसूस करता है। अर्जुन को तब जो है सूचित किया जाता है कि उसका आवेदन प्रतीक्षा सूची में है क्योंकि उसके आसपास सिर्फ जो है विश्वविद्यालय के अन्य 2 औषधि आवेदकों की तुलना में 1 अंक कम है जिसमें जो है उसने केवल 2 औषधि जो है सीटें पाई है। इसे ही वह अपनी यानी कि विश्वविद्यालय एन साथी वरीयता को बदलने के लिए सहमत होता है। पता चलता है कि 2 यानी कि बेहतर स्कोर वाले छात्रों में से एक अनु है जो अर्जुन को निराश करती है। वह अनु की विदेश में पढ़ाई की योजना उसकी मां को देता है जो नहीं चाहती है कि आगे पढ़े बल्कि उसे शादी के लिए मनाने की कोशिश करती है। अनु की कड़ी प्रतिक्रिया के साथ यह एक बड़ी लड़ाई में बदल जाता है और आखिरकार दोनों को एक शादी के बंधन में बांध दिया जाता है लेकिन ये शादी कभी भी स्वीकार नहीं करते हैं दोनों और मूवी के अंत में दोनों अपने प्यार को स्वीकार करते हैं। उसके बाद दोनों हमेशा के लिए एक साथ मिल जाते हैं। दोस्तों रंग दे फिल्म के संगीत के बारे में हम बात करते हैं। इस फिल्म के संगीत देवीश्री प्रसाद ने तैयार किए हैं तो चलिए अब हम जान लेते हैं देवीश्री प्रसाद के बारे में। अपने पहले संगीत एल्बम डांस पार्टी में उन्होंने अनुभवी गायक जो है SP बालासुब्रमण्यम के बेटे SP चरण के साथ सहयोग किया। इसके बाद उन्होंने 1999 की तेलुगु फिल्म देवी के स्कोर एंड साउंडेड की रचना की। इसी प्रकार 19 साल की उम्र में एक फिल्म संगीतकार के रूप में अपनी शुरुआत करते हुए उन्होंने फिल्म के लिए साउंडेड के तमिल संस्करण की भी रचना की। यह तुरंत हिट हो गया था
देवी ने 1999 के बाद देवी ने एक बार फिर जो है कोड़ी एंड साथी रामकृष्णा के साथ जो है फिल्म इंसाती नवुथु एंड साथी बद कालीरा के साथ 2001 के लिए सहयोग किया। देवी ने उसी वर्ष फिल्म जो है कि अनंदनम में एक जो है कि एल्बम के साथ अपनी सफलता हासिल की। फिल्म ने निर्देशक जो है श्रीनु वेटला के साथ उनके पहले सहयोग को चिन्हित किया था। उन्होंने प्रेमा तो एंड साथी एमी टाटे के साथ जो है गीत लिखा है और गाया भी है और एक अन्य गीत जो है कि मोना लिसा के लिए अपनी आवाज़ दी है और इसके लिए idolbrain.com ने कहा कि फिल्म का संगीत अच्छी है, हालांकि कुछ गाने बैक टू बैक जो है कि स्ट्रीट बॉयज के काम से प्रेरित है। फिल्म के बैकग्राउंड एंड साथी म्यूजिक जो है प्रभावशाली है। देवी श्री प्रसाद को एक जो है पुरनकालिक के प्रेम कहानी के साथ काम करने का मौका मिला है जिसमें अच्छे संगीत की गुंजाइश है और यह उनका पहला बड़ा सफल फिल्म एल्बम भी है और उसी वर्ष उन्होंने एक तमिल फिल्म यानी कि बद्री के लिए फिल्म स्कोर तैयार किया था और यह तमिल संगीत उद्योग में उनकी शुरुआत भी करती है। सन 2002 के दशक में उनके पास 5 एल्बम थी रिलीज करने के लिए। उनकी 5 एल्बम लगातार रिलीज हुई। फिल्मों के साउंडट एल्बम जो है यानी कि कालू शुको वालनी एंसा तिमन मधुडू और सोमत के साथ रिलीज किया गया था। उस समय के सबसे बड़े चार्ट मास्टर बन गए थे ये सारे गाने और फिल्म समीक्षकों और व्यवसायिक रूप से सफल रही थी। बता दें दोस्तों, DSP धारा संगीत रचना ने भी फिल्म की सफलता में योगदान दिया है और फिल्म जो है सोनथाम और साथी मनमंदूडू को वर्ष की संगीत में हिट फिल्मों के रूप में माना गया है। इन एल्बमों के अधिकांश गीतों को व्यापक रूप से सराहा गया था। एन साथी मनमंदूडू एन समीक्षा के लिए एक आलोचक ने लेखन ने कहा है कि देवी श्री प्रसाद का संगीत उत्कृष्ट है, यहाँ तक कि पृष्ठभूमि स्कोर भी बहुत अच्छी है। गीतों के चित्रण ने मनमंदूडू के ऑडियो को ऊंचा कर दिया है। उसी वर्ष देवी ने संगीत की रचना की है एक जो है की देशभक्ति फिल्म एंड साथी जो है की खटगाम मूवी। टाइम्स ऑफ इंडिया के कृष्णा प्रसाद जो है की चिगुरु पति ने लिखा है कि देवी श्री प्रसाद द्वारा रचित की गई मैंने इंडियंस के साथ जो है की विंग्स और साथ ही हास्य के संकेत के साथ जो है भारतीयों के बीच जो है कि वस्त विक दृष्टिकोण और साथ ही एकता को दर्शाती है। दोस्तों बता दें साथी जो है कि सुमंगली धारा गाया गया गाना एंड साथी नुब्बू नुब्बू एक और सबसे बड़ा गीत है। एल्बम हिट हो गई थी उस समय तक कि देवी ने तेलुगु एंड साथी सिनेमा में और तेलुगु संगीत में सबसे अधिक जो है कि मांग वाले संगीत में इन्होंने अभिनय किया। बता दें दोस्तों, वीडियो में एक्सप्लेन कर रहे हैं साउथ की सुपरस्टार नितिन की ब्लॉकबस्टर मूवी जिसका नाम रंग दे रखी गई है। दोस्तों इस फिल्म को रंग दे नाम से रिलीज किया गया था 2021 में और ये मूवी उतनी ज़्यादा सफल नहीं हुई जितनी कि इस फिल्म से उम्मीद की जा रही थी। दोस्तों फिल्म फ्लॉप होने का एक और बड़ा ये कारण है क्योंकि इस फिल्म को ठीक COVID-19 के समय में रिलीज किया गया था, जब जो है सारे सिनेमाघरों जो है बंद चल रहे थे तब इस फिल्म को रिलीज की गई थी। दोस्तों यापी फिल्म वर्षा 2004 में रिलीज हुई थी। इसका साउंडट एल्बम 18 दिसंबर 2003 को आदित्य म्यूजिक के साथ जो है रिलीज किया गया था। साथ ही अन्नपूर्ण स्टूडियो और हैदराबाद में फिल्म के ऑडियो लॉन्च इवेंट में जारी किया गया था और यह जो है निर्माता MS राजू के साथ उनका दूसरा सहयोग है जिन्होंने उन्हें 1999 में देवी के माध्यम से फिल्म उद्योग में पेश किया था और देवी ने अपने भाई के साथ जो है कि गंधम सागर को एल्बम के नीति मुल्ला और गीत से संगीत उद्योग में पेश किया था। फिल्म बॉक्स ऑफिस पर जबरदस्त हिट रही थी और फिल्म के साउंड डायरेक्टर ने भी उन्हें 3 पुरस्कार दिलाए थे जिनमें संतोष इंसाती सर्वश्रेष्ठ जो है संगीत निर्देशक के लिए और सिनेमा पुरस्कार इंसाती सर्वश्रेष्ठ संगीत निर्देशक और सर्वश्रेष्ठ संगीत निर्देशक के लिए फिल्म फेयर पुरस्कार जो है तेलुगु शामिल है। एक आलोचक ने वर्णन किया है कि उन्होंने फिल्म को एक जो है की आदर्श मूवी और धोनी दी है और उन्होंने अपने जो है की साथी भावपूर्ण मधुर के साथ एंड रोमांटिक संगीत के साथ जो है दर्शकों पर गहरा प्रभाव डाला था। उन्होंने अपनी अगली बड़ी हिट मूवी आर्य फिल्म के साथ 2004 में अपने रोमांटिक संगीत में शैली को जारी रखा है। देवी ने अपना पहला सहयोग जो है इनके सुकुमार के साथ किया जो उनके नियमित सहयोगी थे और उनके साथ जो है आंते इंसाती अमलपुरम गीत को लेकर जो है तेलुगु राज्य और भारत के अन्य जो हिस्सों में व्यवसायिक के साथ जो है लोकप्रिय भी मिली थी फिल्म को और गाने को द टाइम्स ऑफ इंडिया के लिए एक आलोचक धारा
छह ट्रैक को अब तक का सर्वश्रेष्ठ माना जाता है, क्योंकि इंडिया गिलीज के एक अन्य आलोचक ने उद्धृत किया है कि जिस यानी कि व्यक्ति को सभी यश के साथ जो है दूर जाना चाहिए वह संगीतकार देवी श्री प्रसाद है और वह गीतों में अपने जो है प्रेरणादायक इन साथी सर्वश्रेष्ठ पर आधारित करते हैं और पुन जो है रिकॉर्डिंग में वह गर्मी की और साथी जो है गर्मी में एक संत रस के रूप में साथी जो है कि सुखदायक है और गाने जो है कि नुअंते एनसाथी नका धी मिठम के साजो अल्लू अर्जुन का नृत्य अधिक जो है कि वजन जोड़ती है और फिल्म के साथ जो है माइलो फिल्म में छः यानी कि नंबरों में से एक है। उसी वर्ष डीएसपी ने दो गीतों एनसाथी छैला छैला और में अपनी जो है पहली ऑन स्क्रीन उपस्थिति दर्ज की और सारे पुडू के साथ जो फिल्म संग करदादा एमबीबीएस चिरंजीवी के साथ अभिनय किया। अगले वर्ष में उन्होंने वर्षम एनसाथी मजहाई के तमिल फिल्म रीमेक में एल्बम की रचना की और देवी ने पास 2005 में तेलुगु और तमिल दोनों में गहरा एल्बम जो है कि रिलीज हुई जो कि अब तक की एक यानी कि वर्ष में रिलीज की गई सबसे अधिक जो है संख्या है। 21 दिसंबर 2004 को रिलीज हुई मूवी एनसाथी नुओस्तानते एनसाथी जो है कि निन्यो दंतता के साउंड एट एल्बम ने डीएसपी को भारत के और साथी विपुल संगीतकारों में से एक बना दिया है और अपने संगीत में करियर में पहली बार देवी ने साथी जो है कि घंटाशाला धारा गाए गए गीत के साथ जो है प्रेमा एनसाथी कोस्ट मई और साथी बुलालो के रिमिक जो है बनाई गई है। बता दें दोस्तों वीडियो में एक्सप्लेन कर रहे हैं रंगदे फिल्म को जिसे 2021 में हिंदी में रिलीज नहीं किया गया था। दोस्तों अब ये मूवी आपको हिंदी में देखने को मिलता है। दोस्तों बता दें ये मूवी अभी आपको यूट्यूब पर हिंदी डब में देखने को रिलीज नहीं किया गया है। दोस्तों अगर आप इस फिल्म को देखना चाहते हो तो ये फिल्म बहुत जल्द ढिंचक चैनल पर प्रीमियर होने वाला है क्योंकि वहाँ पर इस फिल्म को दिखाया जाता है। बता दें दोस्तों फिल्म को यूट्यूब पर रिलीज नहीं किया जाता न्यू फिल्म को क्योंकि फिल्म से पैसे कमाने होते हैं और टीवी चैनल का टीआरपी भी बढ़ाना होता है जिसके वजह से फिल्म को यूट्यूब पर फ्री में नहीं दिखाया जाता है। दोस्तों अगले वर्ष उन्होंने वर्षम एनसाथी मजहाई के तमिल रीमेक के एल्बम की रचना की। देवी ने पास 2005 में तेलुगु और तमिल दोनों में साथी जो है उनके साथ 11 एल्बम रिलीज हुए थे जो अब तक की एक ही वर्ष में रिलीज की गई सबसे अधिक संख्या वाली है। 21 दिसंबर 2004 को रिलीज हुई एनसाथी नुओस्तम ट्रिक के साथ जो है साथी निन्यो दंतता ने साउंड एट एल्बम ने साथी डीएसपी को भारत के लिए विपुल संगीतकारों में से एक बना दिया और अपने जो है संगीत करियर में पहली बार देवी ने 1951 की फिल्म जो है की पथाला और साथी वेर वी के लिए घंटाशाला धारा गाए गए एक गीत प्रेमा एनसाथी जो है कोश माई एनसाथी बुलालो के रिमेक किया गया था और idealbrain.com ने एक समीक्षक ने महसूस किया है कि डीएसपी का सबसे अच्छा यानी कि परिणाम था। उन्होंने उद्धृत किया है कि जब आप जो है यानी कि स्टूडियो पर सुनते हैं तो गाने बहुत अच्छे नहीं लगते हैं लेकिन परिस्थितियों के बीच जो है स्क्रीन पर यानी कि कैप्चर किए जाने पर वह पूरी तरह से अलग होते हैं। फिल्म में गाने सर्वश्रेष्ठ के रूप में सामने आते हैं और साथ तेरी और रिकॉर्डिंग के साथ जो है बैकग्राउंड स्कोर जो है कि शानदार है। इन गीतों में लय मस्ती इन साथी भावनाओं का उभार की गई है और जुनून जो है कि बहते हैं। इसी फिल्म के गीत कहानी एन साथी वर्णन का एक हिस्सा भी है। उन्होंने एक्शन फिल्मों में एन भद्रा बनी और साथी जो है आरू के लिए फिल्म स्कोर और साउंड डैड की रचना की जिसे जो है यानी कि अच्छा इच्छा मिला था और सफलता देवी ने तमिल में फिल्म जो है सचिन के साथ जो है सफलता हासिल की जो कि व्यावसायिक और साथी समीक्षकों दोनों में सफल रही थी और फिल्म के साउंड डैड के वादी दाई दाई के साथ जो है इनकी कट्टीकोडा एंड साथी जो है इनकी कनमुटी के साथ जो है थीरा कोम्बो के साथ और गुंडू मंगा एंड साथी थोपू कुल्ले गाने रिलीज होने के बाद चार्ट में रहा था। 2006 में उनकी अगली रिलीज मूवी सभी रोमांटिक फिल्में थी और इनमें से आने वाली उम्र की फिल्म जो है इनकी बोमा रिलो सबसे बड़ी हिट मूवी रही और फिल्म के संगीत को समीक्षकों से सकारात्मक प्रतिक्रिया मिली और साथ ही अपूडो के साथ जो है इनकी नमाका और थपनी के साथ जो है इनकी बोम ने रिश्ते वर्ष के चार्ट में रहा था। और फिल्म के बारे में इंडिया ग्लीच के एक आलोचक ने कहा साथ ही बोमनी इन साथी गिस्टी एक जो है विचित्र और काफ़ी जो है लोकप्रियता शुरुआत है कुछ ऐसा जो देवी श्री प्रसाद ने हाल के दिनों में शायद ही यानी कि कभी किया हो जो कि इसे सुनने के बाद जो है आप चाहेंगे कि वह बार बार कुछ ऐसा ही करने की कोशिश करें। बता दें दोस्तों उनका
वाद्य यंत्र विशेष रूप से साथी वायलिन ए साथी पहनावा एक जो है शब्द में शानदार है। बीच ने फिल्म के विषय का साथी बैलिक बनाया है और बहुत सुंदर भी है। फिल्म के एल्बम में एक अच्छा सीन ये है कि यह वर्ष में उनके सबसे अधिक जो है कि बिकने वाले तेलुगु संगीत एल्बम में से एक बन गया था। भारतीय गाने के संग्रह ने दर्शकों के लिए फील गुड एंड साथी साउंड डाइट की जो है सिफारिश की है, जो कि देवी ने पहली बार जो है पूर्णानी के लिए एक जो है क्लासिक इंसाती पारंपरिक शैली के संगीत एल्बम की रचना की। और ट्रैक भारत के अवसाथी वेद मुगा ने DSP को अपनी जो है कि शास्त्रीय प्रतिभा को साबित करने में मदद किया है। बता दें दोस्तों, वीडियो में एक्सप्लेन कर रहे हैं साउथ के सुपरस्टार नितिन की ब्लॉकबस्टर मूवी जिसका नाम है रंग दे। तो दोस्तों, अगर आप रंग दे फिल्म को यूट्यूब पर हिंदी डब्ड में देखना चाहते हो तो इस वीडियो को लाइक करके इस वीडियो में आप अंत तक जरूर बने रहिएगा, क्योंकि बता दें दोस्तों हमारे यूट्यूब चैनल पर आपको मूवी रिव्यू मूवी की बजट एंड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन ही यहाँ पे देखने को मिलता है। दोस्तों, मैं यहाँ पे किसी भी कंपनी की फिल्म की अपलोड नहीं कर सकता, ये आपको कई सारे वीडियो में बतला रखा है। दोस्तों, 2007 में DSP धारा संगीत की गई रचना के साथ 4 फिल्में रिलीज की गई। सभी फिल्में एक्शन कॉमेडी फिल्में थी और DSP के संगीत को समीक्षकों और दर्शकों से अच्छी समीक्षाएँ मिली। उन्होंने प्रभु देवा द्वारा निर्देशित की गई फिल्म शंकर दादा जिंदाबाद के गीत जो है गुड एंजाइटी मॉर्निंग हैदराबाद में चिरंजीवी के साथ अपनी दूसरी ऑन स्क्रीन उपस्थिति दर्ज की। यह फिल्म उनकी पहले बनी फिल्म जो है शंकर दादा MBBS का सीक्वल बनाई गई है। अगले साल देवी ने फिल्म जो है यानी कि संगमा के स्कोर और साथ ही साउंड एड की रचना करते हुए कन्नौट फिल्म में शुरुआत किया, जो कि त्रिविक्रम एन साथी श्रीनिवास द्वारा निर्देशित किया गया जलसा वर्ष की हिट फिल्म थी। इसे 29 फरवरी 2008 को DSP के साथ संगीत किया गया था और निर्देशित के रूप में लॉन्च किया गया था, जो कि त्रिविक्रम श्रीनिवास और पवन कल्याण के साथ उनके पहले सहयोग को चिन्हित करती है। और गैलो एंड साथी थली नटुडे के साथ और माई हॉट के साथ जो है इसके साथ जो है बिटिंग इन साउंड एट में वर्ष के चार्ट में रहते थे। रिलीज के समय सबसे ज़्यादा बिकने वाला तेलुगु एल्बम था और आदित्य म्यूजिक को ऑडियो के साथ जो है कि राइटर्स 9 मिलियन में बेचे गए थे, जो कि उस समय किसी भी तेलुगु फिल्म के लिए सबसे ज़्यादा कमाई करने वाले फिल्म नहीं थे। एक आलोचकों ने फिल्म में देवी के संगीत को जोशीला युवा और साथ ही जो है कि अविश्वसनीय रूप से मज़ेदार भरा के रूप में श्रेय दिया है। यह फिल्म भारत में वर्ष की सबसे अधिक कमाई करने वाली फिल्मों में से एक है। हिमेश रेशमिया को पहले फिल्म के स्कोर की रचना के लिए माना गया था और अपनी जो है कि दैनिक कॉल शीट के साथ जो है अनुपलब्ध के कारण देवी को फिल्म के स्कोर की रचना के लिए चुना गया, जो कि पूरे संगीत में एक जो है कि सिम्फनी एंड महसूस होती है। और क्योंकि संगीत और साथ ही ऑर्केस्ट्रा है और इसलिए मैंने जो है बहुत सारी आवाज़ों का इस्तेमाल किया है। चेन्नई में रिकॉर्डिंग किए गए एक जो है बैकग्राउंड स्कोर पर काम करने में 1 महीने का समय लगा। कमल पर जो है सर और साथ ही मुझे प्रेमों के लिए थीम जो है लिखने के लिए भी कहा गया था। ढाई मिनट का टुकड़ा है जब हम जो है प्रेमों के लिए मिले, तो उन्होंने मेरे लिए और साथ ही दशा वात्रम का फाइट जो है कि सीक्वेंस में बनाया था और हमने जो है कि शागरम इंसाति शगरम के साथ विश्वविद्यालय में अभिनय भी किया। दोस्तों, 2009 में उनके 5 एल्बम रिलीज हुए थे जो सारे हिट रहे थे। देवी श्री प्रसाद ने अपने नियमित सहयोगी सुकुमार के साथ फिल्म RRR2 के लिए सहयोग किया, जो उनकी पिछली फिल्म RRR2 2004 की माध्यमिक यानी कि आध्यात्मिक अगली कड़ी है। उन्होंने फिल्म के हिंदी मलयालम और तमिल में डॉब किए गए संस्करणों के लिए भी रचना की। संगीत में चार्ट में रिंगा रिंगा और साथ ही ओपन तथा प्रेमा और माई लव इनके साथ जो है गॉन ट्रैक सबसे जो है ऊपर है। दोस्तों, हालांकि फिल्म को मिश्रित समीक्षा मिली, रिंगा रिंगा गीत को एक जो है पंथ का दर्जा मिला है। उन्हें अपने काम के लिए विभिन्न इन साथी नामांकन प्राप्त हुए हैं। इसकी और साथी लोकप्रियता के कारण 2011 की हिंदी फिल्म रेड्डी में देवी धारा गीत के संगीत का पूर्ण उपयोग किया गया था। उसी वर्ष देवी को तमिल में फिल्म इन साथी कांता स्वामी के साथ जो है
एक अच्छी हिट मूवी दी गई थी। देवी ने और साथ ही विक्रम को एल्बम में 4 गाने के लिए बनाया था। दोस्तों फिल्म में Rediff.com की साथी पवित्रा श्रीनिवास ने उद्धृत किया है कि साथी कथा स्वामी का संगीत देवी श्री प्रसाद के सर्वश्रेष्ठ नहीं है। गीत इन साथी एक्सक्यूज मी एंड साथी मिस्टर जोहन के कंडर सामने रिलीज होने के बाद जो है साथी विवादों में रहा, क्योंकि एडवोकेट बी एलोंगे ने दावा किया है कि उन्होंने गाने की 5वीं पंक्तियां लिखी है। और आखिरकार फिल्म की टीम के केस जो है जीतने के बाद जो है यानी कि विवाद खत्म हो गया। दोस्तों फिल्म 2010 की तमिल में DSP के लिए एक प्रमुख वर्ष था, क्योंकि तमिल सिंगम और साथ ही मनमदम अंबू के साथ जो उनके दोनों एल्बमों को दर्शकों और आलोचकों दोनों से भारी प्रतिक्रिया मिली। देवी ने दोनों फिल्मों के तेलुगु डब संस्करण की रचना की और इनमें से सिंगम फिल्म को तेलुगु और तमिल दोनों संस्करणों में अच्छी प्रतिक्रियाएं दी गई। फिल्म के बारे में Rediff.com के एक आलोचक ने लिखा है कि DSP की धुनों को लेकर और साथ ही व्यमित जोहन की प्रमुख के साथ जो है चिपके रहने के लिए और साथ ही प्रतिष्ठा की गई है, और यहाँ भी आप इसे जो है कि कुछ स्थानों पर पॉप ऑप के साथ जो है देख सकते हैं, लेकिन सामान्य से एक जो है कि प्रस्थान भी है और ज़्यादातर दोनों में यानी कि हंसना का प्रभाव रखी गई है। और गीत और संगीत जो है कि करण जो भी उनके अंतिम और शांति परिणाम एक एल्बम है जो आपको एक जो है कि दबाव प्रदान करती है। इसके लिए जाओ और एक जो है कि अन्य आलोचक ने देवी के काम की प्रशंसा की और कहा है कि एक जो है पश्चिमी लोकगीत एंड साथ ही जैज धुन एक जो है कि कविता और कुत्तों के साथ जो है एक एल्बम जो है अधिक और साथ ही विविधता के लिए नहीं की गई है। बता दें दोस्तों फिल्म में DSP ने दिया है और साथ ही नए प्रयोग उनकी जो है कि परिपक्वता और अभिनय होने के उनके इरादे को दर्शाती है। देवी अपने सामान्य इन साथी रोमांटिक शैली के एल्बमों में 100 लव के साथ जो है और मिस्टर इंडिया के साथ जो है लौट आए थे, जो 2011 में बिल्कुल सही थी और उन्हें आदित्य म्यूजिक लेबल के तहत रिलीज किया गया था। बता दें दोस्तों वीडियो में एक्सप्लेन कर रहे साउथ की सुपरस्टार नितिन की ब्लॉकबस्टर मूवी जिसका नाम है रंग दे। तो दोस्तों अगर आप लोग रंग दे फिल्म को यूट्यूब पर हिंदी तो इस फिल्म को लेके जून 2019 में सूत्रों ने दावा किया था कि नितिन को वेंकी अतलूरी द्वारा निर्देशित की गई एक नई परियोजना के लिए संपर्क किया गया है, जिसने जो है थोली प्रोमा के निर्देशन किया गया था और मिस्टर मजनू और साथी सितारा एंटरटेनमेंट को फिल्म का निर्माण करने की सूचना मिली थी। बता दें दोस्तों कीर्ति सुरेश को मुख्य भूमिका निभाने के लिए संपर्क किया गया था और सितारा एंटरटेनमेंट ने 24 जून 2019 को आधिकारिक तौर पर परियोजना की पुष्टि की थी, जिसमें जो है नितिन और कीर्ति प्रमुख अभिनेता थे और साथ ही अनुभवी छायाकर BC एंड श्री राम ने परियोजना में अपने जो है हिस्से की पुष्टि की थी। अगस्त 2019 में देवी श्री प्रसाद ने इस फिल्म के संगीत पर काम करना शुरू कर दिया था। दोस्तों इस फिल्म को 8 अक्टूबर 2019 को दशहरे के अवसर पर सितारा एंटरटेनमेंट के कार्यालय में लॉन्च किया गया था, जहाँ पर हालांकि कुछ हिस्सों को हैदराबाद में फिल्माया गया था। लेकिन दोस्तों नितिन धारा अपनी एक अन्य और साथ ही फिल्म जो है भीषम के लिए एक गाने की शूटिंग के लिए इटली जाने के बाद जो है टीम ने ब्रेक लिया था। और सिनेमेटोग्राफर के बारे में हम बात करते हो PC श्रीराम धारा फरवरी 2020 में हैदराबाद में शूटिंग के साथ जो है एक पर्दे के पीछे का एक वीडियो जारी किया गया था। दोस्तों मार्च 2020 में भारत में COVID-19 महामारी के कारण फिल्म की शूटिंग रुक गई थी। रुकने के बाद जो है सरकार द्वारा COVID-19 महामारी को नियंत्रित करने के लिए निर्देशित किए गए थे सुरक्षा एवं साथी दिशा निर्देशकों के साथ जो है सितंबर 2020 में फिल्म की शूटिंग फिर से शुरू हुई थी और फिल्म का पोस्ट और साथ ही जो है लॉकडाउन शेड्यूल 7 अक्टूबर 2020 को पूरा किया गया था। गाने की शूटिंग के लिए विदेशी शेड्यूल के साथ जो है 25 अक्टूबर को इटली में होने वाला था और दिसंबर 2020 में फिल्म के निर्माताओं ने दुबई एंड रिमेक के साथ जो है गॉर्डन ने कुल मिला के इस फिल्म के हिस्सों की शूटिंग की थी, जो पहले हफ्ते के भीतर ही पूरा हो गया था। कुछ यानी कि पैच वर्क के साथ जो है दृश्यों के साथ टीम ने जनवरी 2021 के माध्यम से शूटिंग पूरी कर ली थी। मार्च 2021 में नितिन के एक सचेताकार में कहा गया था कि रंग दे फिल्म रोमांस और शैली में उनकी अंतिम फिल्म होगी। बता दें दोस्तों वीडियो में एक्सप्लेन कर रहे साउथ के सुपरस्टार नितिन की ब्लॉकबस्टर मूवी जिसका नाम रंग दे मूवी के साथ रिलीज किया गया था। तो दोस्तों अगर आप लोग रंग दे फिल्म को
यूट्यूब पर हिंदी डब्ड में देखना चाहते हो तो इस वीडियो को लाइक करके वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिएगा। वाली फिल्म है। जी हाँ दोस्तों, आपने सही सुना, बड़े बड़े जो न्यूज रिपोर्टर थे उन्होंने इस फिल्म के बारे में ऐसे रेटिंग दिए हैं। दोस्तों अगर आप लोग इस फिल्म को देख चुके हो तो आप मुझे नीचे कॉमेंट बॉक्स में कॉमेंट करके बता सकते हैं इस फिल्म को आप कितना रिव्यू रेटिंग दे सकते हैं, क्योंकि दोस्तों फिल्म की कहानी अच्छी हो तो मूवी को देखने का मजा ही कुछ और होता है। और अभिनेता नितिन की मूवी तो काफ़ी अच्छी जो है पॉपुलरिटी हासिल करती है रिलीज होने के बाद। तो चलिए दोस्तों अब बात कर लेते अभिनेता नितिन के बारे में कि इन्होंने अब तक कितने फिल्मों में अभिनय किया है। बता दें दोस्तों इनके बारे में मैंने कई सारे वीडियो में ऑलरेडी बता रखा है, तो दोस्तों अगर आप हमारे वीडियो को कंटिन्यू देखते हो तो आपको पता ही होगा। तो चलिए दोस्तों यहाँ से हम बात कर लेते अभिनेता नितिन के बारे में। बता दें दोस्तों साउथ के सुपरस्टार नितिन ने अपने करियर की शुरुआत 2002 में तेजाधारा निर्देशित की गई फिल्म जैम से की थी, जहाँ पे निर्देशक तेजा ने उन्हें दूरदर्शन से लेकर 35 मिनट के साझवे थिएटर में उनकी फिल्म जो है नुबू नैनू के साथ स्क्रीन में दो मौके पर देखा था। फिर तेजा ने उनसे उनकी अभिनय रुचि के बारे में पूछताछ की थी और एक स्क्रीन टेस्ट के साथ फोटो सेशन के साथ किया था। उन्हें अपने निर्देशन और प्रोडक्शन वेंचर के साथ जो है जैम के लिए लीड के रूप में उनको चुना था। और साथ ही साथ आपको बता दें वहाँ पे शादा और शादी गोपीचंद अभिनीत भी थी, जो साल 2003 में नितिन ने बीबी विनायक धारा निर्देशित की गई फिल्म दिल में अभिनय किया था। दिल राजू धारा निर्मित किया गया था इस फिल्म को, और बाद में उसी वर्ष नितिन ने शादी दशरथ धारा निर्देशित की गई फिल्म जो है शंभारम में अभिनय किया था। आपको बता दें सन 2004 में नितिन ने कृष्णा वामसी धारा निर्देशित की गई श्री जोहन के अजनम में अभिनय किया था, जहां उन्होंने भगवान हनुमान के भक्त के रूप में भूमिका निभाई थी। ये पहली फिल्म भी है जहां पे नितिन ने अपने संवादों को ड्रॉप किया था, जिसे जो है तब तक जो है यानी कि शिवाजी ने आवाज़ नहीं दे दी थी। बताया दोस्तों एस एस राजा मौली धारा निर्देशित की गई उनकी 2004 की फिल्म जो है साई के बाद नितिन कई जो है फिल्मों में दिखाई दिए थे, जिनमें से कुछ जोहन की धर्यम, आज्ञा और सीता रामूला फिल्म था जहाँ पे कल्याण है, और वहीं पे हालांकि उनमें से कोई भी फिल्म जो है व्यावसायिक रूप से सफल नहीं रही। नितिन को तेलुगु सिनेमा में किसी भी अभिनेता द्वारा सबसे यानी कि लगातार फ्लॉप की जाने वाली 12 का गौरव प्राप्त है, जो उन्होंने साल 2012 में विक्रम कुमार द्वारा निर्देशित की गई रोमांटिक ड्रामा फिल्म इश्क के साथ जो है कई वर्षों के बाद सफलता का स्वाद इन्होंने चखा था। इसी के साथ 2012 से लेकर 2016 तक ने इश्क फिल्म में नितिन ने नित्या मिलन के साथ जोड़ी बनाई, जिसे उनके पिता जो है सुधाकर रेड्डी ने भी सह निर्मित किया था। उन्होंने साल 2013 में फिल्म गुंडेज जारी के साथ जो इनकी गलन था यंदे में अभिनय किया था, और ये फिल्म एक सफल मूवी थी जहाँ पे अभिनेता नितिन के साथ ईशा तलवार और नित्या मिलन ने मुख्य भूमिकाएँ निभाई थी। बाद में उन्होंने साल 2014 में एक करुणाक्रम धारा लिखित और निर्देशित की गई फिल्म जो है चिन्नाद ना की और साथ ही कोशम में अभिनय किया था, जिसे जो है एन सुधाकर रेड्डी और बहन जो है निकिता रेड्डी ने अपने होम बैनर सीरीज जो है मूवी के तहत निर्मित किया था। और बाद में वर्ष में उन्होंने पूरी जगन्नाथ धारा निर्देशित की गई हॉट अटैक में मुख्य भूमिका निभाई थी। उन्होंने एक हिप्पी की भूमिका निभाई और फिल्म को मिश्रित समीक्षा दी गई थी। उन्होंने प्रेम मसाई धारा निर्देशित की गई और गौतम वासुदेव धारा मिनन धारा निर्मित की गई साल 2015 में रिलीज हुई फिल्म जो है कुरियर बॉल के साथ कल्याण में एक जो है यानी कि कुरियर बॉय की भूमिका निभाते हुए इनको देखा गया था। बेहतर सूत्र की आवश्यकता ये थी कि नितिन ने फिल्म एआ 2016 में अभिनय किया, और लिखा है कि त्रिविक्रम श्रीनिवास द्वारा निर्देशित की गई समांता रूत प्रभु और अनुपमा परमेश्वर के साथ जो है ये फिल्म नितिन के करियर के सबसे बड़ी कमाई करने वाली फिल्म साबित हुई थी। यहाँ दोस्तों आपने सही सुना। तो दोस्तों अगर आप नितिन के फैन हो और इनकी मूवीज को देखना चाहते हो तो आपसे रिक्वेस्ट है इस वीडियो को लाइक करके इस वीडियो में आप अंत तक जरूर बने रहिएगा, क्योंकि दोस्तों आपको पता है हमारे यूट्यूब पर आपको मूवी रिव्यू, मूवी की बजट एंड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन देखने को मिलता है। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम एक्सप्लेन कर रहे हैं मचरेला न्यूजक का वारगम फिल्म को, तो अगर आप लोग इस फिल्म को देखना चाहते हैं तो प्लीज आप मुझे नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो चलिए दोस्तों वीडियो में हम आगे बढ़ते हैं। दोस्तों अभिनेता नितिन ने अपने करियर में कई सारी फिल्मों में अभिनय किया है, और ये एक लौते अभिनेता है जिन्होंने लगातार 12 फिल्मों को फ्लॉप किया है। साल 2017 में नितिन ने फिल्म जो है ली में अभिनय किया, जिसे हनु एंड सतीराग व पुडी धारा निर्देशित किया गया था। इसने आलोचकों से औसत समीक्षा प्राप्त की और बॉक्स ऑफिस पे अच्छा प्रदर्शन करने में विफल रही। साल 2018 में नितिन की चल मोहन रंगा को कृष्णा और चेतन ने सह कलाकार मेघा आकाश के साथ निर्देशित किया था। फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर खराब प्रदर्शन किया था।
दोस्तों नितिन की ये फिल्म भी बॉक्स ऑफिस पे उतनी ज़्यादा कामयाबी हासिल नहीं की। उसके बाद जो है उसके बाद के वर्षों में उन्होंने श्री निवास धारा कल्याण में राशि खन्ना के साथ अभिनय किया था और आपको बता दें सतीश जो है यानी कि वेगनाथ धारा निर्देशित किया गया था उनकी 2020 की फिल्म भीषम वेंग की। कुद्दुमुलु धारा निर्देशित की गई रश्मिका मंदाना के साथ अभिनीत एक जो है व्यावसायिक सफलता फिल्म थी। आपको बता दें नितिन ने रकुल प्रेम सिंह के साथ इन प्रियंका प्रकाश वारियर की सह कलाकार वाली मूवी चेक फिल्म में अभिनय किया था जिसे 2021 के लिए निर्देशित यानी कि चंद्रशेखर इलेटी के साथ सहयोग किया गया था। वर्ष की उनकी दूसरी रिलीज रंगदे फिल्म थी जिसका निर्देशन वंकी अतलूरी ने किया था और इसमें कीर्ति सुरेश के साथ अभिनय किया था। वर्ष की उनकी तीसरी रिलीज मूवी ब्लैक कॉमेडी क्राइम थ्रिलर मेस्टो मूवी थी जिसे 17 सितंबर 2021 को डिज्नी प्लस हॉटस्टार पे डायरेक्ट जो है टू स्ट्रीमिंग के लिए रिलीज किया गया था। उन्होंने एक जो है पियानो वाद की भूमिका निभाई फिल्म के अंदर और आलोचकों ने फिल्म में उनके प्रदर्शन की प्रशंसा की और ये हिंदी फिल्म जो है अंधाधुन की रिमेक बनाई गई है जो बेहतर शूटरों की जरूरत थी वहाँ पे। और सितंबर 2021 में उन्होंने अपनी अगली फिल्म यानी मचरेला न्यूजक का वार्गम मूवी के लिए फिल्मांकन इन्होंने शुरू किया है। इसको हाल ही में रिलीज की गई है जिसकी रिव्यू इस वीडियो में हम कर रहे हैं। चलिए दोस्तों अब बात कर लेते हैं अभिनेत्री तेरेसा के बारे में। उन्होंने सबसे पहले अपने अभिनय की शुरुआत 2010 की मूवी कन्नड़ फिल्म शंकर से की थी। ये मूवी दुनिया भर में विजय के साथ ही जहाँ पे तेरेसा ने मलयालम फिल्म में दिखाई दी। ये मूवी थ्रिलर और साथ ही जो यानी कि अंपू कदम ब्रदर्स मूवी था जहाँ पे बैक इन एक्शन में अभिनय किया था। ये फिल्म साल 2011 में उन्होंने कन्नड़ फिल्म जो है विष्णु में एक भूमिका निभाई थी। इसके बारे में उन्होंने कहा था कि वे उनके वास्तविक जीवन के समान रूप से विपरीत फिल्म थी। इसके बाद के साथ कन्नड़ फिल्म जो है इनकी गॉड फादर आई थी। इसे सिनेमाटोग्राफर से फिल्म निर्माता बने थे और आपको बता दें सेतु श्रीराम ने निर्देशित किया था इस फिल्म को और फिल्म में तेरेसा का चरित्र जो है मानसिक रूप से विपक्ष रखा गया था। ये फिल्म महिला का था जहाँ पे उनके प्रदर्शन ने उन्हें 60वें फिल्मफेयर अवार्ड साउथ में सर्वश्रेष्ठ हास्य अभिनेत्री के श्रेणी में एक पुरस्कार के लिए पहला नामांकन दिलाया था। दोस्तों इसके बाद उन्होंने नीलकांत धारा निर्देशित की गई छमक छल्लो मूवी के लिए साइन अप किया गया था इनको, जिसमें उन्होंने एक शहरी साहसी की इंसाती गतिशील लड़की की भूमिका निभाई थी। ये फरवरी 2013 में रिलीज हुई थी और बॉक्स ऑफिस में असफल रही थी, लेकिन उसने ध्यान दिया था और सकारात्मक समीक्षा प्राप्त की थी। आपको बता दें APHIT.com ने उसे देखने के लिए एक दावत दिया था और कहा था 123 Telugu.com ने कहा कि अगर वह अपने पत्ते सही से खेलती है तो उसने भविष्य में यानी कि सुपरस्टार बनने की क्षमता है। साथ ही साथ तेरेसा ने पूरी जगन्नाथ की तेलुगु फिल्म में इन्होंने अभिनय किया, मुख्य भूमिका निभाई इस फिल्म में और फिल्म जून 2013 में रिलीज हुई थी और उसे खूब समीक्षा मिली थी, जहाँ पे टाइम्स ऑफ इंडिया ने रिपोर्ट किया है कि कैथरीन तेरेसा जो है की आकांक्षा के चरित्र पर पूरी तरह से शूट करती है। जहाँ पे इस फिल्म के बारे में string.com ने उन्हें सीक्रेट एंड साथी ए स्मोकिंग हॉट कहा था, जबकि आइडियल ब्रेन जीव ने अपनी समीक्षा में कहा था कि थोड़ी फाइनल जो है ट्यूमिंग के साथ वह तेलुगु फिल्म में बड़ी बन सकती है। तेरेसा जो है अपनी अगली बार पैसा में कृष्णा वामसी धारा फिल्म में एक मुस्लिम की भूमिका निभाते हुए दिखाई दी थी, जो प्यारी है बहुत यानी कि हिचकिचाती हुई है फिल्म में और अपनी आंखों से बहुत कुछ यानी कि बोलती है और इसे छमक छलो में जो यानी कि मैं खेलती हूँ उन्होंने कहा था विपरीत थी, जो साल 2014 में उन्होंने मद्रास के साथ तमिल फिल्म उद्योग में अपनी शुरुआत की जिसमें उन्होंने कार्तिक के साथ अभिनय किया था। दूसरी तमिल फिल्म एस के साथ यानी कि थनु एंड प्रोडक्शन के साथ जो है कनीथन के साथ जिसका निशंजय डेब्यूटेंट एंड संतोष सर ने किया है, जिसमें वह आधारवा के साथ अभिनय करेंगी। उन्हें दो तेलुगु फिल्मों के लिए साइन अप किया गया है, सबसे पहले गुणशेखर की रुद्रमा देवी मूवी, पहली जो है भारतीय 3D मूवी ऐतिहासिक फिल्म है। और आपको बतला दें इरावत जिसे जो है कि दशहरी नारायण राव धारा निर्देशित की गई और निर्मित किया जा रहा है, जो आपको इस वीडियो में हम बतलाएंगे। तो दोस्तों अगर आप इस साउथ की फिल्म को देखना पसंद करते हो तो इस वीडियो में आप अंत तक जरूर बने रहिएगा। द मूवी स्टोरी इज अ सिद्धार्थ रेड्डी गेट द इन पोस्टिंग एंड डिस्ट्रिक्ट द कलेक्टर फॉर द एंजेंट डिस्ट्रीब्यूट आंध्र प्रदेश देयर इज द गोट अगेंस्ट एंड रजप्पा लोकल रॉडी एंड द पुलिस स्टेशन ऑन द 10 सितंबर 2021 द श्रेष्ठ मूवी मेड एंड द अनाउंसमेंट ऑन द इन एसोसिएशन ऑफ द वेंकी चटुरी विद द पूजा एंड कमोडनी ऑफ द थियर एंड अपकमिंग मूवी विद द नितिन इज द एंड प्रोड्यूसर अंडर द बैनर ऑफ श्रेष्ठ मूवी इन एसोसिएशन विद द आदित्य मूवी एंड एंटरटेनमेंट प्रिंसिपल फोटोग्राफी एंड कमीशन इन सितंबर 2021। द फिल्म वॉज द रिलीज
रिलीज इन थिएटिकल ऑन 12 अगस्त 2022 द मैकलेरा न्यूज का वर्ग मूवी रिसेप्ट नेगेटिव रिव्यू एंड फ्रॉम क्रिटिक्स द एन अरबिन बी ऑफ द इन पिंक विल रेटेड द फिल्म 2 out of 5 stars एंड वरुड द स्टोरी ऑफ द मैकलेरा न्यूज का वर्ग चेक ऑल द एन वर्ग इन द वरुण बॉक्स ऑफिस द एन बॉक्सेस हैव एंड Nominated from the in Bayung are the in theatrical video is the 123 Telugu Varud the film and Rotten and the outright action drama with is select from the and miss the moment and Nishita Nayapati of the Times of India rated the 1.com 1.5 star out of the 5 star with the in Maklera Nijoka Wargam is the end sadly of and the suddenly all the style and the in subsequent the in Murli Krishna and of the New Indian Express state the in Maklera Nijoka Wargam movie and painfully in portable is the end really in the positive and the negative review from the 2022 Film star Nithin is the made here the action debut in 2002 with the end romance action film JM 2002. He won to be in Filmfare Award for Best Male Debut Short for his the end performance the Nithin and operated in the Dil movie 2003, Sri Anjana movie 2004 and the Sri 2004 and after the series of the end failure of the box office Nithin the end achieved success with the end romance film Ishq movie 2002 is the other successful film in the schedule and the Ganjiri and Goliath movie 2013, Heart Attack movie 2014, A movie 2016 and the Bhisham film 2020. In the 2013, Nithin the end established the How the Film Production Studio in Shrestha movie and Nithin is the brand ambassador from the Swiss the end and the Swachh Bharat campaign from the in state of the movie. The film is the personal. Nitin Kumar Reddy was the on the 30 March 1983 to the film and distributed the and Sudhakar Reddy and Lakshmi Reddy he is the an elder sister the named the Nikita Reddy he the completed the education of the in Gitanjali school in Bagumati the movie is the entertainment the education from the and Ratna Junior College hit the and pursued hit the and graduation at the in Southern College the in engineering of the and technology and Gandeep hit the father later the and turned the producer and the produced to be movie with the and Gandhijari and the movie and Kaneda Di and Kosam the Nitin added the extra in his the name of the and express the Nitin his the. In 2022, Nitin was the and engaged to his the girlfriend the Salini and Kandukari on 26 July the marriage at the in Falkunuma. In Falkunuma Palace, Hyderabad the and marriage was the originally schedule of the movie held on 16 April same year in Dubai but was the postponed due to his the lockdown and restrict imposed in the and the response COVID-19. Nitin started his career with the movie in JM in 2002 and directed by the Teja director Tej was the him and the 2035 mm the entry is the screening of the film Nuhu Nenu was the two in association the and the Teja the inquiry is the in about action the interest and movie screen test in the photo and the association the selected hit the and lead from his the and directorial and production what the JM movie also starring the and Sudha and Gopi Chan in 2013 Nitin acted by the Dil directed by the B.V. Vinayak and produced by the Dil Raju later in the film. Dil Raju is the movie the same year the Nitin acted in the movie in Samantha directed by the N. Dasharath K. In 2004 Nitin starred the Sri Anjanam directed by the Krishna Vamsi in where the he played the role of the N. A debut to be of the and Lord Hanuman this also the first film where the N. Nitin debut his the end dialogue will the until was the end voiced by the N. Shivaji. The frame of the movie 2004 film say directed by the S.S. Rajamouli Nitin approached by the and number of the film scene of the which are the end Dhram Agyata at the Sita and Ramula Kalam the and however known of this film where the end commercially successful Nitin also hit the word and distributed of the most and consecutive flop the 12 by any actor in Telugu cinema he stayed the success after the in many years with the 2012 Vikram Kumar directed by the romantic drama film Ishq movie. Ishq movie Nitin played by the and opposite the Nithya Menon which was the also co and produced by the father Sudhakar Reddy he acted the movie and Gunde Chari and Gulatham in 2013 the Isha Talwar and Nithya Menon played by the lead role Ishq movie and along with the Nitin later he then acted by the
इन द कनाडियन मूवी कुसुम फिल्म वेटिंग एज द इंडक्टर बाय द ए करुणाकरण इन 2014 ऑल्सो द एंड प्रोड्यूसर द बॉय एंड सुधाकर रेड्डी हैज द सिस्टर नितिन रेड्डी अंदर थियर द मूवी एंड बैनर द इंसरेस्ट मूवी लेटर बाय द पुरी जगन्नाथ प्ले द एंड लीड इन हार्ट अटैक मूवी डायरेक्टर बाय द पुरी जगन्नाथम इज द मूवी इन रोल ऑफ द एंड हैपेड बाय द मूवी गोट द मिक्सिज रिव्यू ही एक्टेड द रोल ऑफ द क्वाली बॉय द मूवी एंड क्वाली बॉय एंड कल्याण रिलीज इन द 2015 डायरेक्टर बॉय द एंड प्रेम मसाई प्रोड्यूसर बॉय द एंड गुथामदी वामसी मिलनता नितिन एंड एक्टर बॉय द ए आर 2016 वेटन एंड डायरेक्टर बॉय द एंथनी विक्रम श्रीनिवास अपोजिट द समांथा राउट द प्रभु एंड अनुपमा एंड परमेश्वरा द फिल्म बिक्योम हिज द एंड बिगेस्ट द एंड प्रोसेसर इन नितिन करियर इन 2017 नितिन एक्टेड बॉय द एनली विच वॉज द डायरेक्टर बॉय द हनु एंड रघुपति एंड जनरेट अवरेज रिव्यू फ्रॉम द मूवी एंड क्रिटिक्स डायरेक्टेड बाय हनु राघव पुद्दी एंड जीनर अवरेज रिव्यू फ्रॉम द क्रिटिक्स एंड द क्लाउड नॉट परफॉर्म विल बी एट द बॉक्स ऑफिस इन 2018 नितिन द एंचल मोहन रंगा डायरेक्टेड बाय द कृष्णा चेतनिया विद्दी स्टार्ट द मेगा आकाश द फिल्म एंड परफॉर्म द पूरी द बॉक्स ऑफिस लेटर द इयर्स एंड स्टार्ट द इन श्रीनिवास कल्याण इन अपोजिट द राशि खन्ना एंड डायरेक्टेड बाय द एनशास्ती एंड वक्सा इज 2020 फिल्म द भीषम मूवी डायरेक्टेड बाय द वंकी एंड कुदुमुल्ला स्टार्ड द अलॉन्गसाइड रश्मिका मंदाना वॉज द कॉमर्शियल सक्सेसफुल मूवी नितिन एंड कोलैबोरेटेड विद द डायरेक्टर बाय द चंद्र शेखर रियल्टी फॉर द चेक मूवी 2021 को स्टार रकुल प्रीत सिंह एंड प्रियंका वेड्डी हिज द सेकेंड रिलीज ऑफ द फिल्म यश रंग द मूवी डायरेक्टेड बाय द वंकी अतलोरी एंड द स्टार द अलॉन्गसाइड कीर्ति सुरेश हिज द एंड रिलीज ऑफ द फिल्म यश द ब्लैकमेल एंड द ब्लैक कॉमेडी एंड क्राइम थ्रिलर मेस्ट्रो फिल्म which is the end directed by the strong release on the Disney Plus Star on 17 September 2021. He played the role of the Penicity with the Anko movie as a performance and the film and remake of the movie film The End Andhadhun in September 2021. He's the and next film the MacLeod Neojakar movie in the movie in the which was the 2022. बता दें दोस्तों मैक्लेरन न्यूजा का वारगम फिल्म की कहानी स्टार्ट होती है सिद्धार्थ रेड्डी को आंध्र प्रदेश के गुंटूर जिले के लिए उनको भेजा गया है कलेक्टर के रूप में पोस्टिंग मिलती है वहां पे वह एक स्थानीय उग्रवादी और राजनेता रजप्पा के खिलाफ लड़ते हैं बता दें दोस्तों फिल्म को 10 दिसंबर 2021 को श्रेष्ठ मूवी के नियमित के बैनर तक इस फिल्म को चतुर्थी के अवसर पर नितिन के साथ अपनी आगामी फिल्म के पूजा समारोह के साथ जो घोषणा किया गया था ये फिल्म आदित्य म्यूजिक एंड एंटरटेनमेंट के सहयोग से श्रेष्ठ मूवी के बैनर के तले निर्मित की गई है मूवी की प्रिंसिपल फोटोग्राफी सितंबर 2021 में शुरू हुई थी दोस्तों जैसे कि आपको पता है फिल्म को 12 अगस्त 2022 को सिनेमाघरों में रिलीज किया गया रिलीज होने के बाद फिल्म को कुछ नेगेटिव रिव्यू भी मिले हैं दोस्तों मचरेला न्यूजा का वारगम फिल्म को आलोचकों से नकारात्मक समीक्षा मिली है पिंक विल्ला के अरविंद दिनी ने फिल्म को 5 में से 2 स्टार का मूल्यांकन किया और लिखा है मचरेला न्यूजा का वारगम मूवी की कहानी उन सभी गलत बॉक्सों की जांच करती है जिन्हें एक बीते हुए युग के साथ एनकेशन प्रस्तुत किया जाता है एक विधवा को धमकी देना और 123 तेलुगु ने लिखा है कि ये फिल्म कुछ यानी कि चुनिंदा सामूहिक जो क्षणों के साथ नियमित और पुरानी एक्शन ड्रामा फिल्म है जो द टाइम्स ऑफ इंडिया की निशिता न्यायपति ने फिल्म को 5 में से 1.5 स्टार की रेटिंग दिया और लिखा है मचरेला न्यूजा का वारगम मूवी दुखी वाली बात है जहाँ पे सभी शैली और कोई भी यानी कि पदार्थ नहीं है द न्यू इंडियन एक्सप्रेस के मुरली कृष्णा NCH ने कहा है कि मचरेला न्यूज का वारगम फिल्म यानी कि दर्दनाक रूप से अनुमानित है और हास्य सबत रूप से दोहराव वाला फिल्म हो सकती है रोहित मोहन सर ने फिल्म को 3.5 का मूल्यांकन किया है और कहा है कि 1.5 साल बाद नितिन की वापसी पूरी तरह से जो है स्वाभाविक है और एक हिट मूवी है फिल्म दर्शकों के लिए सही है और जीशु सेनगुप्ता रश्मिका मंदाना ने अपनी भूमिका के साथ जो है पूरा न्याय किया है और फिल्म टाइम्स ऑफ इंडिया के संपादन ने 3.5 स्टार का मूल्यांकन किया और कहा यदि आप चलो से प्यार करते हैं तो भीष्म को एक मौका देना कोई भी दिमाग नहीं है कोई भी यानी कि बड़ी बात नहीं है बस कुछ देर से ही समझदार या उपन्यास की उम्मीद मत करो और आप जो है जीत गए हैं निराश नहीं हो दोस्तों मूवी बॉक्स ऑफिस से भी सफलता रही 40 करोड़ से अधिक की कमाई किया है भीष्मा फिल्म ने और भीष्मा फिल्म को 2020 में नेटफ्लिक्स पे रिलीज किया गया था
ये मूवी 2022 में रिलीज होने वाला है 19 फरवरी को, यानी कि ये मूवी अब कल के दिन जो है ढिंचक टीवी चैनल पे ये मूवी हिंदी डब में रिलीज़ होने वाला है। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम इस मूवी को हिंदी में एक्सप्लेन कर रहे हैं। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आ रहा है तो आपसे रिक्वेस्ट है इस वीडियो को लाइक करके हमारे यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। फ्रेंड आप लोग को पता है हमारे यूट्यूब चैनल पर आपको मूवी रिव्यू, मूवी की बजट एंड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन को एक्सप्लेन किया जाता है। इसमें मूवी से जुड़ी काफ़ी रोमांटिक फैक्ट को वीडियो में हम लेके हाजिर हुए हैं ढिंचक चैनल पे। ये वीडियो जो है काफ़ी जल्द अपलोड होने वाला हिंदी डब में, तो आप लोग जो है वहाँ पे जाके इस फिल्म को देख सकते हैं। इसमें फिल्म की कहानी के बारे में हम थोड़ा सा यहाँ पे एक्सप्लेन करें तो ये मूवी जो है अर्गनिस के सीईओ है और वह चाहते हैं कि किसान खेती में साथी रस्माओं किसान खेती में रसायनों के उपयोग के जैविक प्रथाओं की ओर बढ़े और वह उन्हें सफलतापूर्वक स्थानांतरित कर सके। इसके बाद उन्होंने मीडिया के सामने घोषणा किया है कि वह कंपनी की 50वीं वर्षगांठ पर जो है अगले सीईओ की घोषणा करेंगे। फिर यह भीष्म प्रसाद के पास जाते हैं जो एक अकेला व्यक्ति है जो हमेशा प्यार पाना चाहता है। वह अपने दोस्त परिमल के बॉस की प्री जो है यानी कि वेडिंग पार्टी में जाता है, अपने बॉस की शादी की पार्टी में जाता है जहां वह सारा को देखता है। वह अपना परिचय भीष्म IAS और साथ ही सिंगुल से देता है और वह उसे अपने साथ भागा वह अपने साथ जो है भगा देता है। तब उसे यह पता चलता है कि उसके पास पैसे नहीं है और वह उसे पुलिस में फंसा देती है जिससे परिमल को निकाल दिया जाता है। उसके चाचा JP को अपने सहपाठी और SCP देवा को बुलाकर उसे जो है जमानत दिया जाता है और बड़ी देवा जेपी से भीष्म को एक जो है सबक सिखाने के लिए उनके पास लाने के लिए कहा जाता है क्योंकि उनका मानना है कि भीष्म एक हारे हुए इंसान है क्योंकि वह एक मैन निर्माता के रूप में अपना जीवन जीते हैं। और JP तब यहाँ पे भीष्म के पिता जो हैं अनंत प्रसाद को बताया जाता है कि भीष्म देवा के साथ सजा काट रहा है और फ्लैशबैक ये है कि अनंत और देवा जो है सहपाठी के और भी भीष्म ने अपनी बेटी को छुआ हुआ जब वह जो है दोनों के बीच एक जो है विभाजन पैदा कर रहा होता है तो भीष्म ने अधिकारियों को चाय की सफाई और साथ ही परोसने से शुरुआत किया है। एक दिन भीष्म गाड़ी चला रहा होता है देवा को छोड़ने के बाद रास्ते में वह देखता है कि चैत्र को सहायता की आवश्यकता है क्योंकि उनका वाहन दुर्घटनाग्रस्त हो गया है। वह उसे SCP भीष्म के रूप में पेश करता है क्योंकि वह एक पुलिस कार में है और वह खुद को जो है भीष्म और साथ ही अर्गनिक्स के कर्मचारी के रूप में पेश करती है। वह उसके साथ जाने का फैसला करता है और वह जैविक खेती के बारे में सिखाता है। दोस्तों वीडियो में भीष्म फिल्म को रिव्यू कर रहे हैं और इस मूवी से जुड़ी काफ़ी रोमांटिक फैक्ट को इस वीडियो में हम बता रहे हैं। दोस्तों आप लोगों को पता है हमारे यूट्यूब चैनल पे आपको मूवीज रिव्यू, मूवीज़ की बजट एंड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन को यहाँ पर बताया जाता है। हम यहाँ पर किसी भी कंपनी की फिल्म को अपलोड नहीं कर सकते, ये मेरा मजबूरी है। भीष्म फिल्म 2022 में हिंदी डब में ढिंचक चैनल पे रिलीज होने वाला है 19 फरवरी को, तो आप जो है वहाँ से जाके इस फिल्म को देख सकते हैं। फिर जो है यहाँ पे क्या होता है, साइंस के CEO राघवन वन टेस्ट नामक के एक उत्पादक पेश करते हैं और जो कि रसमाए के उपयोग से जो 4 महीने 6 महीने की उपज पैदा करते हैं। खेती के बारे में इस फिल्म में ज़्यादातर चीज़ें दिखाई गई है और भीष्म के साथ जो है लड़ाई बातचीत कर रहे होते हैं। भीष्म के कुछ किसानों को प्रभावित करने की कोशिश करते हैं। कुछ जो है उल्सित मोड़ के बाद जो है भीष्म को यह पता चलता है कि वह देवा की बेटी देव जल्द ही भीष्म के बारे में एक अच्छी राय विकसित करती है, लेकिन चैत्रा उसे पसंद नहीं करता है और भीष्म एक जो है ड्राइवर के रूप में देवा के लिए काम करता है और चैत्रा को उन जगहों पर ले जाता है जहाँ वह जाना चाहती है। चैत्रा और भीष्म जो है बातचीत के लिए जाते हैं और वह वहाँ पर अपने दोस्त परिमल को यह पता चलता है कि फील्ड साइंस के लिए काम करता है और भीष्म बात करते हैं कि उनके साथ जो है बातचीत के दौरान जैविक खेती कितनी महान है और चैत्र पर जो है जीत हासिल की गई है और अचानक देवा का सिपाही उन्हें जो है गले लगाते हुए एक तस्वीर भेजता है और देवा गुस्से में आ जाता है। वह भीष्म के घर जाता है और आनंद को अपने पिता के रूप में देख कर जो है चौंक जाता है। वह अपनी बंदूक निकाल लेता है और भीष्म को यह
कहते हुए गोली मारने का फैसला करता है कि वह हारे हुए जब आनंद से खुलासा किया है कि भीषम और सीनियर भीषम का पोता है और वह जो है भीषम अंग्रेज भीषम जो ऑर्गेनिक्स का अगला सीईओ होने वाला है और देवा है और भीषम जो हैरान है और मीडिया को इस बारे में पता चल जाता है। जब भीषम अपने दादा की देखभाल करने के लिए जाने के लिए तैयार होता है तो यह पता चलता है कि आनंद ने अपने बेटे को जीवित रखने की कोशिश करने के लिए देवा से झूठ बोलता था और भीषम हैरान होता है। इस मूवीज़ के अंदर काफ़ी रोमांटिक कहानी को बताया गया। जब भीषम अपने दादा की देखभाल करने के लिए जाने के लिए तैयार होता है तो यह पता चलता है कि अनंत ने अपने बेटे को जीवित रखने की कोशिश करने के लिए देवा से झूठ बोला था। भीषम हैरान है और इसी बीच चेतना ने उसे यह कहते हुए फ़ोन किया कि उसके पिता चाहते हैं कि वह उससे शादी करे क्योंकि वह सीनियर भीषम का पोता है और कहता है कि वह जो झूठा है और उसने उसके साथ जो छेड़छाड़ी की और वह कैसे जानती है कि वह भीषम का नहीं है। और पोता भीषम ने देवा को सच बताने का फैसला किया था लेकिन उसे आश्चर्य हुआ कि सीनियर भीषम ने उसे जो है 30 दिनों के लिए कंपनी के साथ जो है कि संचालन सीईओ के रूप में घोषित किया गया था। भीषम इसी यानी कि निर्णय से चौंक जाता है और चैतरम उसे और भी यानी कि अधिक जो है घृणा करता है और उन्होंने यह भी पाया कि परिमल ने राघवन को यह जानने के कारण जो है फील्ड साइंस में अपनी नौकरी खो दी थी। फ्रेंड इस वीडियो में हम भीषम फिल्म को रिव्यू कर रहे हैं। अभी ये मूवी हिंदी डब में रिलीज नहीं हुआ है। अगर आप लोग इस फिल्म को हिंदी डब में देखना चाहते हैं तो आप मुझे नीचे कमेंट करके बता सकते हैं। दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं ये भी बताऊँगा इस फिल्म को हिंदी डब में कहाँ से देख सकते हैं। दोस्तों आप लोग को पता है ढिंचक चैनल है जहाँ पर आपको हिंदी डब में ये फिल्म बहुत जल्द देखने को मिलेगा। 19 फरवरी को ये मूवी वहाँ पर रिलीज किया जाएगा हिंदी डॉब भाषा में। उन्होंने 30 दिनों के लिए कंपनी की परिचालन सीईओ के रूप में घोषित किया कि भीषम इसी निर्णय से चौंक जाता है और चैत्र उससे और भी अधिक घृणा करने लग जाता है। उन्होंने यहाँ पे यह पाया कि परिमल ने फील्ड साइंस में अपनी जो है नौकरी खो दी थी क्योंकि राघवन को यह पता चला था कि उनके साथ जो है परिमल भीषम का दोस्त है और वह भीषम के लिए ड्राइवर के रूप में शामिल होता है। फिर भीषम को कार्यालय के चारों ओर दिखाया जाता है और जल्द ही से उनके साझे कर्मचारियों पर जीत हासिल कर लेता है। वह एक गांव को फील्ड साइंस से नाराज होकर जो है राघवन को साइन करने से भी बचाता है जो कि चैत्र के प्यार को फिर से जो है जगाता है। राघवन ने यहाँ पर यह महसूस किया और सुनिश्चित करने का फैसला किया कि भीषम सीनियर भीषम को एक जो है जहरीला हाइब्रिड प्लांट हो गया है और साथ ही देकर जो है अगली सीईओ नहीं है तो वहां पे यह पता चल जाता है कि अस्पताल में भर्ती करता है और भारत की वन कृषि कंपनी बन जाता है। वहां पे कंपनी को प्रतिष्ठा खोने के लिए भीषम के गोदाम में रासायनिक रूप से उनके साथ जो है पौधे लगाया जाता है। एक पुलिस जो वहाँ पे छापा मारता है और राघवन ने कृषि मंत्री अजय वर्मा को दुनिया के लिए जो है स्टेट और साथ ही इंस्टेंट लंच करने के लिए आमंत्रित किया था लेकिन उनके आश्चर्य के लिए अजय का कहना है कि उत्पादन हानिकारक हो सकता है और साथ ही रसायनों से बना है और फील्ड साइंस के लाइसेंस को रद्द करते हुए वहां पर रद्द कर दिया जाता है जो कि राघवन को बिस्तर तक ही यानी कि सीमित रखता है। उसे जल्द ही यह पता चलता है कि सीनियर भीषम जीवित है और उन्हें केवल तेज बुखार के कारण जो अस्पताल में भर्ती कराया गया था। उसे यह भी पता चल जाता है कि भीषम ने सारा और अजय को एक होटल के कमरे में पाया और कहता है कि उसके पास एक पेन कैमरा है और साथ ही बटन कैमरा है जो कि अजय को भाषण देने के लिए मजबूर करता है कि रसायन कैसे खराब है और पुलिस को उसके पौधे लगाने के बारे में कैसे पता चलता है। फिर भी भीषम को भीषम और साथ ही ऑर्गेनिक्स का पुरनकालिक जो है सीईओ नियुक्त किया जाता है और चैत्र भीषम की शादी हो जाती है और उनका कहना है कि वह जो है सिंगल फॉर नेवर के बजाय सिंगल फॉर नेवर है।
दोस्तों इस वीडियो में हम भीष्मा फिल्म को रिव्यू कर रहे हैं। भीष्मा मूवी अभी हिंदी डब में रिलीज नहीं हुआ है। दोस्तों ये फिल्म ढिंचक चैनल पर रिलीज होने वाला है। इस फिल्म में स्टार कास्ट है नितिन, रश्मिका मंदना। नितिन सर इस फिल्म में भीष्मा के किरदार में नजर आए हैं और रश्मिका मंदना का किरदार इसमें चित्रा, भीष्म जी आर लव यानी कि इंटरेस्ट के किरदार में नजर आई, गर्लफ्रेंड के किरदार में नजर आई है। दोस्तों इस वीडियो में आप लोग को पता है मैं जिस फिल्म को रिव्यू करता हूँ उस मूवी की बजट एंड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन को जरूर बतलाता हूँ। इस वीडियो में हम रिव्यू कर रहे हैं भीष्मा फिल्म को, जिसे 2020 में तेलुगु भाषा में रिलीज किया गया था। अब इस फिल्म को बहुत जल्द हिंदी भाषा में भी रिलीज किया जाएगा। और हिंदी भाषा में रिलीज होने से पहले मैं इस फिल्म को थोड़ा सा एक्सप्लेन कर रहा हूँ। मूवीज़ की कहानी के बारे में यहाँ पे कुछ नए नए फैक्ट को लेकर हाजिर हुआ हूँ, तो वीडियो काफ़ी मज़ेदार है। इस वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिएगा। भीष्मा फिल्म की घोषणा 30 मार्च 2019 को रश्मिका मंदना द्वारा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के माध्यम से नितिन के जन्मदिन के अवसर पर की गई थी। पूजा समारोह और मुख्य फोटोग्राफी मई 2019 के माध्यम की गई थी 2019 के माध्यम में की गई थी। इस फिल्म का दिसंबर 2019 के अंत तक जो है इस फिल्म को चलाया गया था और कन्नड़ अभिनेता अनंत नागा को एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाने के लिए साइन किया गया था, जबकि बंगाली अभिनेत्री जीशु सेनगुप्ता को प्रति की भूमिका निभाने के लिए साइन किया गया था। और गीत है कि चुसा इटली में और साथ ही पासी टानो में फिल्म की गीत को शूट किया गया था। फिल्म शुरू में 25 दिसंबर 2019 को लक्षित की गई थी रिलीज के लिए, लेकिन 21 फरवरी 2020 को इस मूवीज को रिलीज किया गया था नेटफ्लिक्स पे। इस फिल्म को नेटफ्लिक्स और सन एनएक्सी और तमिल, कन्नड़ और मलयालम में डब संस्करणों के साथ 9 अप्रैल को रिलीज किया गया 2020 को और अंग्रेजी साथ ही उपशीर्षक के साथ जारी किए गए थे। हिंदी डब संस्करण का सीधा प्रीमियर 19 फरवरी 2022 को ढिंचक चैनल पे होने वाला है। ढिंचक चैनल पे ये मूवी 9 फरवरी को होने वाला है, तो आप इस फिल्म को वहां से देख सकते हैं। गंभीर प्रतिक्रिया संपादित करें अपने प्रदर्शन और कॉमेडी गानों और डांस नंबरों की प्रशंसा के साथ रिलीज के पहले दिन फिल्म को समीक्षकों से सकारात्मक समीक्षा मिली। हिंदू की संगीता देवी डंडू ने इस फिल्म को हास्य के उपयोग की सराहना किया है और लिखा है कि निर्देशक वेंकी कुद्दू मुल्ला इस तरह के चरित्र को एक कृषि युद्ध के केंद्र में रखते हैं और परिणाम एक जो है आशिंग के रूप में हास्य शब्द कॉमेडी है, जो कभी कभी जो है जानबूझकर निराशा होता है और कभी कभी उधार देता है। खुद को जोर के हंसने के लिए ऑस्ट्रेलियन और स्टॉट ने इसे जो है 4.5 रेटिंग दिया है। एक महान मनोरंजन करता पूरी कास्ट अद्भुत दिखाई गई थी और व्यंग्य की फिल्म सभी तरह से एक विजेता साबित हुआ है। यह मूवी आपकी संपूर्ण और साथ ही हफ्ता तक जो है घड़ी है और कोई मोई के संपादन रोहित मोहन ने इस फिल्म को 3.5 का मूल्यांकन किया है और कहा है कि 1.5 साल के बाद जो है नितिन की वापसी पूरी तरह से स्वाभाविक है और एक हिट घोषित किया गया है फिल्म को और दर्शकों के लिए सही है। और जीशु सेनगुप्ता, रश्मिका मंदना ने अपनी भूमिका के साथ पूरा न्याय किया है फिल्म में। टाइम्स ऑफ इंडिया के संपादक ने 3.5 स्टार के मूल्यांकन किया है और कहा है कि यदि आप जो है चलो से प्यार करते हैं तो भीष्म को एक मौका देना कोई भी दिमाग नहीं है और बस कुछ दूर से समझदार या उपन्यास की उम्मीद मत करो और आप जीत गए हैं, निराशा नहीं है। दोस्तों वीडियो में भीष्मा फिल्म की रिव्यू कर रहे हैं, जो कि ढिंचक चैनल पे ये मूवी 19 फरवरी को हिंदी डब में रिलीज होने वाला है। आज की इस वीडियो में हम इस फिल्म को हिंदी भाषा में रिव्यू कर रहे हैं और फिल्म से जुड़ी काफ़ी अननोन फैक्ट को बतला रहे हैं। दोस्तों अब हम इस मूवी के स्टार कास्ट के बारे में, नितिन कुमार रेड्डी के बारे में हम बातें करेंगे। इन्होंने अब तक कितनी तेलुगु फिल्म में अभिनय किया है और इनको अब तक साउथ में कितना अवार्ड मिला हुआ है। दोस्तों आप लोग को ये पता है मैं जिस फिल्म को रिव्यू करता हूँ उस मूवी के स्टार कास्ट के बारे में जरूर बतलाएंगे इन्होंने अब तक कितने फिल्मों में अभिनय किया है। सो वीडियो में अंत तक आप जरूर बने रहिएगा क्योंकि इस वीडियो में काफ़ी रोमांटिक फैक्ट को बतला रहा हूँ और इस फिल्म भीष्मा मूवीज़ को रिव्यू भी कर रहा हूँ।
सबसे पहले नितिन कुमार रेड्डी की जन्मदिन के बारे में हम बात करते हैं। इनकी जन्म 30 मार्च 1983 में हुआ था। इनका एज 38 साल के ये हो चुके हैं। इनके बारे में बताने के बाद हम बातें करेंगे रश्मिका मंदाना मैम के बारे में। आई होप कि रश्मिका मंदाना मैम के बारे में आप लोग जानने के लिए काफ़ी ज़्यादा बेचैन होंगे। नितिन कुमार रेड्डी का जन्म 30 मार्च 1983 में हुआ था। पेशेवर रूप से नितिन के रूप में जाने जाते हैं। एक भारतीय अभिनेता है और निर्माता है जो मुख्य रूप से तेलुगु सिनेमा में काम करते हैं। नितिन के काम ने उन्हें एक फिल्मफेयर पुरस्कार और सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के लिए फिल्मफेयर पुरस्कार के लिए 2 नामांकन तेलुगु अर्जित किए हैं। नितिन ने अपने अभिनय की शुरुआत 2002 में किया था। रोमांटिक एक्शन फिल्म जयम मूवी 2002 से की है। उन्होंने अपने प्रदर्शन के लिए सर्वश्रेष्ठ पुरुष पदार्पण दक्षिण के लिए फिल्मफेयर पुरस्कार जीता है। नितिन इसके बाद दिल फिल्म 2003 में अभिनय किया था। श्री अंजन यम फिल्म 2004 में अभिनय किया और सही फिल्म 2004 में दिखाई दिए थे। बॉक्स ऑफिस पे असफलताओं की एक श्रृंखला के बाद नितिन ने रोमांस फिल्म इश्क में काम किया था, जिसे 2012 के साथ सफलता हासिल की थी। उनकी अन्य सफल फिल्मों में गुंडे मूवी शामिल है और जारी है, और साथ ही गैल थानी दे फिल्म 2013 का और हार्ट अटैक फिल्म 2014 में, ए आ फिल्म 2016 में और भीष्मा फिल्म 2020 की है जिसकी रिव्यू वीडियो में कर रहे हैं, और रंगदे फिल्म 2021 में शामिल है। 2013 में नितिन ने अपना खुद का फिल्म प्रोडक्शन स्टूडियो श्रेष्ठ मूवीज की स्थापना किया है। नितिन तेलंगाना राज्य के एक स्वच्छ भारत अभियान के ब्रांड एम्बेसडर भी है। नितिन कुमार रेड्डी का जन्म फिल्म वितरक जो है सुधाकर रेड्डी और लक्ष्मी रेड्डी के घर में जन्म हुआ था। उनकी एक बड़ी बहन है जिसका नाम निकिता रेड्डी है। उन्होंने गीतांजलि स्कूल और साथ ही बेगमन पेट में अपनी शिक्षा पूरी की है। रत्न जूनियर कॉलेज से इंटरमीडिएट की शिक्षा प्राप्त किया है और गंदी पेट के शादान कॉलेज ऑफ द इंजीनियरिंग एंड साथ ही टेक्नोलॉजी में स्नातक की पढ़ाई पूरी किया है। अपने पिता के बाद में एक निर्माता बन गए हैं और उनके साथ 2 फिल्म में बनाई है गुंडे जारी है और साथ ही गैल थिनिया दे और उनके साथ जो चिरान दानी की कोसम के साथ जो है सत्यापन फिल्म नितिन ने अपने नाम में जो है अतिरिक्त जो है जोड़ा है और इसे नितिन के रूप में लिखा गया है। 2020 में नितिन की अपनी प्रेमिका शामिल जो है कंदुकुरी से सगाई हुई थी। 26 जुलाई को उन्होंने हैदराबाद के साथ ही फलकुना पैलेस में शादी किया है। शादी मूल रूप से 16 अप्रैल उसी साल और साथ ही दुबई में होने वाली थी, लेकिन कोविड-19 महामारी के कारण जवाब में लगाए गए लॉकडाउन प्रतिबंधों के कारण इसे स्थगित कर दिया गया था। दोस्तों, इस वीडियो में एक्सप्लेन कर रहे भीष्मा फिल्म को, और अभी हम बातें कर रहे हैं नितिन सर के बारे में। इनके बारे में कुछ अननोन फैक्ट को बतला रहे हैं। इनके अभिनय करियर के बारे में हम बातें करेंगे और बतलाएंगे इन्होंने अब तक कितनी हिट फिल्मों में काम किए हैं और इनको अब तक जो है साउथ इंडिया में कितने अवार्ड मिले हैं। दोस्तों, आई होप कि वीडियो पसंद आ रहा होगा, और वीडियो पसंद आ रहा है तो आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक करके नीचे आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। भीष्मा फिल्म को बहुत जल्द जो है धनचक चैनल पे रिलीज किया जाएगा हिंदी डॉब में, तो आप धनचक चैनल पे इस फिल्म को देख सकते हैं। नितिन सर ने अपनी करियर की शुरुआत 2002 में तेजा द्वारा निर्देशित की गई फिल्म जयम से किए थे। निर्देशक तेजा ने उन्हें जो है साथी उनके साथ जो है सुदर्शन 35 मिमी थिएटर में उनकी फिल्म जो है नुब्बू नेनुगी साथी जो है स्क्रीनिंग पर 2 मौकों पर जो है देखा था। फिर तेजा ने उनसे उनकी जो है अभिनय रुचि के बारे में पूछताछ की थी और एक स्क्रीन टेस्ट और फोटो सेशन किया था, और उन्हें अपने निर्देशक और प्रोडक्शन वेंचर जयम के लिए साथी जो है लीड के रूप में चुना था। और साथी जो है यानी कि भी सदा और गोपीचंद अभिनीत जो है 2003 में नितिन ने बेबी विनायक धारा निर्देशित की गई फिल्म दिल में अभिनय किया था, और दिल राजू धारा निर्मित की गई थी। बाद में उसी वर्ष जो है नितिन ने साथी जो है दशरथ धारा निर्देशित किया गया था फिल्म जो है साथी संभारों में अभिनय किया गया था। 2004 में नितिन ने कृष्णा वामसी धारा निर्देशित की गई श्री साथी जो है यानी कि अंजन युवम में अभिनय किया था, जहां उन्होंने भगवान हनुमान के भक्त के रूप में भूमिका निभाई थी। यह पहली फिल्म भी है जहाँ नितिन ने अपने संवादों को डॉब किया था और जिसे जो है तब तक जो है
शिवाजी ने आवाज़ दी थी 2004 से 2011 तक के बारे में अब हम बात करते हैं। 2004 के बाद जो है एसएस राजा मौली द्वारा निर्देशित की उनकी 2004 की फिल्म सई के बाद जो है नितिन कई फिल्मों में दिखाई दिए थे, जिनमें से कुछ जो है धर्याम और साथ ही आज्ञा और सीता रामूला कल्याणम में है। हालांकि इसमें से कोई भी फिल्म जो है व्यावसायिक रूप से सफल नहीं रही और नितिन को तेलुगु सिनेमा में किसी भी अभिनेता द्वारा सबसे लगातार फ्लॉप जो है यानी कि 12 का गौरव प्राप्त हुआ है। उन्होंने 2012 में विक्रम कुमार द्वारा निर्देशित की गई रोमांटिक ड्रामा फिल्म इश्क के साथ जो है कई वर्षों के बाद सफलता का शबाद चखा था। 2012 से 2016 तक के बारे में हम बात करते हैं। इश्क फिल्म ने नितिन सर ने नित्या मिलन के साथ जो है जोड़ी बनाई थी, जिसे जो है उनके पिता सुधाकर रेड्डी ने भी सह निर्मित किया था। उन्होंने 2013 में फिल्म गुंडे जारी किए थे और साथ ही गलन थनिदे में अभिनय किया था। नितिन सर के साथ जो है ईशा तलवार और नित्या मिलन ने मुख्य भूमिकाएँ निभाई थी। बाद में उन्होंने 2014 में ए और साथ ही करुणा करण द्वारा लिखित की गई और निर्देशित की गई फिल्म जो है चिंद्राना नी में और साथ ही कुशम में अभिनय किया था, जिसे एन और साथ ही सुधाकर रेड्डी और बहन निकिता रेड्डी ने अपने घरेलू बैनर श्रेष्ठ मूवीज के तहत निर्मित किया था। बाद में वर्ष में उन्होंने पूरी जगन्नाथ द्वारा निर्देशित की गई हॉट अटैक फिल्म में मुख्य भूमिका निभाई थी। उन्होंने एक हिप्पी की भूमिका निभाई और फिल्म को मिश्र समीक्षा मिली थी। उन्होंने प्रेम सई धारा निर्देशित की गई और गौतम साथी वासुदेव मेनन धारा निर्मित किया गया फिल्म 2015 में रिलीज हुई थी। फिल्म कुरियर बॉय और साथी कल्याण में एक जो है कुरियर बॉय की भूमिका निभाया था और अभिनय किया था। साथ ही बेहतर सूत्रों की आवश्यकता थी। नितिन सर ने फिल्म एआ 2016 में अभिनय किया और त्रिविक्रम धारा श्रीनिवास धारा निर्देशित की गई समानता रूप से प्रभु और अनुपमा साथी परमेश्वर के साथ यह फिल्म जो है नितिन की करियर की सबसे बड़ी कमाई करने वाले फिल्म बन गई थी। इस वीडियो में हम एक्सप्लेन कर रहे भीष्म फिल्म को, जिसे 2022 में हिंदी डब में रिलीज किया जाएगा। धिनचक चैनल पे ये फिल्म आपको देखने को मिलेगा। दोस्तों आप लोग को पता है जितनी भी फिल्में रिलीज होती है हिंदी डब में वो धिनचक चैनल पे सबसे पहले रखा जाता है। इस फिल्म को धिनचक चैनल पे रिलीज किया जाएगा। अगर आप लोग इस फिल्म को देखना चाहते हैं तो आप मुझे नीचे कमेंट करके बता सकते हैं। इस वीडियो में हम इस मूवी की बजट एंड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन को एक्सप्लेन कर रहे हैं। सन 2017 में नितिन सर ने फिल्म लाइफ में अभिनय किया था, जिसे हनु राघव पुडी द्वारा निर्देशित किया गया था और इसने जो है आलोचकों से औसत समीक्षा प्राप्त किया था और बॉक्स ऑफिस पे अच्छा प्रदर्शन भी नहीं किया था। 2018 में नितिन की चल यानी मोहन रंगा को कृष्णा और साथ ही चैतन्य ने सह कलाकार जो है मेघा आकाश के साथ निर्देशित किया था। फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पे खराब प्रदर्शन किया था और बाद में वर्ष में उन्होंने श्रीनिवास कल्याण में राखी और राखी खन्ना के साथ अभिनय किया था और सतीश वेगेश नाथ के द्वारा जो है निर्देशित की गई थी। उनकी 2020 की फिल्म भीषम वंकी और साथ ही कुदू मुल्ला धारा निर्देशित की गई थी और रश्मिका मंदना के साथ अभिनीत एक व्यावसायिक सफलता फिल्म साबित हुआ था। मथिन सर ने निर्देशक चंद्रशेखर येलेटी के साथ जो है चेक फिल्म 2021 के लिए सहयोग किया था, जिसमें सह कलाकार रकुल प्रीत सिंह और प्रिय प्रकाश जो है वॉरियर थे और वर्ष की उनकी दूसरी रिलीज मूवी रंगदे थी, जिसका निर्देशन जो है वंकी अतलूरी ने किया था और इसमें जो है कृति सुरेश के साथ अभिनय किया गया था। वर्ष की उनकी तीसरी रिलीज मूवी ब्लैक कॉमेडी क्राइम थ्रिलर जो है यानी कि मेस्टो फिल्म थी, जो 17 सितंबर 2021 को डिज्नी प्लस हॉटस्टार पे रिलीज किया गया था। डायरेक्ट और 2 स्ट्रीमिंग रिलीज हुई थी। उन्होंने एक जो है यानी कि पियानो वादक की भूमिका निभाई थी। फिल्म में आलोचकों ने फिल्म में उनके प्रदर्शन की प्रशंसा की और यह हिंदी फिल्म जो है अंधाधुन की रिमेक है। बेहतर सूत्रों के हवाले से जरूर पता चला था सितंबर 2021 में उन्होंने अपनी अगली फिल्म जो है मचेरला और नियोजाक वर्मन के लिए फिल्मांकन शुरू किया था। दोस्तों वीडियो में एक्सप्लेन कर रहे हैं हम भीष्म फिल्म को और इस फिल्म से जुड़ी काफ़ी रोमांटिक फैक्ट को वीडियो में बतला रहे हैं। दोस्तों अगर आप लोग भीष्म फिल्म को अभी देखना चाहते हैं हिंदी डब में तो ये मूवी अभी आपको हिंदी भाषा में कहीं भी देखने को नहीं मिलेगा। इस वीडियो में हम एक्सप्लेन कर रहे हैं भीष्म मूवी को और हम बात करेंगे इस मूवी के लीड लेडी रश्मिका मंदना के बारे में, जिन्होंने अपनी नर्तकी और अपनी एक्टिंग से
पूरे हिंदुस्तान का दिल इन्होंने जीत लिया है। आई होप कि रश्मिका मंदाना क्या फैन है, इनके बारे में आप जानने के लिए काफ़ी ज़्यादा बेचैन होंगे। तो इनके बारे में आप लोग को बतलाने जा रहा हूँ, बहुत कम फिल्मों में इन्होंने अभी अभिनय की है और इन्हीं कम फिल्मों से इनको जो है काफ़ी ज़्यादा सफलता मिला है और अपने करियर में काफ़ी ज़्यादा अपने करियर को आगे बढ़ा के ले गई हैं। रश्मिका मंदाना के बारे में जानने के लिए बेचैन है तो चलिए अब यहाँ से हम बतलाते हैं। सबसे पहले रश्मिका मंदाना के जन्म के बारे में हम बातें करेंगे। इनका जन्म 5 अप्रैल 1996 में हुआ था। अब आप गैस कर सकते हैं कि इनका एज कितना हुआ है। खैर मैं आप लोग को ये बतलाता हूँ, इनका एज जो है 25 साल की ये हो चुकी है। रश्मिका मंदाना का जन्म 5 अप्रैल 1996 में हुआ था। यह एक भारतीय अभिनेत्री हैं और मॉडलिंग हैं जो मुख्य रूप से तेलुगु और कन्नड़ भाषा की फिल्मों में काम करती है। वह फिल्म फेयर अवार्ड, साउथ और सिम्मा अवार्ड की प्राप्त करता है। वह क्रिक पार्टी और गीता गोविंदम में अपनी भूमिकाओं के लिए जानी जाती है। वह क्रिक पार्टी 2016, अंजनी पुत्र 2017, चलो फिल्म 2018, गीता गोविंदम 2018, यजमान फिल्म 2019, श्री लरु निक्की वरु 2020, भीष्म फिल्म 2020 जो है, और शांति पोगुरु जैसी कई जो है सफल व्यावसायिक फिल्मों में अभिनय कर चुकी है। रश्मिका मंदाना का जन्म 5 अप्रैल 1996 को साथ ही कर्नाटक के कोडागु जिले के एक जो है कस्बे में हुआ था। विराजपेट में साथ ही सुमन और मदन मंदाना के घर में जन्म हुआ था। उन्होंने एस एस रमैया कॉलेज ऑफ ऑटो साइंस एंड कॉमर्स में जो है मनोवैज्ञानिक और साथ ही पत्रकारिता और अंग्रेजी साहित्य में स्नातक की डिग्री प्राप्त इन्होंने किया है। 2016 में रश्मिका मंदाना ने क्रिक पार्टी में अभिनय की शुरुआत किया था, जो वर्ष की कर्नाट में सबसे अधिक कमाई करने वाली फिल्मों में से एक बन गई थी। रश्मिका मंदाना के प्रदर्शन को कई समीक्षकों से प्रशंसा मिली थी। उन्होंने इसी भूमिका के लिए सर्वश्रेष्ठ नवोदित अभिनेत्री का सिम्मा पुरस्कार भी जीता था। उनको इस फिल्म के लिए सिम्मा पुरस्कार मिला था। 2017 में रश्मिका मंदाना को दो कन्नड़ फिल्मों में अंजनी पुत्र और साथ ही चमक में दिखाई दी थी। फिल्म चमक में उनकी भूमिका के लिए उन्हें 65वें फिल्मफेयर अवार्ड साउथ में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री कन्नड़ के लिए फिल्मफेयर अवार्ड के लिए नामांकित किया गया था। 2018 में उन्होंने विजय देवरकोंडा के साथ गीता गोविंदम फिल्म में अभिनय किया गया था, जो कि उनके साथ बेतहाशा सफल भी रही थी। रोमांटिक कॉमेडी में एक जो है साथ निर्दयी महिला के उनके चित्रण की भारतीय सिनेमा की सामान्य उथल पुथल को नष्ट करने के लिए प्रशंसा किया गया था। 2020 में रश्मिका मंदाना ने तेलुगु फिल्म सरीलरु निक्की वरु में महेश बाबू के साथ अभिनय किया गया था, जो कि सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली तेलुगु फिल्मों में से एक बन गई है। रश्मिका मंदाना बेंगलोर टाइम्स 25 जो है मोस्ट डिजायरेबल मूवमेंट फिल्म अब 2016 में 24वें स्थान पर चली गई थी और बेंगलोर टाइम्स 30 उनके साथ जो है मोस्ट डिजायरेबल वुमेन अब 2017 की विजेता फिल्म थी। अक्टूबर 2021 में उन्होंने समानता विजय देवरकोंडा और यश को पछाड़ते हुए जो है सोशल मीडिया पर फोर्ब्स इंडिया की सेलिब्रिटी सबसे साथी प्रभावशाली अभिनेताओं में शीर्ष जो है स्थान पर हासिल किया गया था। दोस्तों इस वीडियो में हम रिव्यू कर रहे भीषम फिल्म को, जिसे 2020 में हिंदी डब में रिलीज नहीं किया गया था, लेकिन 2020 में मूवी रिलीज हो गया था और 2020 में ही फिल्म रिलीज होने के बाद इस मूवी से जुड़ी काफ़ी अननोन फैक्ट को वीडियो में हम बतला रहे हैं। सो फ्रेंड, वीडियो पसंद आ रहा हो तो आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को लाइक करके हमारे यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। आप लोगों को पता है हमारे यूट्यूब चैनल पर आपको मूवी रिव्यू, मूवी की बजट एंड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन देखने को मिलता है। आज के इस वीडियो में हम इस मूवी को फुल हिंदी में रिव्यू कर रहे हैं और फिल्म से जुड़ी काफ़ी रोमांटिक फैक्ट को बतला रहे हैं। दोस्तों अगर आप लोग को वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। दोस्तों इस वीडियो में हम भीष्म फिल्म को रिव्यू कर रहे हैं और इस फिल्म से जुड़ी कुछ ऐसे अननोन फैक्ट को वीडियो में बतला रहे हैं जो आप लोग नहीं जानते होंगे। दोस्तों अब हम बात करेंगे इस मूवी के रिकॉर्डिंग के बारे में। इस फिल्म में जितने भी गाने तैयार किए हैं इसके बारे में हम बात करेंगे। एक मोशन पिक्चर नाटक पुस्त जो है टेलीविजन कार्यक्रम रेडियो कार्यक्रम या फिर वीडियो गेम में इसकी शुरुआत किया गया। सबसे पहले 16 मिनी फिल्म दाई और एक जो है परिवर्तनीय क्षेत्र ध्वनि टेक जो है दिखा रही है। फिल्म उहोक जो है यानी कि शब्दावली के उपयोग में एक जो है ध्वनि टेक एक ऑडियो रिकॉर्डिंग है, जिसे जो है फिल्म निर्माण या पोस्ट प्रोडक्शन में बनाया गया था।
उपयोग किया जाता है और प्रोग्राम में एक फिल्म में जो है संवाद और ध्वनि प्रभाव रखी जाती है और संगीत प्रत्येक का जो है अपना अलग अलग ट्रैक होता है। सारे फिल्म का संवाद ट्रैक जो है ध्वनि प्रभाव ट्रैक होता है, संगीत ट्रैक होता है और उन्हें जो है मिश्रित ट्रैक जो है बनाने के लिए मिश्रित किया जाता है जिसे जो है समग्र ट्रैक कहा जाता है, जिसे इसमें जो है सुना जाता है। फिल्म डबिंग ट्रैक जो है अक्सर बाद में बनाया जाता है जब फिल्मों को दूसरी भाषाओं में डब किया जाता है तो इसे एक यानी कि एंड ई संगीत और प्रभाव ट्रैक के रूप में भी जाना जाता है। साथ ही एम एंड ई ट्रैक में जो है सभी ध्वनि तत्व जो है माइंस डायलॉग होते हैं जो कि जब यानी कि विदेशी और साथ ही वितरक द्वारा अपने क्षेत्र की मूल भाषा में आपूर्ति की जाती है। फिल्म के साउंडट्रैक दस्तावेजक जो है साउंडट्रैक के लिए एक जो है संज्ञा के रूप में और क्रिया के रूप में वर्तमान साथ ही शब्दकोश प्रविष्टि किया जाता है। साउंडट्रैक जो है यानी कि शब्द को लोकप्रियता बनाने का एक प्रारंभिक प्रयास है। 1929 में फोटो प्ले और साथ ही जो पत्रिका में छपा था और एकेडमिक जो है प्रेस और उनके साथ जो है डिक्शनरी ऑफ द साइंस एंड साथ ही टेक्नोलॉजी में 1992 की टेक्निकी यानी कि शब्द कोश प्रविष्ट साउंड उनके साथ जो है ट्रैक और साउंडट्रैक के बीच जो है यानी कि अंतर नहीं करता है। 1940 के दशक के अंत में जो है तथा कथित और साउंडट्रैक जो है एल्बम में उनके साथ जो है अगमोन के साथ जो है संकुचन साउंडट्रैक जो है सार्वजनिक चेतना में आया था और पहली बार फिल्म कंपनियों द्वारा जो है नई दिल नई फिल्मों के लिए जो है प्रचार की नौटंकी के रूप में कल्पना की गई है और इन व्यावसायिक रूप से शादी उपलब्ध जो है रिकॉर्डिंग को मूल मोशन पिक्चर साउंडट्रैक से जो है संगीत या मोशन पिक्चर से जो है संगीत और प्रेरित के रूप में जो है लेबल किया गया है विज्ञापित किया गया था। इन जो है यानी कि वका यासो को जल्दी उनके साथ जो है ओरिजिनल और साथ ही मोशन पिक्चर साउंड एड के रूप में जो है छोटा कर दिया गया था और अधिक जो है यंकेस्टिक रूप से इसी तरह की रिकॉर्डिंग एक फिल्म के संगीत ट्रैक से किया जाता है क्योंकि वह आम तौर पर एक फिल्म से अलग संगीत से जो है मिलकर बनते हैं कि संवाद और ध्वनि प्रभाव के साथ जो है मिश्रित ध्वनि किया जाता है। व्यावसायिक रूप से सबसे पहले जारी किया गया साउंडट्रैक एल्बम वाली पहली लव और एक्शन संगीत जो है फिल्म MGM की 1946 की फिल्म शो बोर्ड संगीतकार और जोरोल में कैन किया गया था। टिल द उनके साथ में क्लाउड्स रोज और बाइक की जीवनी थी और एल्बम को मूल रूप से 4 या 10 जो है इंच 78 और RPM जो है रिकॉर्डिंग के सेट जो है रूप में किया गया था और एल्बम के इसी पहले संस्करण में फिल्म के केवल 8 यानी कि चयनों को शामिल किया गया था और फिल्म में जितने एल्बम दिखाए जाते इसे पहले जो है संस्करण में फिल्म के केवल 8 चयनों को शामिल किया गया था। रिकॉर्ड पक्षों पर जो है गाने फिट करने के लिए संगीत सामग्री को साथ ही संपादन और हेरफेर की जाती है हेरफेर की आवश्यकता होती है। यह पेट के अस्तित्व में आने से पहले ही था और इसीलिए रिकॉर्ड जो है निर्माता को सेट पर उपयोग की जाने वाली प्लेबैक और डिस्क से जो है यानी कि खड़ों की प्रतिलिप बनाने की आवश्यकता होती थी। फिर उन्हें एक जो है डिस्क से दूसरी डिस्क में जो है कॉपी और फिर से जो है कॉपी करें और अंतिम जो है यानी कि मास्टर बनने तक जो है संक्रमक और क्रॉस फेड और जोड़े के कहने की जरूरत नहीं है। यह मूल रूप से इसे जो है कई और पीढ़ियों को हटा दिया गया था और इसके लिए ध्वनि की उनके साथ जो है ग्रीन वक्ता का सामना करना पड़ा था। साथ ही प्लेबैक रिकॉर्डिंग को जानबूझकर बहुत यानी कि सुखी बिना उनके साथ प्रतिबंधी के रिकॉर्ड किया गया था और अन्यथा यह बड़े जो मूवीज और थिएटरों में बहुत जो यानी कि खोखली आवाज़ के रूप में सामने आएगा। इसने इन एल्बमों को साथ ही उनके साथ जो शपाप और बख्शी बना दिया था। साथ ही MGM रिकॉर्ड से इन्हीं यानी कि ओरिजिनल कास्ट एल्बम को जो है डेका और साथ ही ब्रेट वेस्ट शो कास्ट एल्बम की शैली में बुलाया गया था क्योंकि डिस्क पर जो है सामग्री तस्वीर के लिए उनके साथ जो है लॉक नहीं होगी जिससे जो है उनके साथ ओरिजिनल मोशन पिक्चर और साउंडट्रैक के बीच जो है सबसे बड़ा अंतर पैदा होगा जो अपने सख्त अर्थों में होगा। इसमें संगीत शामिल है जो कि साथ जो है तस्वीर के लिए लॉक हो जाएगा यदि घरेलू और उपयोगकर्ता दूसरे के साथ जो है एक और भी ओरिजिनल और का जो है साउंडट्रैक बजाएगा
जो अपने सख्त अर्थ में जो है मूल फिल्म कलाकारों द्वारा फिल्म संगीत को स्टूडियो रिकॉर्डिंग को जो है यानी कि संदर्भित करेगा, लेकिन जिसे जो है संपादित किया गया था या उनके साथ जो है पुनर्व्यवस्था किया गया था और समय और सामग्री और तस्वीर पर जो है यानी कि ताला नहीं होगा। हकीकत में हालांकि साउंड ट्रैक जो है निर्माता इसी भेद के बारे में अस्पष्ट रहेंगे और शीर्षक जो है जिनमें से एल्बम पर संगीत लॉग टू और पिक्चर को जो है यानी कि OCN के रूप में लेबल किया गया था लेबल किया जा सकता है और एक यानी कि एल्बम से संगीत जो कि तस्वीर को लॉक नहीं करता है उसे जो है यानी कि OMCA के रूप में संदर्भित किया जाता है। 1970 और 1980 और 1990 के दशक में साउंड एड से सीधे रिकॉर्डिंग किए गए थे और साथ ही जो है उनके साहब का इस्तेमाल सामग्री को किया जाता है अलग अलग करने के लिए किया जाता था उसी से जो है यानी कि तस्वीर में लॉक को जो है किया जाएगा और साथ ही वे क्लिप सवाम और उनके साथ जो है काम किया जाता था। अब इन सारे चीज़ों को 1990 के दशक में साउंडर से सीधे रिकॉर्डिंग किए गए थे उनके साथ वैकेंसा का इस्तेमाल सामग्री को अलग करने के लिए किया गया था जो उसे जो है तीसरे जो उसे जो है तस्वीर में लक हो जाएगा और साथ ही बैकलिप सवारी में जो है यानी कि उनके साथ ऐश्वर्या एक जो है छोड़कर लेकिन फिर से जो है भाग में क्योंकि कई जो है फिल्म टेक में वास्तव में गीत पर जो है कई अलग अलग जो है प्रयास शामिल थे और मास्टर बनाने के लिए एक स्थान भी दिया गया था। इस सारी अस्पष्टता के कारण जो है परिणाम स्वरूप वर्षों से साउंड एक्ट शब्द को जो है आमतौर पर किसी भी फिल्म से किसी भी रिकॉर्डिंग पर जो है लागू किया जाने लगा था चाहे वह जो वास्तविक फिल्म हो या फिर साउंड एक्ट से लिया गया हो पहले या बाद में जो है समय में स्टूडियो में फिर से जो है रिकॉर्ड किया गया था। यह जो है उनके साथ जो है यानी कि वैंगस कभी कभी जो है साथ ही ब्रांड वे कास्ट रिकॉर्डिंग के लिए गलत तरीके से उपयोग किया जाता है। हालांकि कुछ यानी मामले में साउंड एक्ट कास्ट रिकॉर्डिंग किया गया था साथ ही कहना है कि क्योंकि ज़्यादातर मामलों में इसमें जो है यानी कि मूल फिल्म और कलाकारों द्वारा रिकॉर्ड किए गए थे। एक प्रदर्शन होना है और कास्ट रिकॉर्डिंग को साउंड एड कहना है कि उनके साथ जो सही नहीं है शब्द की अस्पष्टता के कारण योगदान देने वाली शब्द की अस्पष्टता के कारण योगदान देने वाली परियोजनाएं हैं जैसे कि उनके साथ साउंड ऑफ म्यूजिकल लव और जिसे 2013 में NBC हॉलीडे सीजन में विशेष पहले प्रसारण के लिए सेट पर जो है लाइव फिल्माया गया था। प्रसारण से 3 दिन पहले ही रिलीज किए गए एक एल्बम में विशेष में जो उपयोग किए गए थे और सभी गीतों की स्टूडियो प्री रिकॉर्डिंग भी की गई थी। इसे मूल कलाकारों द्वारा जो है प्रस्तुत किया गया था लेकिन केवल जो है इसलिए कि एल्बम से सामग्री का और क्रेस्टा वाला जो हिस्सा वही है जो कि विशेष में उपयोग किया जाता है यानी उनके साथ जो वेलकम को पहले से ही रिकॉर्डिंग किए गए थे और ट्रैक पर जो है उनके साथ लाइव गाया गया था। यह मूवी एक समान और साथ ही टेक्निकी ताप पैदा करता है क्योंकि हालांकि CD से वह जो है वाद संगीत और बिस्तर पर जो है तस्वीर में लॉक हो जाएगा मुखर प्रदर्शन नहीं होगा। हालांकि DVD में उनके साथ जो मुखर प्रदर्शन को उठाकर जो है CD से बैक लिप और वोकल के साथ जो है स्मार्ट को मिटाकर और दोनों को जो है मिलाकर एक पूर्ण साउंडेड जो रिकॉर्डिंग बनाया गया था। MGM के सबसे उल्लेखनीय साउंडेड एल्बमों में गुड न्यूज साथ ही स्टार परेड जो है एनी गेट और योर गन जो है यानी कि सिंगिंग इन द रेन शो बोर्ड पर जो है यानी कि बैंड बैगन 7 और उनके साथ जो है ब्राइज फॉर 7 पर जो है यानी कि ब्रदर्स किया गया था। फिल्म स्कोर और एल्बम जो है संपादित करे साथ ही LP युग तक जो है फिल्म स्कोर और एल्बम जो है वास्तव में लोकप्रिय नहीं हुए थे। हालांकि कुछ जो है 78 और साथ ही RPM जो है एल्बम में जारी किया गया था जो कि स्टिकर और साथ ही नेमर जो है डिजाइनर के 1951 में फिल्म को संस्करण दिया गया था। 1951 के लिए संस्करण के लिए जो है यानी कि एलेक्स नॉर्थ का स्कोर जो है कैप्टिल और साथ ही रिकॉर्ड धारा 10 इंच में जो है LP पर जारी किया गया था और इतनी अच्छी तरह से बेचा गया था कि लेबल ने बाद में इसे जो है मैक्स एस टेनर के कुछ जो है फिल्म संगीत के साथ 12 इंच के LP के एक तरफ फिर से जो है जारी किया गया था। गान विद द विंड के लिए एस टेनर का स्कोर कई बार जो है रिकॉर्ड किया गया है लेकिन जब 1967 में फिल्म को फिर से जो है
जारी किया गया था। तो साथ ही MGM रिकॉर्ड ने अंततः साउंडर से सीधे रिकॉर्ड किए गए एक प्रसिद्ध स्कोर का एक एल्बम जारी किया था। फिल्म के 1967 के पूर्ण रिलीज की तरह जो है स्कोर का यह संस्करण जो है कृत्रिम रूप से जो है स्टूडियो के लिए बढ़ाया गया था हाल के वर्षों में। साथ ही राइनो रिकॉर्ड ने पूर्ण गान विद और साथ ही विंड स्कोर का 2 CD सेट जारी किया है जिसे इसकी मूल मोनो और साथ ही ध्वनि में जो है बहला किया गया है। जब तक के सबसे अधिक बिकने वाले फिल्म स्कोरों में से एक फिल्म स्टार वार्स का जान जो है यानी कि विलियम्स का संगीत तक कई फिल्म स्कोर एल्बम जो है फिल्मों के नाटकीय प्रदर्शन को जो है यानी कि समाप्त करने के बाद आउट ऑफ द प्रिंट हो जाते हैं और कुछ जो है यानी कि आत्यम दुर्लभ संग्रह यानी कि संग्रहकर्ताओं के आइटम नंबर 1 बनते हैं। दोस्तों वीडियो में एक्सप्लेन कर रहे हैं भीष्मा फिल्म को, इसे 2021 में रिलीज किया जाएगा हिंदी, 2022 में रिलीज किया जाएगा हिंदी डब में। अभी ये फिल्म आपको हिंदी डब में देखने को नहीं मिलता है। आज की इस वीडियो में हम इस मूवी को फुल हिंदी में एक्सप्लेन कर रहे हैं और मूवी से जुड़ी काफ़ी अननोन फैक्ट को बता रहे हैं। धिन चक चैनल पे इस फिल्म को हिंदी डब में रिलीज किया जाएगा। दोस्तों अगर आप लोग हिंदी डब में देखना चाहते हैं तो आप मुझे नीचे कमेंट करके बता सकते हैं। इस फिल्म में अभिनय किए हैं रश्मिका मंदाना सर ने, रश्मिका मंदाना मैम ने अभिनय किए हैं जिनकी रियल लाइफ को इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ एक्सप्लेन कर दिया हूं। आप लोगों को पता है हमारे यूट्यूब चैनल पे मूवी रिव्यू, मूवी की बजट एंड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन को एक्सप्लेन किया जाता है। कुछ दुर्लभ और उदाहरणों में रिकॉर्ड किए गए एक संपूर्ण फिल्म सनमार्ट टेक जारी किया गया था। रोमियो और जूलियट की फिल्म 1968 की फ्रेंको और जेफी रेली फिल्म को 4 LP सेट के रूप में संगीत और संवाद अंशों के साथ जो है एकल LP के रूप में और केवल फिल्म के संगीत स्कोर वाले एल्बम के रूप में जारी किया गया था। ग्राउंड ब्रेकिंग फिल्म जो है साथ ही वर्जीनिया बुल्फ से जो है कौन डरता है, वार्नर ब्रदर्स रिकॉर्ड धारा 2 LP सेट के रूप में जारी किया गया था जिसमें फिल्म के लगभग सभी संवाद शामिल थे और साथ ही RCA उनके साथ जो विक्टर ने एक डबल एल्बम सेट भी जारी किया था जो मैन फॉर ऑल और साथ ही सीजन के लिए फिल्म साउंड डेट से लगभग जो है सभी साथी संवाद थे। और डेका रिकॉर्ड ने जो है मैन ऑफ ला और उनके साथ जो है मांचा डिज्नी म्यूजिक जो है ग्रुप पुरुआ में जो है बुएना विस्टा रिकॉर्ड से किए गए थे डबल एल्बम जारी किया गया था। साथ ही जो है यानी कि हॉबिट के साउंड डेट के लिए जो है समान डबल किया गया था। मूवी और टेलीविजन साउंड डेट जो संपादित करे मुख्य लेख फिल्म स्कोर या फिर देखे कि बॉलीवुड की संगीत फिल्म और संगीत या फिर देखे साउंड डेट एल्बम। जब कोई ब्लॉकबस्टर फिल्म रिलीज होती है या टेलीविजन सीरीज के प्रसारण के दौरान और बाद में साउंड एड के रूप में एल्बम किया जाता है आमतौर पर उसके साथ रिलीज होता है। एक साउंड एड में आमतौर पर जो है यानी इंस्ट्रूमेशन का या जो है यानी कि वैकल्पिक रूप से एक फिल्म स्कोर होता है लेकिन इसमें ऐसे गाने भी शामिल हो सकते हैं कि जो किसी भी दृश्य में पात्रों द्वारा गाए गए या प्रस्तुत किए गए हो या फिर मीडिया में किसी भी गीत का कवर संस्करण जो है किसी भी लोकप्रिय कलाकार द्वारा फिर से जो है रिकॉर्ड किया गया हो। ऐसे गीत जिनका उपयोग महत्वपूर्ण दृश्य गीतों में जानबूझकर या फिर उनके साथ जो अनजाने में पृष्ठभूमि संगीत के रूप में किया जाता था जो कि उनके साथ जो है क्लोजिंग क्रेडिट में सुने गए थे या गाने बिना किसी भी स्पष्ट कारण के प्रचार के अलावा मीडिया से जो यानी कि संबंधित थे जिन्हें जो है साउंड एड में शामिल किया गया था। साथ ही साउंड एड आमतौर पर जो है प्रमुख रिकॉर्ड लेबल पर जारी किया जाता है जैसे कि वह एक संगीत कलाकार द्वारा जारी किए गए थे और गाने और साउंडर जो है यानी कि समय भी संगीत 4 पर हो सकते हैं और संगीत पुरस्कार भी जीत सकता है। साथ ही परंपरा के अनुसार एक यानी कि साउंडर रिकॉर्ड में प्रेरित संगीत जो है सहित जो है सभी प्रकार के संगीत शामिल हो सकता है लेकिन वास्तव में फिल्म में दिखाई नहीं दे रहे हैं, इस स्कोर में केवल मूल फिल्म के संगीतकारों का संगीत है। साथ ही समस्यायिक रूप से एक साउंडर यहाँ पर सामान्य के खिलाफ जा सकता है, आमतौर पर लोकप्रियता संस्कृति और फ्रेंचाइज में उपयोग किया जाता है और इसमें हाल ही में रिलीज किया गया है अनन्य रूप से जारी किए गए थे। मूल पॉप और साथ ही संगीत चयन शामिल है जिनमें से कुछ अपने आप में जो है यानी कि उच्च और साथ ही चार्टिंग रिकॉर्ड बन गया था।
चार्टिंग रिकॉर्ड बन जाते हैं, जो कि होने के कारण किसी भी अन्य फ्रेंचाइजी शीर्षक पर जो है जारी किया गया था, इसके कारण चरम पर जो है पहुंच गया था और इसका उपयोग केवल जो है प्रसिद्ध और कलाकारों या नए या फिर अज्ञात जो है कलाकारों के प्रचार उद्देश्य के लिए किया जाता है। इन साउंड एट में ऐसा संगीत है जो फिल्म टेलीविजन श्रृंखला में बिल्कुल भी नहीं सुना गया है और कोई भी कलाकार या फिर उनके साझे गीतात में संबंध जो है साथ ही विषम रूप से जो है यानी कि संयोग किया गया हो। दोस्तों वीडियो में एक्सप्लेन कर रहे भीष्मा फिल्म को और इस फिल्म से जुड़ी काफ़ी रोमांटिक फैक्ट को वीडियो में हम बतला रहे हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है तो आपसे रिक्वेस्ट है इस वीडियो को लाइक करके हमारे यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब कर दीजिए। आप लोग को पता है हमारे यूट्यूब चैनल पर आपको मूवी रिव्यू, मूवी की बजट एंड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन यहाँ पर देखने को मिलता है। हम यहाँ पर किसी भी कंपनी की फिल्म को अपलोड नहीं कर सकते, ये मैंने आप लोग को कई सारे वीडियो में ऑलरेडी बतला रखा है। अब जो है हालांकि मीडिया की शैली के आधार पर लोकप्रियता गीतों के साउंडट्रैक का एक सेट पैटर्न होगा, एक हल्के दिल वाले रोमांस में आसानी से जो है सुनने वाले प्रेम गीत हो सकते हैं, जबकि एक अधिक जो है यानी कि डार्क और थ्रिलर हार्ड राय का जो है शहरी संगीत जो है उनके साथ रचना करेगा। अब 1908 के बारे में कुछ बातों को हम बतलाते हैं। 1908 में कैमिले सेंट सेंस ने विशेष रूप से एक मोशन पिक्चर ल एलिसिन और साथ ही डूक डी और साथ ही गुइंज में उपयोग किए गए पहला संगीत बनाया था और फिल्मों में उपयोग किए जाने वाले गीतों की रिकॉर्डिंग जारी करना 1930 के दशक में जो है प्रचारित हो गया था। साथ ही हेनरी और मैंसिनी जिन्होंने पीटर गन को जो है अपने साउंड एट के लिए एमी और पुरस्कार और दो साथ ही ग्रेमी पुरस्कार जीते थे, वह पहले संगीतकार थे जिन्होंने साउंड एड के लिए एक गीत के साथ जो है व्यापक रूप से हिट किया गया हो। 1970 के दशक में पहले साउंड एड कुछ जो है यानी कि अपवादों के साथ संगीत के साथ और एक जो है ऐसा एल्बम था जिसमें जो है मुखर और साथ ही वधा और मुखर गीतों के उद्यम जो है संस्करण, हालांकि संस्करण कलाकारों के सदस्यों द्वारा किए गए संगीत जो है चयन शामिल थे या किसी भी अन्य कलाकार द्वारा गाए गए गीतों के संस्करण कवर को करे थे। 1970 के दशक के बाद जो है साउंड एट में अधिक जो यानी कि विविधता शामिल होने लगी थी और संगीत जो है यानी कि उपभोक्ता मोशन पिक्चर या फिर टेलीविजन जो है साउंड एट की आशा करेंगे और फिर जो यानी कि सेट जो है चार्टिंग गीतों में से एक जो यानी कि अधिकांश वे थे जो किसी भी फिल्म या फिर टेलीविजन साउंडेड एल्बम पर जो है प्रदर्शित किया गया हो और रिलीज भी किए गए थे। हाल के वर्षों में जितने भी साउंडेड शब्द यानी कि कम हो गया है और यह अब यानी कि आम तौर पर उस मीडिया में प्रयुक्त होता है वाद पृष्ठभूमि संगीत को साथ ही संदर्भित करता है। किसी भी फिल्म या टेलीविजन श्रृंखला में प्रदर्शित लोकप्रियता गीतों को क्रेडिट में साथ ही जो है उनके साथ हाईलाइट किया जाता है और संदर्भित किया जाता है, न कि साउंडट्रैक के हिस्से के रूप में किया जाता है। दोस्तों वीडियो में एक्सप्लेन कर रहे भीष्म फिल्म को जिसे 2022 में रिलीज किया जाएगा हिंदी डॉब में रिंचक यूट्यूब चैनल पर। फिल्मों में जितने गाने रिकॉर्ड किए जाते हैं और वीडियो गेम में प्रयुक्त हुए संगीत का भी उल्लेख कर सकता है, जबकि ध्वनि प्रभाव जो है लगभग साथ ही सार्वभौमिक रूप से खेल में होने वाली कार्रवाई के लिए उपयोग किया जाता था और साथ ही गेम प्ले के साथ संगीत बाद में विकास था। रॉब और साथ ही हर्बर्ट और मार्टिन गावले 1980 के दशक के साथ ही कमोडोर 64 कंप्यूटर के लिए विशेष रूप से वीडियो गेम के लिए संगीत के शुरुआती संगीतकार थे और कोजी कुंडो और निनटेंडो खेलों के लिए एक जो है प्रारंभिक और महत्वपूर्ण संगीतकार थे। जैसे जैसे टेक्निकी में सुधार हुआ और साथ ही उनके साथ जो है पॉलीफोनिक और अक्सर जो है यानी कि ऑर्केस्ट्रा साउंड एट ने 1980 के जैसे कि उत्तरार्ध में शुरू होने वाले साधारण जो है मोनोफोनिक धुनों को बदल दिया था और ड्रैगन साथ ही उनके साथ जो है क्वेस्ट और फाइनल जो है फैंटेसी श्रृंखला में जैसे कि उनके साथ जो है लोकप्रिय खेलों के साउंडट्रैक अलग अलग में जारी किया गया था और वीडियो गेम में किए गए विशेष रूप से लिखी गई थी और रचनाओं के अलावा जो है सीडी टेक्निकी के साथ ही आगमन में जो है उनके साथ डुअल पार्ट्स को लाइसेंस प्राप्त किया गया था।
विशेष रूप से लिखी गई और साथ ही रचनाओं के अलावा सीडी टेक्निकी के आगमन के उनके साथियों के डेवलप पार्ट्स को लाइसेंस प्राप्त गीतों को अपने साउंड डेट में शामिल करने की अनुमति दी गई थी। ग्रैंड थेपक और ऑटो श्रृंखला इसका जो है एक यानी कि अच्छा उदाहरण है। और इसके अलावा जब वो उनके साथ जो है माइक्रोफोन 2001 में साथ ही एक्स बॉक्स जारी किया गया था, तो इसमें विकल्प दिखाया गया है कि जिससे उपयोगकर्ता हॉट और साथ ही ड्राइवर पर जो है सीडी पर जो है करके कुछ गेम के लिए साउंड डेट को अनुकूलित कर सकते थे। अब बात करते हैं साउंडर ऑफ द म्यूजिक लाइफ के रूप में जो है विचारधारी संगीत या संवाद जो है विशेष रूप से ऊपर वर्णित किसी भी घटनाओं में या फिर उपयोग के लिए तैयार किया गया था। साथ ही थीम पार्कों के मामले में अभिनेताओं को बड़ी जो है इनकी वेशभूषा में साथ ही विराजमान किया जा सकता है जहाँ उनके चेहरे और साथ ही स्पष्ट हो सकते हैं। वह जो है पूर्व साथ ही रिकॉर्डिंग और संगीत जो है प्रभाव और वर्णन टैग के साथ जो है यानी कि उनके साथ माइम करते थे, जो कि ऐसा लग सकता है जैसे कि इसे जो है किसी भी फिल्म से उठा लिया गया हो, या फिर ऐसा लग सकता है जैसे इसे जो प्रभाव के लिए अत्यधिक और साथ ही नाटकीय रूप से चित्रित किया गया हो। क्रूड जहाजों और उन्होंने लिखा है मचरेला न्यूजैक वार्गम मूवी दुखी भरी फिल्म है जहाँ पे सभी शैली और कोई भी यानी कि पदार्थ नहीं है। द न्यू इंडियन एक्सप्रेस के मुरली कृष्णा CH ने कहा है कि मचरेला न्यूजैक का वार्गम मूवी जो है दर्दनाक रूप से अनुमानित है जहाँ पे हास्यास्पद रूप से दोहरावा वाली फिल्म है। जी हाँ दोस्तों, आपने सही सुना, बड़े बड़े जो न्यूज रिपोर्टर थे उन्होंने इस फिल्म के बारे में ऐसे रेटिंग दिए हैं। दोस्तों अगर आप लोग इस फिल्म को देख चुके हो तो आप मुझे नीचे कॉमेंट बॉक्स में कॉमेंट करके बता सकते हैं इस फिल्म को आप कितना रिव्यू रेटिंग दे सकते हैं, क्योंकि दोस्तों फिल्म की कहानी अच्छी हो तो मूवी को देखने का मजा ही कुछ और होता है। और अभिनेता नितिन की मूवी तो काफ़ी अच्छी जो है पॉपुलैरिटी हासिल करती है रिलीज होने के बाद। तो चलिए दोस्तों अब बात कर लेते हैं अभिनेता नितिन के बारे में कि इन्होंने अब तक कितने फिल्मों में अभिनय किया है। बता दें दोस्तों इनके बारे में मैंने कई सारे वीडियो में ऑलरेडी बता रखा है, तो दोस्तों अगर आप हमारे वीडियो को कंटिन्यू देखते हो तो आपको पता ही होगा। तो चलिए दोस्तों यहाँ से हम बात कर लेते हैं अभिनेता नितिन के बारे में। बता दें दोस्तों साउथ के सुपरस्टार नितिन ने अपने करियर की शुरुआत 2002 में तेजाधारा निर्देशित की गई फिल्म जेम्स की थी, जहाँ पे निर्देशक तेजा ने उन्हें दूरदर्शन से लेकर 35 मिनट के साझे थिएटर में उनकी फिल्म जो है नुब्बू नैनू के साथ स्क्रीन में दो मौके पर देखा था। फिर तेजा ने उनसे उनकी अभिनय रुचि के बारे में पूछताछ की थी और एक स्क्रीन टेस्ट के साथ फोटो सेशन के साथ किया था। उन्हें अपने निर्देशन और प्रोडक्शन वेंचर के साथ जो है जैम के लिए लीड के रूप में उनको चुना था। और साथ ही साथ आपको बता दें वहाँ पे शादा और शादी गोपीचंद अभिनीत भी थी, जो साल 2003 में नितिन ने बीबी विनायक धारा निर्देशित की गई फिल्म दिल में अभिनय किया था। दिल राजू धारा निर्मित किया गया था इस फिल्म को, और बाद में उसी वर्ष नितिन ने शादी दशरथ धारा निर्देशित की गई फिल्म जो है शंभारम में अभिनय किया था। आपको बता दें सन 2004 में नितिन ने कृष्णा वामसी धारा निर्देशित की गई श्री जोहन के अजनम में अभिनय किया था, जहां उन्होंने भगवान हनुमान के भक्त के रूप में भूमिका निभाई थी। ये पहली फिल्म भी है जहां पे नितिन ने अपने संवादों को ड्रॉप किया था, जिसे जो है तब तक जो है यानी कि शिवाजी ने आवाज़ नहीं दे दी थी। बताया दोस्तों SS राजा मौली धारा निर्देशित की गई उनकी 2004 की फिल्म जो है साई के बाद नितिन कई जो है फिल्मों में दिखाई दिए थे, जिनमें से कुछ जोहन की धर्यम आज्ञा और सीता रामूला फिल्म था जहाँ पे कल्याण है, और वहीं पे हालांकि उनमें से कोई भी फिल्म जो है व्यावसायिक रूप से सफल नहीं रही। नितिन को तेलुगु सिनेमा में किसी भी अभिनेता द्वारा सबसे यानी कि लगातार फ्लॉप की जाने वाली 12 का गौरव प्राप्त है, जो उन्होंने साल 2012 में विक्रम कुमार द्वारा निर्देशित की गई रोमांटिक ड्रामा फिल्म इश्क के साथ जो है कई वर्षों के बाद सफलता का स्वाद इन्होंने चखा था। इसी के साथ 2012 से लेकर 2016 तक ने इस इश्क फिल्म में नितिन ने नित्या मेनन के साथ जोड़ी बनाई, जिसे उनके पिता जो है सुधाकर रेड्डी ने भी सह निर्मित किया था। उन्होंने साल 2013 में फिल्म गुंडेज जारी के साथ जो इनकी गलन था यंदे में अभिनय किया था, और ये फिल्म एक सफल मूवी थी जहाँ पे अभिनेता नितिन के साथ ईशा तलवार और नित्या मेनन ने मुख्य भूमिकाएँ निभाई थी। बाद में उन्होंने साल 2014 में एक करुणाक्रम धारा लिखित और निर्देशित की गई फिल्म जो है चिन्नाद न की और साथ ही कोशम में अभिनय किया था, जिसे जो है एन सुधाकर रेड्डी और बहन जो है निकिता रेड्डी ने अपने होम बैनर सीरीज जो है मूवी के तहत निर्मित किया था। और बाद में वर्ष में उन्होंने पूरी जगन्नाथ धारा निर्देशित की गई हॉट अटैक में मुख्य भूमिका निभाई थी। उन्होंने एक हिप्पी की भूमिका निभाई और फिल्म को मिश्रित समीक्षा दी गई थी। उन्होंने प्रेम असाई धारा निर्देशित की गई और गौतम वासुदेव धारा मिनन धारा निर्मित की गई साल 2015 में रिलीज हुई फिल्म जो है कुरियर बॉल के साथ कल्याण में एक जो है यानी कि कुरियर बॉय की भूमिका निभाते हुए इनको देखा गया था।
बेहतर सूत्रों की आवश्यकता ये थी कि नितिन ने फिल्म AA 2016 में अभिनय किया और लिखा है कि त्रिविक्रम श्रीनिवास द्वारा निर्देशित की गई समांथा रूथ प्रभु और अनुपमा परमेश्वर के साथ जो है ये फिल्म नितिन के करियर के सबसे बड़ी कमाई करने वाली फिल्म साबित हुई थी। जी हाँ दोस्तों, आपने सही सुना। तो दोस्तों, अगर आप नितिन के फैन हो और इनकी मूवीज को देखना चाहते हो तो आपसे रिक्वेस्ट है इस वीडियो को लाइक करके इस वीडियो में आप अंत तक जरूर बने रहिएगा, क्योंकि दोस्तों आपको पता है हमारे यूट्यूब पर आपको मूवी रिव्यू, मूवी की बजट एंड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन देखने को मिलता है। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम एक्सप्लेन कर रहे हैं मचरेला न्यूजा का वारगम फिल्म को। तो अगर आप लोग इस फिल्म को देखना चाहते हैं तो प्लीज आप मुझे नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो चलिए दोस्तों वीडियो में हम आगे बढ़ते हैं। दोस्तों अभिनेता नितिन ने अपने करियर में कई सारे फिल्मों में अभिनय किया है और ये एक लौते अभिनेता है जिन्होंने लगातार 12 फिल्मों को फ्लॉप किया है। साल 2017 में नितिन ने फिल्म जो है ली में अभिनय किया जिसे हनु एन सतीराग व पुडीधारा निर्देशित किया गया था। इसने आलोचकों से औसत समीक्षा प्राप्त की और बॉक्स ऑफिस में अच्छा प्रदर्शन करने में विफल रही। साल 2018 में नितिन की चल मोहन रंगा को कृष्णा और चैतन्य ने सह कलाकार मेघा आकाश के साथ निर्देशित किया था। फिल्म ने बॉक्स ऑफिस में खराब प्रदर्शन किया था। दोस्तों नितिन की ये फिल्म भी बॉक्स ऑफिस पे उतने ज़्यादा कामयाबी हासिल नहीं की। उसके बाद के वर्षों में उन्होंने श्री निवास धारा कल्याण में राशि खन्ना के साथ अभिनय किया था और आपको बता दें सतीश जो है यानी कि वेगनाथ धारा निर्देशित किया गया था उनकी 2020 की फिल्म भीषम वेंग की कुद्दुमुलु धारा निर्देशित की गई रश्मिका मंदाना के साथ अभिनीत एक जो है व्यावसायिक सफलता फिल्म थी। आपको बता दें नितिन ने रकुल प्रेम सिंह के साथ इन प्रियंका प्रकाश वारियर की सह कलाकार वाली मूवी चेक फिल्म में अभिनय किया था जिसे 2021 के लिए निर्देशित यानी कि चंद्रशेखर इलेटी के साथ सहयोग किया गया था। वर्ष की उनकी दूसरी रिलीज रंगदे फिल्म थी जिसका निर्देशन वंगी अतलूरी ने किया था और इसमें कीर्ति सुरेश के साथ अभिनय किया था। वर्ष की उनकी तीसरी रिलीज मूवी ब्लैक कॉमेडी क्राइम थ्रिलर मेस्टो मूवी थी जिसे 17 सितंबर 2021 को डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर डायरेक्ट जो है टू स्ट्रीमिंग के लिए रिलीज किया गया था। उन्होंने एक जो है पियानो वाद की भूमिका निभाई फिल्म के अंदर और आलोचकों ने फिल्म में उनके प्रदर्शन की प्रशंसा की और ये हिंदी फिल्म जो है अंधाधुन की रिमेक बनाई गई है जो बेहतर सूत्रों की जरूरत थी वहाँ पे। और सितंबर 2021 में उन्होंने अपनी अगली फिल्म यानी मचरेला न्यूजा का वारगम मूवी के लिए फिल्मांकन इन्होंने शुरू किया है जिसको हाल ही में रिलीज की गई है जिसके रिव्यू इस वीडियो में हम कर रहे हैं। चलिए दोस्तों अब बात कर लेते अभिनेत्री तेरेसा के बारे में। उन्होंने सबसे पहले अपने अभिनय की शुरुआत 2010 की मूवी कन्नड़ फिल्म शंकर से की थी। ये मूवी दुनिया भर में विजय के साथ ही जहाँ पे तेरेसा ने मलयालम फिल्म में दिखाई दी। ये मूवी थ्रिलर और साथी जो है कि अंबु कदम ब्रदर्स मूवी था जहाँ पे बैक इन एक्शन में अभिनय किया था। ये फिल्म साल 2011 में उन्होंने कन्नड़ फिल्म जो है विष्णु में एक भूमिका निभाई थी। इसके बारे में उन्होंने कहा था कि वे उनके वास्तविक जीवन के समान रूप से विपरीत फिल्म थी। इसके बाद उपेंद्र के साथ कन्नड़ फिल्म जो है गॉड फादर आई थी। इसे सिनेमाटोग्राफर से फिल्म निर्माता बने थे और आपको बता दें सेतु श्रीराम ने निर्देशित किया था इस फिल्म को और फिल्म में त्रासा का चरित्र जो है मानसिक रूप से विपक्ष रखा गया था। ये फिल्म महिला का था जहाँ पे उनके प्रदर्शन ने उन्हें 60वीं फिल्मफेयर अवार्ड साउथ में सर्वश्रेष्ठ हास्य अभिनेत्री के श्रेणी में एक पुरस्कार के लिए पहला नामांकन दिलाया था। दोस्तों इसके बाद उन्होंने नीलकांत धारा निर्देशित की गई छमक छल्लो मूवी के लिए साइन अप किया गया था इनको। इसमें उन्होंने एक शहरी साहसी की इंसाती गतिशील लड़की की भूमिका निभाई थी। ये फरवरी 2013 में रिलीज हुई थी और बॉक्स ऑफिस में असफल रही थी, लेकिन उसने ध्यान दिया था और सकारात्मक समीक्षा प्राप्त की थी। आपको बता दें APHIT.com ने उसे देखने के लिए एक दावत दिया था और कहा था। 123 Telugu.com ने कहा कि अगर वह अपने पत्ते सही से खेलती है तो उसने भविष्य में यानी कि सुपरस्टार बनने की क्षमता है। साथ ही साथ तेरेसा ने पूरी जगन्नाथ की तेलुगु फिल्म में इन्होंने अभिनय किया, मुख्य भूमिका निभाई इस फिल्म में और फिल्म जून 2013 में रिलीज हुई थी और उसे खूब समीक्षा मिली थी जहाँ पे टाइम्स ऑफ इंडिया ने रिपोर्ट किया है कि कैथरीन तेरेसा जो है कि आकांक्षा के चरित्र पर पूरी तरह से सूट करती है। जहाँ पे इस फिल्म के बारे में Sting.com ने उन्हें सीक्रेट एंड साथी ए स्मोकिंग हॉट कहा था, जबकि आइडियल ब्रेन जीव ने अपनी समीक्षा में कहा था कि थोड़ी फाइनल जो है ट्यूमिंग के साथ वह तेलुगु फिल्मों में बड़ी बन सकती है। तेरेसा जो है अपनी अगली बार पैसा में कृष्णा वंशीधारा फिल्म में एक मुस्लिम की भूमिका निभाते हुए दिखाई दी थी जो
प्यारी है, बहुत यानी कि हिचकिचाती हुई है फिल्म में और अपनी आंखों से बहुत कुछ यानी कि बोलती है। और इसे छमक छलों में जो यानी कि मैं खेलती हूँ उन्होंने कहा था विपरीत थी, जो साल 2014 में उन्होंने मद्रास के साथ तमिल फिल्म उद्योग में अपनी शुरुआत की, जिसमें उन्होंने कार्तिक के साथ अभिनय किया था। दूसरी तमिल फिल्म एस के साथ यानी कि थनु एंड प्रोडक्शन के साथ जो है कनीथन के साथ, जिसका निशंजय डेब्यूटेंट एंड संतोष सर ने किया है, जिसमें वह आधारवा के साथ अभिनय करेंगी। उन्हें दो तेलुगु फिल्मों के लिए साइन अप किया गया है। सबसे पहले गुणशेखर की रुद्रमा देवी मूवी, पहली जो है भारतीय 3D मूवी ऐतिहासिक फिल्म है। और आपको बतला दें इरावत, जिसे जो है कि दशहरी नारायण राव द्वारा निर्देशित की गई और निर्मित किया जा रहा है, जो आपको इस वीडियो में हम बतलाएंगे। तो दोस्तों, अगर आप इस साउथ की फिल्म को देखना पसंद करते हो तो इस वीडियो में आप अंत तक जरूर बने रहिएगा। द मूवी स्टोरी इज द सिद्धार्थ रेड्डी गेट द एन पोस्टिंग एंड डिस्ट्रिक्ट द कलेक्टर फॉर द एंजेंट डिस्ट्रीब्यूट आंध्र प्रदेश। देयर इज द गोट अगेंस्ट एंड रजप्पा लोकल रॉडी एंड द पुलिस स्टेशन। ऑन द 10 सितंबर 2021 द श्रेष्ठ मूवी मेड एंड द अनाउंसमेंट ऑन द एन एसोसिएशन ऑफ द वेंकी चटुरी विद द पूजा एंड कमोडनी ऑफ द थियर एंड अपकमिंग मूवी विद द नितिन इज द एंड प्रोड्यूसर अंडर द बैनर ऑफ श्रेष्ठ मूवी इन एसोसिएशन विद द आदित्य मूवी एंड एंटरटेनमेंट प्रिंसिपल फोटोग्राफी एंड कमीशन इन सितंबर 2021। द फिल्म वॉज द रिलीज इन थिएटिकल ऑन 12 अगस्त 2022। द मकरेरा न्यूजा वार्ग मूवी रिसेप्ट नेगेटिव रिव्यू एंड फ्रॉम क्रिटिक्स द एन अरबीन बी ऑफ द इन पिंक विला रेटेड द फिल्म 2 out of 5 stars एंड वरुड द स्टोरी ऑफ द मकरेरा न्यूजा का वार्गम चेक ऑल द एन वर्ग इन द वरुण बॉक्स ऑफिस द एन बॉक्सेस हैव अ एंड रोनिटेड फ्रॉम द इन बयोंग आर द एन थिएटिकल आ वीडो इज द 123 तेलुगु वरुड द फिल्म एंड रोटेन एंड द आउट वाइड एक्शन ड्रामा विथ इज सेलेक्ट फ्रॉम द एन मिस द मोमेंट एंड निशिता न्यायपति ऑफ द टाइम्स ऑफ इंडिया रेटेड द 1.com 1.5 stars out of 5 stars विद द एन मकरेरा न्यूजा वार्गम इज द एन सैडली ऑफ एंड द सडनली ऑल द स्टाइल एंड द एन सबस्केंडर द एन मुरली कृष्णा एंड ऑफ द न्यू इंडियन एक्सप्रेस स्टेट द एन मकरेरा न्यूजा वार्गम मूवी एंड पेनफुली एंड पोर्टेबल इज द एन रिफ्यूली इन द पॉजिटिव एंड द नेगेटिव रिव्यू फ्रॉम द 2022। फिल्म स्टार नितिन इज द मेड हेयर द एक्शन डिब्यूट इन 2002 विद द एन रोमांस एक्शन फिल्म जेएम 2002। ही वॉन टू बी इन फिल्म फेयर अवार्ड फॉर बेस्ट मेल डिब्यूट शॉट फॉर हिज द एंड परफॉर्मेंस द नितिन एंड ऑपरेट इन द दिल मूवी 2003, श्री अंजना मूवी 2004 एंड द सी 2004 एंड आफ्टर द सीरीज ऑफ द एन फेलियर ऑफ द बॉक्स ऑफिस नितिन द एंड अचीव सक्सेस विद द एंड रोमांस फिल्म इश्क मूवी 2002 हिज द अदर सक्सेसफुल फिल्म इन द सचिडुल एंड द गंजरी एंड गलेथ मूवी 2013, हार्ट अटैक मूवी 2014, ए आ मूवी 2016 एंड द भीषम फिल्म 2020। इन द 2013 नितिन द एंड एस्टेब्लिशेड द हाउ द फिल्म प्रोडक्शन स्टूडियो इन श्रेष्ठ मूवी एंड नितिन इज द ब्रांड एम्बेसडर फ्रॉम द स्विस द एंड द स्वच्छ भारत कंपेन फ्रॉम द इन स्टेट ऑफ द मूवी द फिल्म इज द पर्सनल। नितिन कुमार रेड्डी वॉज द ऑन द 30 मार्च 1983 टू द फिल्म एंड डिस्ट्रीब्यूटर द एन सुधाकर रेड्डी एंड लक्ष्मी रेड्डी। ही हिज द एन एल्डर सिस्टर द नेमेड द निकिता रेड्डी। ही द कम्प्लीटेड द एजुकेशन ऑफ द एन गीतांजलि स्कूल एन बगुमती। द मूवी इज द एंटरटेनमेंट द एजुकेशन फ्रॉम द एन रत्ना जूनियर कॉलेज। हिज द एन परस्यू हिज द एंड ग्रेजुएशन एट द एन सदर्न कॉलेज द एन इंजीनियरिंग ऑफ द एन टेक्नोलॉजी एन गंदीप। हिज द फादर लेटर द एन टर्निड द प्रोड्यूसर एंड द प्रोड्यूस टू बी मूवी विद द एन गंदीजारी एंड द मूवी एंड कनेडा दी एंड कुसुम द नितिन एडिट द एक्स्ट्रा इन हिज द एन नेम ऑफ द एन एक्सप्रेस द नितिन हिज द इन 2022 नितिन वॉज द एन इंगेज टू हिज द गर्लफ्रेंड द शालिनी एन कंडुकरी। ऑन 26 जुलाई द मैरिज एट द एन फल्कुनुमा इन फल्कुनुमा पैलेस हैदराबाद। द एन मैरिज वॉज द ओरिजिनली शेड्यूल ऑफ द मूवी हेल्ड ऑन 16 अप्रैल सेम ईयर्स इन दुबई बट वॉज द पोस्टपोन ड्यू टू हिज द लॉकडाउन इन रिस्ट्रिक्ट इम्पोजिट इन द and the response COVID-19. Nitin started his career with the movie in GM in 2002 and directed by the Teja director. Tej was the him and the Sudarshan 35mm the entry is the screening of the film Nuhu Nenu Hadi to an association the and the Teja
द इंक्वायरी हिज द इन अबाउट एक्शन द इन टेस्ट एंड मूवी स्क्रीन टेस्ट इन द फोटो एंड द एसोसिएशन द सिलेक्टेड हिंदी एंड लीड फ्रॉम हिज द इन डायरेक्टोरियल एंड प्रोडक्शन वर्ड द जैम मूवी ऑल्सो स्टारिंग द अंशुधा एंड गोपीचंद इन 2003 नितिन एक्टेड बाय द दिल डायरेक्टेड बाय द बीवी विनायक एंड प्रोड्यूसर बाय द दिल राजू लेटर इन द फिल्म दिल राजू इज द मूवी द सेम ईयर द नितिन एक्टेड इन द मूवी एंड समर्था डायरेक्टेड बाय द एन दशरथ के इन 2004 नितिन स्टारेड द श्री अंजनम डायरेक्टेड बाय द कृष्णा वामसी इन वेयर द ही प्लेड द रोल ऑफ द एन ए डिबाउट टू बी ऑफ द एंड लॉर्ड हनुमान दिस ऑल्सो द फर्स्ट फिल्म वेयर द एन नितिन डिबाउट हिज द एन डायलॉग विल द अंटिल वॉज द एन वॉइस बाय द एन शिवाजी द फ्रिंग ऑफ द मूवी 2004 फिल्म से डायरेक्टेड बाय द एस एस राजमौली नितिन अप्रोचेड बाय द एन नंबर ऑफ द फिल्म सेन ऑफ द विच आर द एंड द्राम अज्ञाता एज द सीता एंड रमूला कलैम द एन हाउएवर नोन ऑफ दिस फिल्म वेयर द एन कॉमर्शियली सक्सेसफुल नितिन ऑल्सो ही द वर्ल्ड एंड डिस्ट्रीब्यूटर ऑफ द मोस्ट एंड तो चलिए दोस्तों वीडियो के अंत में हम बात कर लेते हैं इस मूवी की बजट एंड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में। तो दोस्तों फिल्म की कहानी तो ऐसे स्टार्ट होती है, सिद्धार्थ रेड्डी को आंध्र प्रदेश के गुंटूर जिले के लिए उनको भेजा गया है कलेक्टर के रूप में, जहां पे इनको पोस्टिंग मिलती है वहां एक स्थानीय उग्रवादी और राजनेता रजप्पा के खिलाफ लड़ते हैं। फिल्म को 10 सितंबर 2021 को श्रेष्ठ मूवी विनायक चतुर्थी के अवसर पर नितिन के साथ अपनी आगामी फिल्म के पूजा समारोह के साथ घोषणा की गई थी। ये आदित्य म्यूजिक एंड एंटरटेनमेंट के सहयोग से श्रेष्ठ मूवी के के तले निर्मित की गई है। फिल्म को उस प्रिंसिपल फोटोग्राफी के बारे में हम बात कर ले तो 2021 में शुरू की गई थी। फिल्म 12 अगस्त 2022 को सिनेमाघरों में रिलीज हुई है और रिलीज होने के बाद मछरेला नियोजक का वारगम फिल्म को आलोचकों से नकारात्मक समीक्षा मिली। पिंक विल्ला के अरविंद वे ने फिल्म को 5 में से 2 स्टार का मूल्यांकन किया और लिखा है मछरेला नियोजक वारगम फिल्म की कहानी उन सभी गलत बक्सों की जाँच करती है इन्हें एक बीते युग के पुण्य यानी कि प्रस्तुत किया गया है। एक विधवा को धमकी देना और 123 तेलुगु ने लिखा है कि ये फिल्म को जो है चुनिंदा सामूहिक क्षणों के साथ नियमित और पुरानी एक्शन ड्रामा वाली फिल्म है। द टाइम्स ऑफ इंडिया के निशिता न्यायपति ने फिल्म को 5 में से 1.5 स्टार की रेटिंग दिया है और लिखा है मछरेला नियोजक का वार्ग मूवी दुखी वाली फिल्म है और किसी भी शैली और कोई भी इनकी पदार्थ नहीं है। जहां पे द न्यू इंडियन एक्सप्रेस के मुरली कृष्णा सीएच ने कहा है कि मछरेला नियोजक का वार्गम फिल्म जो है दर्दनाक रूप से अनुमानित और साथ ही हास्य सबत रूप से दोहराव वाली फिल्म है। यह दोस्तों आपने सही सुना। बता दें दोस्तों इस वीडियो में हम एक्सप्लेन कर रहे हैं मछरेला नियोजक का वार्गम फिल्म को। तो चलिए दोस्तों वीडियो के अंत में हम इस मूवी की बॉक्स ऑफिस कलेक्शन को बतला दें। तो दोस्तों अब तक ने फिल्म ने 15.75 करोड़ से आधे की कमाई कर लिया है और फिल्म को हिट होने के लिए कम से कम 50 करोड़ से अधिक की कमाई करना होगा। वहीं पे फिल्म के मुख्य स्टार कास्ट है नितिन कीर्ति शेट्टी एंड चित्रेन त्रेसा इस फिल्म में अभिनय करते हुए नजर आए हैं। तो दोस्तों अगर आपको ये रिव्यू पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और इस यूट्यूब चैनल पर आप नए हो तो आपसे रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। तो दोस्तों मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए टेल एंड सी यू सून।